तो आज दूसरे दिन के इस भगवत गीता के सत्संग में आप सबका स्वागत है। हम लोग एक बार जल्दी से कल क्या क्या डिस्कस किया उसको एक रिकैप करेंगे। आप लोग स्लाइड पर ध्यान दीजिए, उस पर लगातार। अच्छा, ये लाइट कम कर दें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए लाइट बंद कर देते हैं, तो ये थोड़ी जल्दी से। हर किसी ने भागवत गीता ले ली है आज, क्योंकि आज हम लोग श्लोक देखेंगे। कल नहीं थी भागवत गीता आप सबके पास, तो हम लोग सिर्फ थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, तो आज आपके पास होगी तो आप लोग रिलेट कर पाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। जैसा कि प्रभु जी ने बताया अभी कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो श्री प्रभुपाद की भागवत गीता के जो भी उन्होंने हमें सिखाया है उसके ऊपर आधारित है ये पूरा प्रोग्राम। श्री प्रभुपाद कौन है आप सब अब जान ही गए हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं और उन्हीं की शिक्षाओं से हम सब ये वैदिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और वही सब चीज़ें एज इट इज हम आपके साथ यहाँ शेयर कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस की थी भागवत गीता क्या है, कहाँ ये बोली गई, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोगों ने चर्चा की थी कि महाभारत के युद्ध के समय। फिर हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी, एक राजा, उसके गुरु और एक मूर्ख, और उसके हाथ में एक लाठी थी। तो आखिर में उस मूर्ख को क्या पता चला कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, वो खुद राजा ही है। क्यों? क्योंकि राजा जो है वो जो प्रश्न करने चाहिए उन प्रश्नों को ना करके अपना सारा जीवन ऐसे चीज़ों में बिता रहा है जो अपने साथ लेकर के ही नहीं जा सकता है। ये हम लोगों ने चर्चा की। और तब गुरु ने आखिर में आकर के क्या बताया कि हमको जो मनुष्य जीवन मिला है वो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए मिला हुआ है। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब क्या, कि हम जाने कि हम सब दुखी क्यों हैं, हम सब कौन हैं, हम सब कहाँ पर हैं, हमारे मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी कि जितने भी बद्ध जीव हैं उनके अंदर चार तरह के डिफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक में है और किसी में नहीं है। जब तक हम कंडीशन है बद्ध अवस्था में है, बद्ध अवस्था में मतलब कि हम आत्मा हैं और हमने शरीर का कपड़ा पहन के रखा है, और जब तक हम इस भौतिक शरीर के कपड़े के प्रभाव में रहेंगे तब तक हमारी बद्ध अवस्था बनी रहेगी। तो जो बद्ध अवस्था में हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं, डिफेक्ट्स हैं, वो हमने चर्चा की थी। जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि हमारी आंखें जो हैं उसकी लिमिटेशन है कि हम एक रेंज की चीज़ों को देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बाहर की चीज़ों को हम नहीं देख सकते, उसके अंदर की चीज़ों को ही देख सकते हैं। बहुत ही नज़दीक से हम चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत दूर से हम चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं। ये हमारी आँखों की लिमिटेशंस है। ठीक ऐसे ही हमारे टंग की लिमिटेशंस है कि कुछ चीज़ें हम लोग, जैसे अभी संतरा खाया और संतरा के बाद जब नींबू खाएंगे तो बहुत खट्टा लगता है, लेकिन उसी के साथ अगर हम दूसरी चीज़ खाएंगे तो हमको संतरा मीठा लगने लगता है। तो ये संतरे का स्वाद या नींबू का स्वाद नहीं बदल रहा है, ये हमारे जो सेंसेस है उसकी थोड़ी सी इम्परफेक्शंस है। हम साउंड भी ऐसे ही कुछ लिमिटेड साउंड सुन सकते हैं, ऐसे ही हम कुछ स्मेल कर सकते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, ये सब हमारे बॉडी में चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। मतलब कि हमारी लिमिटेशंस है, यह हम एग्री करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी कि ज्ञान प्राप्त करना, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा तो चर्चा हो गई कि साधु ने आकर के बताया कि राजा को ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब ज्ञान प्राप्त करना है और हम सब बद्ध अवस्था में हैं, हमारे शरीर की लिमिटेशंस हैं, तो ज्ञान कैसे प्राप्त करें? तो ज्ञान प्राप्त करने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है सेंस परसेप्शन, प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हमको सेंसेस से दिखता है और हम उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो है सेंस परसेप्शन के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण, जो सामने दिखता है या हम सामने सुनते हैं। दूसरी चीज है इन्फ्रेंस या अनुमान प्रमाण, और तीसरा है शब्द प्रमाण। तो हम लोगों ने देखा था कि
हमको जो दिखता है वो कभी भी 100% सच नहीं होता है. जैसे कि हमने डिस्कशन की थी कि अगर हमने इसमें एक पेंसिल डाली या रॉड डाली तो वो बेंड होती हुई दिखती है, तो सचमुच में वो बेंड नहीं होती, वो हमको खाली लगता है, ऐसा छलावा होता है हमारे साथ में. हम लोगों ने ये पिक्चर कब देखी थी कि किसी को इसमें एक बुढ़िया लग रही थी, किसी को एक जवान लड़की लग रही थी, कहीं ट्राइंगल दिख रहा है जो कि है ही नहीं. और जो हम लोगों ने इस वाली चीज को जो ध्यान से देखा था तो ये लग रहा है कि एक कपल है, ओल्ड कपल है, लेकिन सचमुच में यहाँ पर कौन है? कुछ यस म्यूजिशियन है, कुछ गिटार बजा रहे हैं, कुछ तबला बजा रहे हैं, ये सब चल रहा है. लेकिन ये हमको क्या भ्रम दे रहा है कि ये कौन है? ये कोई दो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं. तो ये क्या हो रहा है कि हमारी आंखों के सामने दिख रहा है लेकिन सच्ची चीज नहीं दिख रही है, हमें भ्रम होते रहता है. उसके बाद हम लोगों ने अनुमान प्रमाण के बारे में बात की थी. जैसे कि हमने चर्चा की थी कि अगर बिल्डिंग में आग लग जाए या धुआं निकल रहा है तो हमें लगता है कि वहां पर आग लगी है, लेकिन सचमुच में शायद वहां आग लगी ही ना हो. और अनुमान प्रमाण के लिए हम लोगों ने ये हाथी का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि छह अंधे या तो छह लोगों को पट्टी बांध करके पहली बार अगर हाथी के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वो हाथी के बारे में क्या क्या अनुमान लगाते हैं. अब ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो मिला और ये अनुमान प्रमाण जो मिला, इन दोनों से हमको पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता है. ये हम लोगों ने कल चर्चा की थी. ठीक, क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि हम सभी लोग जो हैं वो बद्ध अवस्था में हैं. जितने भी पुरुष हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब बद्ध अवस्था में हैं. तो सच्चा ज्ञान कौन दे सकता है? जो बद्ध अवस्था में नहीं है. और वो कौन है? वो खुद भगवान है. भगवान जो है उनको हम अपौरुषीय बोलते हैं. और उनका जो ज्ञान दे रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं होती है. ज्ञान कैसे प्राप्त करना है? जो भी हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है उसका रास्ता खुद भगवद गीता में भगवान ने ही बताया है. चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, एवं परंपरा प्राप्तिम, मतलब कि जिस तरीके से परंपरा से जब ज्ञान मिलता है तो वो ज्ञान सच्चा होता है. अपने मन से मेंटल कॉन्वक्शन करके, अपने मन से अनुमान लगा करके यदि हम कोई ज्ञान समझाएंगे तो वो सही और पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा. फिर हम लोगों ने चर्चा की थी कि इस कलयुग में चार संप्रदाय हैं जो कि ऑथोराइज्ड हैं भगवान का ज्ञान, वेदों का ज्ञान देने के लिए जो ऑथोराइज सोर्सेस हैं. और वो कौन कौन से हैं? हम लोगों ने डिटेल में इसको देखा था कि एक श्री संप्रदाय है, एक ब्रह्म संप्रदाय है, और एक रुद्र संप्रदाय है, और कुमार संप्रदाय है. ये जो ब्रह्म संप्रदाय है ब्रह्मा जी से चलता है, श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से चलता है, और ये रुद्र शिव जी से चलता है, और चार कुमार, और हर एक के अपने अपने आचार्य. ये निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य, और ये रामानुजाचार्य, और ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य कलयुग के हैं वो मध्वाचार्य. ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. और इसी के साथ हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये जो हम अभी जहाँ बैठे हैं, इस्कॉन की संस्था में बैठे हैं, तो इस्कॉन यहाँ पर कहाँ पर आता है? तो ये ब्रह्म संप्रदाय में ये इस्कॉन आता है श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से फिर नारद जी के पास, और फिर ये परंपरा में ज्ञान आ रहा है. ये पूरी परंपरा का एक चित्र है. और इसी परंपरा में आगे चैतन्य महाप्रभु आए थे, और चैतन्य महाप्रभु से आते आते ये ज्ञान श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास आया, और वहाँ से श्री प्रभुपाद जी के पास आया. और अभी हम लोग जो ज्ञान ले रहे हैं ये एक परंपरा में से ज्ञान ले रहे हैं. अर्थात जैसे भगवान ने बताया है कि परंपरा से ज्ञान लेना है, तो हम परंपरा से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं. इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी कि कौन सी किताब सही है, कौन सी किताब ऑथेंटिक है, कहाँ से ज्ञान सही मिल सकता है. तो वेदों से हमें सही ज्ञान मिल सकता है. और वेदों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, वेदों में क्या क्या चीजें आती हैं. तो वेदों में चार वेद आते हैं. चार वेद के बारे में बताया गया है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, उसके अलावा दो इतिहास है, एक रामायण और एक महाभारत. और महाभारत जो इतिहास है उस इतिहास के अंदर भीष्म पर्व जो है उसमें
18वें अध्याय से 43वें अध्याय तक जो है वो जो चर्चा हुई है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, तो उस चर्चा को भगवद गीता कहते हैं। और ये जो भगवद गीता है ये सारे के सारे वेदों में सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि सारे वेदों में क्या है, भगवान ने जो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान नारद जी को दिया, फिर नारद जी ने उस ज्ञान को व्यासदेव जी के पास दिया, व्यासदेव जी ने उसको लिपिबद्ध किया था। ये सारी चीजें, जो भी ज्ञान इन सारों वेदों में आया हुआ है उसका जो पूरा का पूरा निचोड़ जो है वो खुद भगवान ने भागवत गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से इस सारे जगत के लोगों को दिया हुआ है, भगवान ने स्वयं अपने आप से कहा है। तो इसीलिए जो भागवत गीता है ये सारे वेदों का निचोड़ माना जाता है। और ऐसा हम लोग ही नहीं कहते हैं, हर संप्रदाय के लोग ये कहते हैं। पद्म पुराण में आता है जहां पर कि शिव जी पार्वती जी को बताते हैं कि इन भागवत गीता का महत्व क्या है, और शिव जी क्या कह रहे हैं पार्वती जी से, हरे कृष्ण माता जी, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवा देवकी पुत्र एवा, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मया एकम तस्य देवस्य सेवा। इसका मतलब है कि बस एक ही शास्त्र पढ़ लीजिए आपका काम हो जाएगा। कौन सा? देवकी पुत्र गीतम, और कोई गीता नहीं। देवकी पुत्र मतलब कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन से कही है, वो जो कन्वर्सेशन हुआ है वो वाली गीता, देवकी पुत्र गीतम। और एक ही मंत्र हमको बोलना है। कौन सा मंत्र बोलना है? भगवान के बारे में, भगवान का ही नाम लेना है, वही सबसे बड़ा महामंत्र है। कल हम लोगों ने कई बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण किया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र है यही एक मंत्र, और एक ही हमको देव की सेवा करनी है, हमको उनकी सेवा में लगना है, वो है कृष्ण। और ये कौन कह रहे हैं? ये शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं। अब आगे बात आती है कि इस ज्ञान को लेना कैसे है। तो इस ज्ञान को कैसे लेना है? जैसे परंपरा में प्राप्त हुआ है वैसे ही परंपरा से लेना है। आगे हम लोगों ने थोड़ा ब्रीफ में, जल्दी में हम लोगों ने भागवत गीता में क्या है उसकी चर्चा की थी, कितने चैप्टर्स हैं। तो भागवत गीता में कुल मिलाकर के 18 चैप्टर्स हैं, उसके अंदर 700 वर्सेस हैं। जो भी है ये कन्वर्सेशन है। सबसे पहले जो ये कन्वर्सेशन वार्तालाप शुरू होती है ये संजय और धृतराष्ट्र के बीच में होती है, और उसके बाद में जो डिस्कशन होता है वो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में होता है। तो जो पूरी भागवत गीता ये कन्वर्सेशन है, किसने कितने श्लोक कहे, क्या क्या बातें हुई है, उसका एक समरी चार्ट है। फिर हम लोगों ने चर्चा की थी कि भागवत गीता में 5 मुख्य विषय वस्तुएं हैं, 5 मुख्य विषय वस्तुएं हैं भागवत गीता में। वो 5 मुख्य विषय वस्तुएं क्या हैं? सबसे पहले जीव, हम लोग कौन है। दूसरा प्रकृति, हम कहाँ पर हैं। तीसरा ईश्वर, जीव और प्रकृति को किसने बनाया है। और उसके बाद काल, समय, और कर्म, जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म के बारे में। तो पूरी भागवत गीता में इन 5 चीजों के बारे में चर्चा की गई है। भागवत गीता की जो शुरुआत होती है वो धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं संजय से, यहां से भागवत गीता की शुरुआत होती है। पहला श्लोक आप सब देख सकते हैं, और फिर आगे चल के बात आती है कि अर्जुन जो होता है वो क्या कहते हैं कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में लाइए। और दोनों सेनाओं के बीच में लाने के बाद भगवान ने क्या किया, अर्जुन के रथ को कहाँ रखा, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के रथ के सामने रखा। और यहाँ पर अपने बुजुर्ग परिवारजनों को देख करके, अपने गुरुजनों को देख करके अर्जुन क्या हो गया, मोहित हो गया। और उसने बताया कि मैं इन सबको नहीं मार सकता हूं, ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे पितामह हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं। और इस तरह से धीरे धीरे उसने कुछ कारण बताए। जो 5 कारण बताए थे वो ये है
कि उसे कंपैशन हो रहा था. कंपैशन मतलब कि ये मेरे परिवारजन है, अटैचमेंट था उनको, उनसे मोह था, वो उसने बताया. दूसरा, इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ये कारण बताया. फिर उसने क्या बताया, अगर मैं अपने परिवारजनों को मार दूंगा तो मैं उसके बाद जो राज्य मिलेगा उसका मैं कैसे अकेले सुख भोग करूंगा. और एक कारण और बताया कि जब सब क्षत्रिय मर जाएंगे तो स्त्रियां जो है वो असुरों के हाथ चली जाएंगी, तो वर्ण संकरता पैदा हो जाएगी. ऐसे बहुत से कारण अर्जुन ने बताए युद्ध ना करने के. तो भागवत गीता का जो ज्ञान भगवान ने देना शुरू किया वो इसके बाद हुआ. और भगवान ने पहले शुरुआत में अर्जुन ने कहा रथ बीच में लाओ, तो भगवान ने रथ को बीच में लाया. उसके बाद में अर्जुन ने कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो भगवान ने मित्र की तरह समझाया. लेकिन भगवान ने भागवत गीता का जो ज्ञान देना कब शुरू किया, जब अर्जुन ने ये वाला श्लोक दूसरे अध्याय में जो सातवां श्लोक है, कार्पण्य दोषो उपस्वभावा. अर्जुन कहते हैं कि ये मेरे अंदर कैसे कार्पण्य दोष आ गया है, कैसे मैं ऐसे होते जा रहा हूं, और अब मैं आपको पूरी तरह से समर्पित कर रहा हूं. जब अर्जुन ने दोस्ती वाला रिश्ता खत्म करके भगवान को गुरु माना और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया, तब जाकर के भगवान ने भागवत गीता का ज्ञान देना प्रारंभ किया. ये कल हम लोगों ने चर्चा की. और फिर यहां से भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया. सबसे पहली चीज भगवान ने क्या बताई जो कल हम लोगों ने सीखा था, कि हम सब शरीर नहीं है, हम सब आत्मा है. ये सबसे पहला ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया था. और कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि इसको हम लोगों ने डिटेल में समझा था कि हम सब शरीर नहीं है, आत्मा है. कि जैसे हम घर में रहते हैं, ये माइक यूज कर रहे हैं, ये कुर्ता पहन के रखे हैं, धोती पहन के रखे हैं, तो ये सब चीजें हमारी हैं, हम इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम ये सब चीजें नहीं हैं, ये हमारे लिए हैं, हम इसका उपयोग कर रहे हैं. वैसे ही ये जो हाथ है, पैर है, सर है, ये सब हमारा शरीर है, मगर हम शरीर नहीं है, ये शरीर हम अपने लिए उपयोग में ला रहे हैं. तो ये हम लोगों ने सबसे पहले समझा था. उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि शरीर के अंदर कुछ और भी सूक्ष्म शरीर है. जो सूक्ष्म शरीर था उसके बारे में जाना था. और फिर हम लोगों ने इस वाली जो इमेज है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था. कल आप लोग के पास भागवत गीता नहीं थी, अब आप सबके पास भागवत गीता है. आप श्लोक वाइज देख सकते हैं कि भगवान ने कैसे कैसे बताया है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है. आप खाली बुक में श्लोक नंबर लिख लीजिए, फिर आप घर पे इसको देख लीजिएगा. दूसरे अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, देहमस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा. अर्थात कि जैसे शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, मगर अंदर आत्मा जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है. शरीर बदल रहा है, छोटे बच्चे का शरीर था, थोड़ा सा बाल बड़ा हुआ बालक, फिर युवक हुआ, युवक से जवान हुआ, धीरे धीरे ये परिवर्तन हुए, लेकिन अंदर जो आत्मा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है. ये हम लोगों ने सबसे पहले देखा था. उसके बाद हम भगवान क्या बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है. शरीर जो होता है ये जन्म लेता है और ये मरता है, लेकिन आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना तो कभी मरती है. ये आप श्लोक नंबर लिख लीजिए, दूसरे अध्याय का 20वें नंबर श्लोक में ये बात भगवान ने बताई है. उसके बाद में भगवान ने बताया है कि जैसे हम कपड़े को बदलते रहते हैं, पहनते रहते हैं, वैसे ही आत्मा जो है वो शरीर को कपड़े की तरह पहन कर रखी है. जब तक ये कपड़ा सही सलामत है इसको यूज करती है, जब ये शरीर यूज करने लायक नहीं होगा तो क्या करती है, इसको छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है. लेकिन हमारे साथ समस्या क्या होती है कि हम बाकी परिवर्तन को देख करके हमें दुख नहीं होता है, लेकिन जब ये वाला परिवर्तन होता है, इस वाले शरीर को छोड़ करके जब अगले शरीर में जाते हैं तो उसे देख करके हमें दुख होता है, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर शरीर में जो आत्मा रह रही है उसके साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है. और जब मृत्यु के बाद वो शरीर काम का नहीं रहता है तो इसीलिए हमें दुख होता है.
सही बात तो ये है कि हमें शरीर से या उस आत्मा से कोई अटैचमेंट नहीं होता है, हमें अटैचमेंट होता है उससे पूर्ण होने वाले स्वार्थों का, जो हमारी जरूरतें उस शरीर से पूरे होने वाली होती है वो मृत्यु के बाद रुक जाती है, और ये जरूरतें हमारी हमारे स्वार्थ पूरे नहीं हो पाएंगे इसका डर जो है वो हमें दुख देता है। मोह और डर जो है वो इस बात का रहता है, बाकी परिवर्तन हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन ये मृत्यु वाला परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। भगवान आगे बताते हैं कि आत्मा जो है उसको कोई काट नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, गला नहीं सकता है, उसको कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन शरीर जो है उसको हमेशा ये सब समस्याएं होती रहती हैं। और भगवान साथ में ये भी बता रहे हैं, हम लोगों ने बोर्ड पर देखा था कल लिख करके, कि आत्मा वैसे ही रहती है और शरीर क्या होता है वो जन्म लेती है, आगे बढ़ती है, स्टेबल रहती है, अपने जैसे बच्चे पैदा करती है, फिर ढलान आता है और फिर मृत्यु होती है। ये परिवर्तन जो है हर शरीर में होता है, लेकिन मृत्यु होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, मृत्यु के बाद उसे दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। ना चाहते ही ध्रुवस्य मृत्यु, कि मृत्यु जो है वो ध्रुव है, उसी तरह जन्म लेना जो है वो भी ध्रुव सत्य है, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा, ये प्रोसेस जो है ये चलते रहने वाला है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था आत्मा और शरीर में फर्क, हम लोगों ने चर्चा की थी कि आत्मा और शरीर में क्या फर्क है, तो ये दूसरे अध्याय के 30 नंबर श्लोक में हमको समझ में आता है कि जो पूरे शरीर में जो चेतना जो फैल रही है उस चेतना का जो स्रोत है वो आत्मा है और शरीर जो है वो नश्वर है। ये हम लोगों ने कल डिटेल में डिस्कस किया था। साथ ही हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में क्या डिफरेंस है, कल ये चर्चा हुई थी अपनी। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी सोल और बॉडी में क्या डिफरेंस है, ये हम लोगों ने बोर्ड में डिस्कस नहीं किया था, अभी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसके बाकी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था शरीर में और आत्मा में। अब तक हम लोगों ने जितने श्लोक देखे उसका निचोड़ क्या निकल रहा है, सारांश क्या है, सारांश ये है कि शरीर और आत्मा दो अलग चीज़ें हैं। आत्मा जो है वो क्या है, शरीर का मालिक है। आत्मा जब तक चल रहा है, जब तक है उसमें से चेतना निकल रही है तब शरीर काम करता है, आत्मा निकल जाती है, चेतना का प्रवाह बंद हो जाता है तो शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है, वो मृत होता है, ये फर्क है। तो मुख्य फर्क क्या है कि आत्मा जो है वो एक स्पिरिचुअल एलिमेंट है और शरीर जो है वो मटेरियल एलिमेंट से बना हुआ है। आत्मा जो है वो सत्य चित आनंद है, सत्य मतलब एटर्नल, एटर्नल मतलब कि जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु हो सकती है, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं पॉसिबल है, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं, उसका नाश नहीं कर सकते हैं, एटर्नल का मतलब ये होता है। तो हम लोगों ने इसको कल जाना था, लेकिन शरीर जो है वो इसका बिल्कुल विपरीत है, असत अचित निरानंद है। असत मतलब ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, और अचित का मतलब क्या है कि ये पूर्ण ज्ञान में नहीं है। आत्मा जो है वो पूर्ण ज्ञान में है और शरीर जो है पूर्ण ज्ञान में नहीं है, और आत्मा जो है ब्लिसफुल है, सत्चित आनंद, आनंद मतलब ब्लिसफुल, लेकिन शरीर जो है वो निरानंद है। हमें शरीर जब तक है तब तक हमें पूर्ण आनंद संभव नहीं है, हमें दुख होते रहेंगे, क्योंकि भगवान ने इस पूरी भौतिक सृष्टि को अशाश्वतम दुखालयम बताया है। भागवत गीता में भगवान बताते हैं मामु केत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, कि ये जो भौतिक जगत है ये दुख आलय है, दुख आलय मतलब दुख का घर है और अशाश्वतम मतलब कि टेम्पररी है। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो बॉडी बनी हुई है ये टेम्पररी है, बात समझ में आती है। उसके अलावा हम लोगों ने क्या चर्चा की थी कि ये जो शरीर है ये आत्मा का यंत्र है, आत्मा जो है वो मालिक है और शरीर जो है उसका यंत्र है। हम लोगों ने कार की फोटो देखी थी, अंदर एक ड्राइवर देखा था, है कि नहीं,
तो वो जो कार होती है वो ये शरीर की तरह है जो ड्राइवर है वो आत्मा की तरह है ये कल हम लोगों ने चर्चा की थी अब ये बात भागवत गीता में कहा है तो आप श्लोक नंबर लिख लीजिए भागवत गीता में सातवें अध्याय के चौथे नंबर श्लोक में भगवान ये बताते हैं भूमि रातो अनुल वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इत्येमे भिन्ना प्रकृति अनधा यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो ऑल टुगेदर दिस एट कॉन्स्टिट्यूट्स माय सेपरेटेड मटेरियल एनर्जी ये भगवान बता रहे हैं सातवें अध्याय का फोर्थ नंबर श्लोक देख सकते हैं और इसी के बाद वाला श्लोक आप देखेंगे उसमें भगवान क्या बता रहे हैं इस प्रकृति के अलावा एक और प्रकृति है जो इसको यूज कर रही है और आप जब 7.5 नंबर श्लोक पढ़ेंगे तो वहां भगवान बता रहे हैं वो प्रकृति कौन सी है वो है आत्मा सोल जो कि इसके विपरीत है सत चित आनंद यहां तक कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके साथ ही हम लोगों ने कल ये भी डिस्कस किया था आप लोग श्लोक नंबर लिखते जाइए क्योंकि अभी ये सब चीजें हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं आप श्लोक नंबर लिखते जाइए फिर आराम से उसको देखेंगे आज हम लोगों को काफी कुछ कवर करना है फिर हम लोगों ने ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी क्या कह रहे हैं मैं फास्ट चल रहा हूं हाँ ये सब हो चुका है ना तो मैं रिवाइज तो कर लूँ आप लोग कनेक्ट तो करिए इसके अंदर जो चीजें मैंने कल नहीं बताई थी उसी को मैं आज थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर हम लोगों ने क्रॉस बॉडी और सटल बॉडी का फर्क समझा था सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर समझा था उसके बाद में हम लोगों ने माइंड और इंटेलिजेंस की एक्टिविटीज को समझा था और इसी के साथ में हम लोगों ने क्या समझी थी हम अगर अपने फॉल्स आइडेंटिफिकेशन में आते हैं झूठी पहचान में आते हैं तो हमारे साथ क्या होता है 8 पैरासाइट एक साथ हमारे ऊपर हमला करते हैं और पैरासाइट्स क्या होते हैं वो जिस बॉडी में रहते हैं उसी को खाते हैं उसी को परेशान करते हैं और उसी को समाप्त कर देते हैं और हमारे अंदर वो 8 पैरासाइट्स कौन से हैं उस चीज को मैं एक बार लिख देता हूं और यहां से हम लोग अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे देखिए हम सब हमारे ट्रू आइडेंटिफिकेशन क्या है आई एम ये हमारी सच्ची पहचान है और हमारी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन क्या है हम अपने आप को क्या समझते हैं आई एम बॉडी और जैसे ही हमने अपने आप को बॉडी समझा तो हमारे साथ क्या होते हैं 8 पैरासाइट एक साथ अटैक करते हैं जैसे ही हमने अपने आप को मटेरियल बॉडी समझा तो सबसे पहले हमारे अंदर आ जाती है वो है मटेरियल डिजायर मतलब कि काम मटेरियल डिजायर पूरी होती है तो हमारे अंदर ग्रीड पैदा होती है इसको बोलते हैं लोभ इनसे हमको जो मिल जाता है उन सबका हमको हो जाता है क्या अटैचमेंट ये होता है मोह और इन सब चीजों का हमको घमंड हो जाता है प्राइड दंभ बोलते हैं इसको घमंड और इनके फेवर में कुछ होता है तो हमें अच्छा लगता है और इन सबके खिलाफ विपरीत अगेंस्ट में कुछ होता है तो हमारे उसको क्या आता है एंगर गुस्सा आ जाता है क्रोध करेक्ट यहां तक कल हम लोगों ने देखा था जिस फील्ड में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड में अगर कोई और हमसे आगे निकल जाता है तो उसको देखकर हमें क्या होता है एनवियसनेस ईर्ष्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 काम लोभ मोह दंभ क्रोध ईर्ष्या ये 6 पैरासाइट तो हमारे अंदर आ गए सिर्फ ये समझने से कि मैं मटेरियल बॉडी हूं और इसके साथ कलयुग में 2 बोनस एक्स्ट्रा मिलता है वो है हिपोक्रेसी दंभ सॉरी ये जो है ये घमंड है दंभ दिखावा जो हम नहीं है हम उसका दिखावा करते हैं दंभ और क्वेरल छोटी छोटी बातों पर कला ये 8 पैरासाइट
हमारे को हमला कर देते हैं सिर्फ इसलिए ये आठ चीजें हमारे पर हमला करती हैं सिर्फ क्यों हमला करती है क्योंकि हमने अपने आप को शरीर समझ लिया है और सचमुच में हम सब क्या है आत्मा अब ये रियलाइजेशन हमें कब होता है जब हम शमशान यात्रा में जाते हैं जिसको माता जी ने बताया था मरकट वैराग्य बोलते हैं उसको ये हम लोगों ने कल चर्चा की थी उसके बाद हम लोगों ने इस इमेज को देखा था एक पिक्चोरियल ग्राफिक ये बताया गया है कि हम सब कैसे हैं ये सारी इंद्रियां कैसी हैं हमारी जो इंद्रियां हैं घोड़ों की तरह है लगाम जो है वो मन है बुद्धि जो है उस लगाम को चलाने वाला जो सारथी है वो है और आत्मा जो है वो पीछे बैठा हुआ पैसेंजर है इंद्रियां तो हर तरफ इंद्रिय विषयों की तरफ भागने के लिए बेचैन रहती है वो भागती रहती है लेकिन बुद्धि का काम क्या है सही निर्णय लेना और डिटर्मिनेशन में रहना लेकिन हमारी अनुभूतियों के कारण जो मजा मिलता है जो आनंद मिलता है भौतिक इंद्रिय विषयों को लेकर के तो हम उस समय क्या करते हैं बुद्धि हमारी सही काम नहीं करती है डिटर्मिनेशन बिल्कुल से टूट जाता है दृढ़ता खत्म हो जाती है और जो चीज़ें हमें अच्छा लगता है अच्छी अनुभूति देती हैं हम उस सब कामों में लग जाते हैं उसके बाद हम लोगों ने क्या चर्चा की थी कि हम लोग क्या अकेले हैं हम जो जीव हैं क्या अकेले हैं नहीं हमारे जैसे बहुत से जीव इस भौतिक जगत में हैं और कौन कौन से भौतिक जीव हैं उसकी हम लोगों ने चर्चा की थी इसी के साथ हम लोगों ने एक प्रश्न उत्तर में चर्चा कर ली थी कि ये जो डिवीजन है ये जो बंटवारा हुआ है 84 लाख योनियों का ये किस आधार पे हुआ है तो किसी को एग्जाम्पल याद है मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था हाँ एक 10x10 का बॉक्स बनाया और उसके अंदर क्या किया सारे के सारे में एक ही बल्ब लगा हुआ है सेम लाइट आ रही है साइज सेम है इलेक्ट्रिसिटी सेम है लेकिन फर्क किस चीज का पड़ता है कितनी कंटामिनेशन कितनी है और कंटामिनेशन को हमने किस तरीके से जानने का प्रयास किया था नंबर ऑफ इंसेंस अगरबत्तियां कितनी डाली है उसके अंदर जितना अधिक होगा उतना अधिक कंटामिनेशन तो ये जो डिवीजन हुआ है ये किसके आधार पे हुआ है लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस यहां तक क्लियरिटी थी आप सबको इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये जो यस प्रभु जी वो तो जगह खाली फोटो उतनी की है इसलिए 5 फोटो दिखाई है एक्चुअली वो बीस्ट मतलब कि एनिमल्स हैं जो पशु दिखते हैं ना वो पशुओं के बारे में है फोटो तो खाली 5 ही बताई है ये तो खाली है समझने के लिए हम लोगों ने ग्राफ बनाया है हाँ हर बात पिक्चर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है इसके लिए सिर्फ 5 जानवरों की फोटो देख करके आगे नहीं बढ़ना है हमको फर्क क्या है वो समझ लेते हैं कि जो मनुष्य योनि है ये कर्म योनि है मनुष्य की जो योनि है ये हम लोग जो देख रहे हैं ना ये कर्म योनि है इसके पहले की जितनी भी योनियां हैं ये भोग योनि है फर्क है दोनों में ये सारी जो योनियां हैं ये भोग योनि है और ये मनुष्य की जो है ये कर्म योनि है इन सब योनियों में इन सब स्पीसीज में जब सोल रहता है तो उसे कर्म के फल नहीं लगते हैं मतलब अगर एक शेर ने एक हिरण को मारा या 100 हिरण को मारा उसे कोई पाप नहीं लगने वाला है एक सांप ने एक चूहा खाया या 2000 चूहा खाया उसे कोई पाप नहीं लगने वाला है एक तरह से देखा जाए तो जो चेतना का जो स्तर है जो लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस है इन सब योनियों में कब आगे बढ़ता है डेथ के समय मृत्यु के समय जब सोल इस बॉडी को छोड़ती है और उसको नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस में जाना है तो एक ही रास्ता है डेथ का ये भोग योनियों में तो जब भी कोई इन सब योनियों में डेथ
होती है तो नेक्स्ट बर्थ उसको उसके हायर लेवल के कॉन्शियसनेस में बर्थ मिलती है उसको। तो शेर जब किसी हिरन का शिकार करता है तो कोई पाप नहीं करता है, प्रकृति के नियम के हिसाब से वो एक अच्छा काम करता है, क्योंकि वो जो आत्मा इस समय हिरन के शरीर में थी अगले जन्म में उसके हायर लेवल के कॉन्शियसनेस के शरीर में जाएगी। यहां तक जो है वो भोग योनि है, यहाँ कर्म फल नहीं लगते हैं, लेकिन मनुष्य की जो योनि है वो कर्म योनि होती है। कर्म योनि का मतलब होता है कि हम सब प्रकृति के नियम के साथ बंध जाते हैं, जो कि आज की हमारे चर्चा का विषय है, प्रकृति के नियम। आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे पहले वहीं से शुरुआत करेंगे, तो वो वहां पर चालू होती है मनुष्यों के लिए। हम जो भी कर्म करते हैं उसका हमें फल मिलता है, अच्छा कर्म करने का अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करने का बुरा फल मिलता है, और पाप और पुण्य जमा होते हैं, और पाप के बदले में हमें सुख दुख मिलता है और पुण्य के बदले में हमें सुख मिलता है, और ये लेने के लिए हमें आना पड़ता है। ये कर्म योनि है। ये सिर्फ मनुष्यों के इस फॉर्म ऑफ बॉडी में जब सोल रहती है तभी कर्म लगते हैं। और अगली बात ये है कि यहां पर ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता है, यहां पर कुछ भी पॉसिबल है, मनुष्य योनि में कुछ भी पॉसिबल है। आप कर्म करके नीचे भी जा सकते हैं, और कर्म करके मनुष्य भी रह सकते हैं, और कर्म करके आप ऊपर भी जा सकते हैं। आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी ये जो पशु हैं ये लोग दिन भर क्या एक्टिविटी करते हैं, और हम मनुष्य दिन भर क्या एक्टिविटी करते हैं। अगर हम अपनी सारी एक्टिविटीज को एनालाइज करेंगे, हम दिन भर क्या करते हैं, तो हमें पता चलेगा, तो लाइट चलेगी, तो हमें पता चलेगा कि हम लोग जो एक्टिविटीज कर रहे हैं हम लोग जो एक्टिविटीज इससे डिस्टर्बेंस हो रही है आप लोगों को, अच्छा तो बीच बीच में उसको जब स्लाइड चेंज करेंगे तो उसको थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, ये वाले एक बंद करते हैं ना। सब साथ में है ये, ठीक है। आप लोगों को कुछ किताब देखते समय परेशानी तो नहीं हो रही है इनफ लाइट वहां पर, तो ये वाले एक बंद रख देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जब ध्यान से देखते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी है, दिनचर्या है, हमारी जो डेली लाइफ रूटीन है, उसको अगर हम ध्यान से देखते हैं, हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं, तो हमारी जो एक्टिविटीज है वो आइदर ईटिंग खाने के लिए जा रही है, या तो फिर स्लीपिंग सोने के लिए जा रही है, या तो फिर डिफेंडिंग रक्षा करने में जा रही है, या तो फिर टेंडिंग बच्चे पैदा करने में जा रहे हैं। यही चार एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं, और यही चार एक्टिविटीज जानवर भी करते हैं। जानवर कुछ एक्टिविटीज हमसे बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं। तो जानवरों में और मनुष्यों में क्या फर्क है, हमारा कल रात में सबसे आखिरी जो डिस्कशन का टॉपिक था वो यही था कि मनुष्य में और जानवरों में क्या फर्क है। ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार चीज मनुष्य भी करते हैं और हम इंसान भी करते हैं, तो हमारे में और जानवरों में क्या फर्क है। जो अथतो ब्रह्म जिज्ञासा का जो सबसे पहला जो प्रश्न आया था वही प्रश्न दोबारा यहाँ पर आ रहा है कि हम में और जानवरों में क्या फर्क है। और ये जो फर्क है ये हमें महाभारत के इस श्लोक से मिलता है। क्या बता रहे हैं भगवान कि आहार निद्रा भय मैथुनम च, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये तो एनिमल्स भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं, लेकिन धर्म जो है यही मनुष्य में एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, जो जानवरों में नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासा करना जो है ये मनुष्यों में है, लेकिन जानवरों में ये पॉसिबल नहीं है। कि ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब क्या है कि हम लोग कौन है, कहाँ है,
हम लोग अगर दुखी हैं तो क्यों दुखी हो रहे हैं? हम जहां हैं क्या वही हमारा घर है या कहीं और हमको जाना है? ये सारे प्रश्न उत्तर हम लोग मनुष्य योनि में कर सकते हैं, पशु योनि में यह संभव नहीं है। अभी यदि हम ध्यान से देखेंगे तो चाहे मनुष्य योनि में हो चाहे पशु योनि में हो, जब तक जीव शरीर से बंधा हुआ है उसे कुछ समस्याएं हमेशा आती रहती हैं। कौन कौन सी समस्या आती रहती हैं? एक होती है हमें जो समस्याएं आती रहती है हम सबको, कौन कौन सी समस्या आती है? एक होती है आदि दैविक, दूसरी होती है आदि भौतिक और तीसरी होती है आध्यात्मिक। ये तीन तरह की समस्याएं हम सबको आती रहती हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग अभी डिटेल में समझ लेते हैं, ये तीन समस्याएं क्या है। पहली समस्या है आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब वो समस्या है जो एक भौतिक जीव दूसरे भौतिक जीव को देता है। एक लिविंग एंटिटी दूसरे लिविंग एंटिटी को जो समस्या देता है उसे आदि भौतिक समस्या कहते हैं। एक भौतिक जीव दूसरे भौतिक जीव को, फॉर एग्जाम्पल एक मच्छर आकर के अपना पेट भरने के लिए मेरा खून पी करके गया, लेकिन जाते वक्त मुझे मलेरिया या डेंगू दे गया और अब मैं हॉस्पिटल में हूँ, बीमार हूँ, परेशान हूँ, काम पर भी नहीं जा पा रहा हूँ और बिल भी बढ़ रहा है और एक महीने के बाद फिर घर पे आ रहा हूँ, तो परेशानी हुई। किसने किसको दी? एक मच्छर भौतिक जीव ने दूसरे भौतिक जीव मनुष्य को दी। या मैं कार लेकर चल रहा हूँ और एक ट्रक वाले ने टक्कर मार दी और टक्कर मार के चला गया। अब कार कहाँ गई? गैरेज में। मैं कहाँ गया? हॉस्पिटल में। बिल भरना पड़ा दोनों जगह का। समस्या किसको हुई? मुझे हुई। तो ये क्या है? आदि भौतिक। किसने किसकी वजह से समस्या हुई? जो आदमी ट्रक चला रहा था उसकी वजह से समस्या हुई। ये आदि भौतिक समस्या। दूसरी समस्या कौन सी है? वो है आदि दैविक। आदि दैविक समस्याएं वो समस्याएं होती हैं जो देवी देवता देते हैं। देवी देवता कौन सी समस्याएं आदि दैविक समस्याएं हो सकती हैं? जैसे तूफान आ जाना, फ्लड आ जाना, सुनामी आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, उल्कन एरप्ट हो जाना, इन सब में क्या होता है? देवी देवताओं की वजह से समस्याएं मिलती हैं और एक साथ बहुत से लोगों को परेशान होना पड़ता है। यहाँ पर कोई जीव समस्या नहीं दे रहा है, देवी देवता दे रहे हैं। और ये जो समस्या है इसे कहते हैं आदि दैविक समस्या। ओके, तीसरी समस्या जो होती है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक समस्या। आध्यात्मिक मतलब वो प्रॉब्लम जो मैंने खुद ने क्रिएट की है, सेल्फ प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय माई सेल्फ। यहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय समबडी एल्स, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय देवी देवता और यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय माई सेल्फ। अब हम लोग अपने आप को कैसे प्रॉब्लम में डालते हैं? कल ही मैंने चर्चा की थी, मैंने अपने वजन के बारे में बात की थी, 96 kg, 20 किलो एक्स्ट्रा। अब ये तो सही तरीके से खान पान नहीं किया इसके लिए ये सब हालत हुई। अब इसकी वजह से नी पेन, ज्वाइंट पेन, सांस लेने में तकलीफ, हार्ट को प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब समस्याएं जो हो रही है, तो ये किसने दिया है? किसी और ने नहीं, मैंने खुद ने अपने आप को दी है। तो ये तो मैंने दे दिया बॉडी लेवल पर, इसके अलावा पर मैं अपने आप को माइंड लेवल पर भी परेशान करता हूँ। क्या हम लोग माइंड लेवल पर अपने आप को परेशान करते हैं? करते हैं। माइंड लेवल पर हम लोग अपने आप को तीन तरीके से परेशान करते हैं। एक करते हैं पास्ट को लेकर के, एक प्रेजेंट को लेकर के और एक फ्यूचर को लेकर के।
पास्ट में कैसे हम अपने आप को परेशान करते हैं, मान लीजिए कि 15 साल पहले किसी ने मेरे साथ कुछ गलत काम किया, मुझे बहुत परेशान किया, उस समय वो आदि भौतिक समस्या थी, लेकिन वो बात खत्म होकर 15 साल बीत गए, वो कहीं और चला गया, मुझे पता नहीं है वो कहाँ पर है, किस हालत में है, लेकिन मैं आज भी उस पास की चीजों को याद कर रहा हूँ और परेशान हो रहा हूँ। तो मैं जो ये परेशान हो रहा हूँ आज 15 साल बाद उसको याद करके, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो उस दिन जिम्मेदार था, अभी जिम्मेदार नहीं है। अब ये मैं खुद उसको याद करके परेशान हो रहा हूँ। ठीक ऐसे ही अगर मान लीजिए कि बचपने में अनजाने में मैंने किसी के साथ कुछ गलत काम किया, उस समय मुझे नहीं समझ, आज मुझे रियलाइज हो रहा है, तो जी वो दूसरा वाला नहीं, उनका ही। पास्ट में अगर मान लीजिए कि मैंने किसी को अनजाने में बचपने में कुछ गलत काम किया और आज मुझे समझ आ रही है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था और मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं, तो उससे क्या होगा? मैं आज परेशान हो रहा हूं। जो गलत करना था मैंने 15 साल 10 साल पहले कर दिया था, तो किसी और को माफ नहीं कर पाना या खुद को माफ नहीं कर पाना और उसके लिए परेशान होना, ये हम खुद अपने आप से परेशान होते हैं माइंड लेवल से पास्ट को लेकर के। ठीक ऐसे ही प्रेजेंट टेंस में, जैसे हम लोगों ने कल 8 पैरासाइट की बात की थी, उसमें से एनवीएसनेस वाली पैरासाइट की बात की थी कि जो हमारी फील्ड में आगे बढ़ जाता है उसको देख करके हमें ईर्ष्या होती है। अब ये जो कंपटीशन हो रही है, ये जो प्रॉब्लम हो रही है, इसका कारण कौन है? मैं खुद, क्योंकि मुझे अपने कर्मों के फल मिल रहे हैं, उसको अपने कर्मों के फल मिल रहे हैं, लेकिन मैं उसको देख करके बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ और परेशान हो रहा हूँ। ये मैं प्रेजेंट में माइंड में अंदर से परेशान हो रहा हूँ। ये सब चीजें बाहर किसी को दिखती नहीं है, ये अंदर चलते रहती है। शरीर से जो होती है वो तो दिख रही है सबको, लेकिन ये अंदर अंदर हम खुद को परेशान कर रहे हैं। फ्यूचर के लिए हम कैसे परेशान करते हैं अपने आप को कि हम फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं। अभी मेरे पास एक घर है, मेरे दो बच्चे हैं, तो अभी एक घर और हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। फिर क्या, अभी एक दुकान है, दोनों बच्चों के लिए दो अलग अलग दुकान हो जाए तो कितना अच्छा है। फिर क्या, दोनों की शादी हो जाए तो अच्छा है। फिर इसको दो बच्चे हो गए, इसको अभी लड़की हुई है, इसको लड़का भी हो जाए तो कितना अच्छा है। फिर ये सब चीज़ें हो रही है, फिर चार बच्चे हैं तो चार दुकान हो जानी चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। ये सब हम प्लानिंग करते रहते हैं, अपनी जनरेशन की कर ली, अपने बच्चों के जनरेशन की कर ली, तीन चार जनरेशन की हम प्लानिंग करते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं। अभी आज रात को मैं घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा नहीं पता है। अगर घर पहुंच गया और सो गया तो सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा नहीं पता है, लेकिन चिंता मैं सात जनरेशन की करते रहता हूं, ये फ्यूचर की टेंशन। तो ये पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर माइंड लेवल पर अंदर ही अंदर हम परेशान हो रहे हैं। मैं अकेला नहीं हो रहा हूँ, ये हम सबकी कहानी है। बॉडी लेवल पर भी हम अपने आप को परेशान करते हैं और माइंड लेवल पर भी अपने आप को परेशान करते रहते हैं, ये होते रहता है। तो ये जो तीन चीजें हैं इसको त्रय ताप कहते हैं। ये त्रय ताप है। जब तक जीव कंडीशन अवस्था में है, जब तक सोल इस मटेरियल बॉडी में है, तब तक उसको ये त्रय ताप परेशान करते रहेंगे, तब तक उसको ये त्रय ताप परेशान करते रहेंगे, हम इससे बच नहीं सकते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये प्रॉब्लम्स हमको आती रहने वाली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, ये समस्याएं सबको झेलनी पड़ रही है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स, इनको भगवान रिलेटिव प्रॉब्लम कहते हैं। रिलेटिव प्रॉब्लम्स क्यों रिलेटिव प्रॉब्लम कहते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि मच्छर ने मुझे काटा और मुझे मलेरिया हो गया, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम किसके लिए है? मेरे लिए। लेकिन मच्छर के लिए
उसका तो पेट भरना था ना, उसके लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं गाड़ी चला रहा था, ट्रक वाले ने ठोक दिया, भाग गया, चलो वो तो भाग गया, समस्या किसके लिए है? मेरे लिए। लेकिन क्या डॉक्टर के लिए और गैरेज के लिए वो समस्या है? वो तो बिजनेस है उनके लिए। मेरे लिए प्रॉब्लम है लेकिन दूसरे के लिए बिजनेस है। इसीलिए ये सब जो समस्याएं होती हैं, इसे क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रॉब्लम। जो कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो किसी के लिए प्रॉब्लम है और किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बरसात का मौसम चल रहा है अभी, तो जो बरसात है ये अच्छी है या बुरी है? अब मान लीजिए दो जन पड़ोस में रह रहे हैं, दोनों का चौल में घर है, एक ने दुकान चालू करके रखी है और एक उस घर में रहता है। जो दुकान चालू करके रखा है वहां पर वो छतरी बेच रहा है, और जो बाजू वाला घर है वहां पर उसने बड़ौन बना के रखा हुआ है और वहां पर उसकी छत टपक रही है। अब अगर बरसात तेज होती है तो इसकी छत टपकेगी और यहां पर इसका सामान गीला हो जाएगा, और बरसात तेज होगी तो छतरी वाले की दुकान का क्या होगा? सामान ज्यादा बिकेगा, छतरी ज्यादा बिकेगी। अब बरसात होना ये प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं है? डिपेंड करता है, किसी के लिए प्रॉब्लम है और किसी के लिए बहुत अच्छी बात है। ज्यादा बारिश हुई तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? अभी कल ही एक अपने ग्रुप में एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, इसी से रिलेटेड था, बरसात को लेकर के था, कि एक आदमी की दो लड़कियां थी, दोनों को अलग अलग घरों में शादी कर दी, एक किसान के घर में गई थी और एक कुम्हार के घर में गई थी। कल या परसों ही मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था ये मैसेज। तो वो पहले अपनी बड़ी लड़की को मिलने गया तो किसान के घर में, तो कहती है पिताजी सब खेत जोत के रखा है, बीज तैयार रखे हैं, अगर 15 दिन बारिश नहीं हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। वहां से मिल करके अपने घर में आकर के वो दूसरी बेटी के घर पे गया और वहां जाके देखता है, पूछता है बेटी क्या हालचाल है? तो वो बताती है कि पिताजी सारे मटके बना के रख दिए हैं और अगर 15 दिन और बरसात नहीं हो सब सूख जाएंगे, सब अंदर चले आएंगे, और अगर 15 दिन में बरसात हो गई तो पूरा 3 महीने का काम बेकार हो जाएगा। तो अब ये बरसात होना प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं है? तो इसीलिए इसको रिलेटिव प्रॉब्लम्स कहते हैं। ये जितनी भी समस्याएं हो रही हैं ये रिलेटिव प्रॉब्लम्स है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स रियल प्रॉब्लम्स नहीं है। रियल प्रॉब्लम्स क्या होती है वो हम लोग जानते हैं। रियल प्रॉब्लम्स कौन सी होती है? हरे कृष्णा। रियल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम होती है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ओके। रियल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है, उसका कुछ क्राइटेरिया है, कुछ पैरामीटर्स है, और वो पैरामीटर्स क्या है? रियल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जो कोई नहीं चाहता। जैसे बरसात होना कोई लोग चाहते हैं कोई लोग नहीं चाहते तो ये रियल प्रॉब्लम नहीं है। एक्सीडेंट होना कुछ लोग चाहते हैं कुछ लोग नहीं चाहते तो ये रियल प्रॉब्लम नहीं है। बीमार होना रियल प्रॉब्लम नहीं है यहां पर मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि किसी का बिजनेस चल रहा है उसमें, है कि नहीं? रियल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है? जो पहला उसका क्राइटेरिया है नोबडी वांट्स, किसी को भी नहीं चाहिए। दूसरा पैरामीटर्स, ये हर किसी को मिलती है, चाहता कोई नहीं है लेकिन एवरीवन गेट्स। दूसरा पैरामीटर, और तीसरा पैरामीटर कि इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है। अब आप सोच के बताइए कौन सी प्रॉब्लम है जो कोई नहीं चाहता, सबको मिलती है और किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है? कौन सा? मृत्यु। हाँ, डेथ, कोई नहीं चाहता है। और हाँ वो ठीक है, लेकिन जिसका बिजनेस चलता है ना वो खुद भी नहीं मरना चाहता है। डेथ और क्या? एपिडेमिक्स मतलब बीमारियां।
बीमारी हाँ हाँ वो तो हो गया डिसीज। ये जो बीमारियां हैं ये कोई नहीं चाहता है। किसी का बेटा डॉक्टर हो तो भी माँ बाप बीमार नहीं होना चाहते। अड़ोसी पड़ोसी डॉक्टर है, बिल्डिंग के बाजू में डॉक्टर है, वो अलग बात है। खुद अपना ही बेटा डॉक्टर है और उसका खुद का नर्सिंग होम है, फ्री में पूरा इलाज होगा, तो भी हम लोगों में से कोई बीमार होना चाहेगा नहीं, तो वो इस कैटेगरी में आता है। लेकिन क्या हम लोग ना चाहते हुए बीमार पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? बीमार पड़ते हैं। और कौन सी चीज जो कोई नहीं चाहता है? बुढ़ापा कोई नहीं चाहता। लेकिन चाहे या ना चाहे ये शरीर जो है उसमें परिवर्तन तो होते रहने वाले हैं, तो बुढ़ापा तो आना ही है, चाहता कोई नहीं है। सबसे पहले हमारे यहाँ के थोड़े बाल सफेद होने चालू होते हैं तो हम इसको काले करने चालू करते हैं। हमको आंखों से कम दिखता है तो हम पहले चश्मा लगाते हैं, फिर उसको हटाकर कॉन्टेक्ट लेंस लगा लेते हैं, है कि नहीं? फिर बहुत सारे ब्यूटी क्रीम्स भी आते हैं, स्किन में अब झुर्रियां आ रही है तो उसको ठीक करना है। मतलब कि कुल मिलाकर के हमको बुढ़ा नहीं होना है, बुढ़ापा नहीं चाहिए। बट डेथ किसी को नहीं चाहिए, डिसीज किसी को नहीं चाहिए, ओल्ड एज किसी को नहीं चाहिए। एक और चीज है जो हमको रियलाइज नहीं होता है, वो खाली हमें कुछ टाइम के लिए रियलाइज होता है और फिर बाद में हम भूल जाते हैं और उसको बोलते हैं बर्थ। ये जो प्रॉब्लम्स है, बर्थ डेथ डिसीज ओल्ड एज, ये जो प्रॉब्लम्स है ये रियल प्रॉब्लम्स है। ये जो पूरी भागवत गीता भगवान ने कही है ना, आप लोग को मैं अभी एक बहुत मजेदार चीज बताऊंगा। ये जो पूरी भागवत गीता भगवान ने कही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए कही है और कोई उद्देश्य नहीं है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे? राज्य के लिए, राज्य के लिए, है कि नहीं? किसके किसके बीच में फाइटिंग हुई थी? कौरव और पांडव के बीच में, है कि नहीं? और भगवान उस समय मौजूद थे। सही बात तो यह है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसका जो रियल पर्पस है, जो मुख्य कारण है, वो ये है कि भगवान को भागवत गीता बोलनी थी, बस। बाकी सब जो है वो उसके लिए स्टेज क्रिएट किया गया था। जैसे ड्रामा करने के लिए, नाटक करने के लिए पूरा स्टेज बनाया जाता है, ऑडियंस आती है और फिर ड्रामा चलता है, तो ये पूरा का पूरा जो महाभारत है ये स्टेज क्रिएट किया गया था, खाली ड्रामा किया गया था। मुख्य मकसद जो पूरे महाभारत का था वो पांडवों को अधिकारपूर्ण राज्य देने के लिए नहीं किया गया था। ये भगवान को भागवत गीता का मैसेज अर्जुन के माध्यम से कलयुग के लोगों को देना था, ये इसका मुख्य मकसद है। कोई पूछ सकता है कि इसका प्रूफ है क्या? कोई पूछ सकते हैं ना? हाँ, अधर्म पे धर्म की जीत के लिए जो पूरा का पूरा जो मकसद था महाभारत युद्ध कराने का, वो सिर्फ यही था कि भगवान को ये भागवत गीता बोलनी थी, ये ज्ञान देना था। इसका मैं प्रूफ बताता हूँ, कैसे ये प्रूफ मिलता है। आप लोगों ने बर्बरिक का नाम सुना होगा। बर्बरिक जो थे वो भीम के बेटे का बेटा थे। भीम के बेटे घटोत्कच थे और घटोत्कच का बेटा बर्बरिक। और बर्बरिक जो है वो बहुत अच्छा योद्धा थे। जब महाभारत का वॉर ये डिक्लेयर हुआ कि युद्ध होने वाला है, तो पूरे विश्व के जितने भी क्षत्रिय थे वो सारे के सारे क्षत्रिय या तो इस तरफ या तो इस तरफ लड़ने के लिए चले आए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म से मिला हुआ युद्ध के अलावा कोई अच्छी चीज नहीं होती है। उसमें चाहे वो जीते, चाहे हारे, चाहे मर जाए, लेकिन लड़ना जो है ये क्षत्रियों का मुख्य धर्म है। तो सारे के सारे क्षत्रिय बट गए थे और बर्बरिक भी युद्ध करने के लिए चला आया था।
जब वो आ रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसको बीच में रोक लिया, क्योंकि भगवान कृष्ण को उसकी सारी क्षमता का ज्ञान था, उसको जितना बल था वो सब कुछ भगवान को पता था। और भगवान ने इसको देख लिया कि अगर बर्बरिक युद्ध करने गया तो भगवान का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही कुशल योद्धा था। तो भगवान ने उसको बीच में ही रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोला, युद्ध में भाग लेने। किसकी तरफ से भाग लोगे? तो बोला, जो कमजोर होगा उसकी तरफ से भाग लूंगा। ये नहीं बोला कि मैं पांडव का कुल में हूं तो मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा, ये नहीं बोला। जो कमजोर होगा उसकी तरफ से लड़ूंगा, और अगर उसे पता चल जाता कि भगवान पांडव की तरफ है तो वो बिल्कुल किस तरफ से लड़ता था? कौरव की तरफ से लड़ता था, ये भगवान को पता था। और अगर वो कौरव की तरफ से लड़ता था तो वो जीत जाता था। तो भगवान ने क्या किया, उसे बोला कि तुमको युद्ध करने आता है, अस्त्र शस्त्र चलाने आता है, इसका कुछ सबूत है? आज तक तो तुमको कभी लड़ते नहीं देखा है। तो बोले, आता है ना, सारी विद्या मुझे पता है। तो भगवान ने बोला, अच्छा क्या तुम एक बाण से इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को लेकर आ सकते हो? तो बर्बरिक ने कहा, हाँ ला सकता हूँ। तो बोले, अगर मान लो नहीं लाए तो बोले कि आपको जो सजा देनी हो दे देना। तो बोले, मैं सुदर्शन से तुम्हारा गला काट दूंगा। बोले, मंजूर है। तो बोले, चलो करो। तो जिस पेड़ के नीचे ये लोग बात कर रहे थे, पीपल का पेड़ था। अब पीपल के पेड़ में तो कितने सारे पत्ते होते हैं, लेकिन बर्बरिक ने इस चैलेंज को लिया और बोला, मैं करता हूं। अब जो अस्त्र होते हैं, जो धनुष बाण होते हैं, वो दिखने में अस्त्र होते हैं, बाण होते हैं। शक्ति उसके अंदर कैसे आती है? मंत्र के उच्चारण से उसमें शक्ति डाली जाती है और फिर वो बाण अपना काम करता है। तो यहां बर्बरिक ने बाण निकाला और आंख बंद करके उसने मंत्र की शक्ति डालने के लिए उसने मंत्र उच्चारण शुरू किया। इतने देर में भगवान ने ऐसे हाथ से एक पत्ती उठा ली, तोड़ ली और उसको अपने पैर के नीचे दबा के छुपा ली। और उसके बाद बर्बरिक ने आंख खोली और बोला, मैं तैयार हूं। बोले, एक भी पत्ता छूटना नहीं चाहिए, सारे पत्ते तुम्हारे बाण में होने चाहिए। बोले, हाँ ऐसा ही होगा। और बर्बरिक ने क्या किया, बाण को धनुष में लगाया और छोड़ा, बाण गया और एक एक करके सारे पीपल के पत्तों को अपने बाण के अंदर लेते हुए पूरे पेड़ के अंदर से घूम करके सारे पत्तों को लेकर के वो भगवान के चरण के पास ऐसे गोल गोल घूमने लगा, क्योंकि बाण में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो भगवान के पैर को छेद करके अंदर पत्ते के पास चला जाए। बाण यहाँ सारे पत्तों को लिए भगवान के पैर के पास गोल 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 घूम रहा है। अब बर्बरिक ये समझ रहा है कि सारे पत्ते आ गए हैं और वो भगवान को अर्पण कर रहा है उसका बाण, और भगवान को तो सही बात पता थी। तो भगवान ने पूछा, क्या सारे पत्ते तुम्हारे बाण में आ गए? तो बोले, हाँ आ गए। और फिर भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे से उठा के दिखाया, देखो ये वाला पत्ता तुम्हारे बाण के अंदर नहीं आया है। तो बर्बरिक हार गया। तो उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र को बुलाया और बर्बरिक का गला काट दिया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था, अभी हम लोग आज के सेशन में और चीजें जानेंगे कि भगवान जब खुद वहां पर थे, भगवान सब कुछ कर सकते थे, तो क्या वो कौरवों को, दुर्योधन को और सबकी बुद्धि भ्रमित करके उन्हें राज्य देने के लिए मजबूर नहीं कर देते थे? कर सकते थे। यहां पर बर्बरिक को उन्होंने चक्र से मार के गला काट दिया, सर अलग हो गया, बॉडी अलग थी, फिर भी उसके अंदर बात करने की क्षमता थी। तो बर्बरिक ने रिक्वेस्ट किया कि भगवान आपने मेरा उद्धार कर दिया, लेकिन मेरी अभी एक इच्छा है कि मुझे ये युद्ध देखना है। तो भगवान ने एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के ऊपर उसके सिर को रख दिया था और वहां से उसने पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक का देखा हुआ था। आगे उसकी चर्चा महाभारत में आती है। तो कहने का मतलब है कि भगवान को अगर यही करना होता था, अधिकार पूर्ण राज्य ही देना होता था, तो भगवान को किसी भी तरीके से दे सकते थे, लेकिन जो मुख्य मकसद था वो भगवान को भागवत गीता का ज्ञान देना था।
वो कहानी तो महाभारत के थोड़ा पहले हुई थी, युद्ध होने के पहले। महाभारत होते समय भी एक बहुत बड़ी बात हो गई थी भाई, युद्ध करने के लिए दोनों कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे, है कि नहीं? और अर्जुन ने बीच में क्या बोल दिया, भाई लड़ने के लिए कौन कौन आया है मुझे देखना है, रथ को बीच में लाओ। और भगवान को लगा कि अब ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, तो भगवान ने क्या किया, उसके रथ को ले जा करके कहां खड़ा किया, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने। अगर खाली अधिकार पूर्ण राज्य ही दिलाना होता था, धर्म की विजय ही करानी होती थी, तो रथ को ले जा करके दुर्योधन के सामने रख देते थे, दुशासन के सामने रख देते थे, पूरा का पूरा फ्लैशबैक याद आ जाता था, उसी समय युद्ध चालू हो जाता था, है कि नहीं? भगवान ने क्या किया भाई, अर्जुन को मोहित करना था, भ्रमित करना था, क्योंकि भगवान का मकसद था कि ये ज्ञान दोबारा देना था। आगे भगवान ने भागवत गीता में ही बताई है कि ये ज्ञान भगवान ने पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और ये परंपरा से नीचे आ रहा था, लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि ये परंपरा से चलते चलते परंपरा टूट गई थी और ज्ञान बिखर गया था। तो भगवान को दोबारा नई परंपरा शुरू करनी थी, इसीलिए अर्जुन के माध्यम से उन्होंने दोबारा इस ज्ञान को दिया था। सोचिए ना कि अगर युद्ध के समय रथ को अगर दुर्योधन के सामने और दुशासन के सामने होता, सारा फ्लैशबैक होता, अर्जुन क्या बोलता, ऑन द स्पॉट वहीं पर चालू कर देता था युद्ध। लेकिन नहीं, भगवान ने मैसेज देना था, इसीलिए रथ को कहां खड़ा किया, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र के सामने। क्यों? क्योंकि भगवान को उत्तर देना था, ज्ञान देना था। क्या ज्ञान देना था? ये जो रियल प्रॉब्लम्स है, इन समस्याओं का समाधान देना था हम जैसे कलयुग के लोगों को। और ये समस्याएं हैं, ये है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि मतलब बीमारी। भागवत गीता में आप सबके हाथ में है 13वें अध्याय का, आप लोग नौ नंबर श्लोक खोलिए। सबके पास भागवत गीता है, चैप्टर नंबर 13 श्लोक नंबर 8। हिंदी में जिसके पास है पेज नंबर 422 पर है, यहां पर श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ये पांच श्लोक एक साथ लिखे गए हैं, मिले आपको। चैप्टर नंबर 13 श्लोक नंबर 8-12 इसके अंदर आप श्लोक नंबर 9 की लास्ट लाइन देखिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये देखा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13। अच्छा एक सेकेंड, आप सब जरा यहां ध्यान दीजिए, जो पहली बार भागवत गीता देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। आप कोई भी पेज ओपन करिए, कोई भी पेज, ऐसे कोई भी पेज ओपन करिए, इसके सेंटर में यहाँ पर दो चीजें लिखी होंगी, लेफ्ट साइड में चैप्टर नंबर लिखा होगा टॉप पे और राइट साइड में श्लोक नंबर लिखा होगा। इस तरीके से आपको नेविगेट करनी है, ढूंढना है कि कौन सा श्लोक कहाँ पर है। तो आप आगे बढ़ते जाइए, लेफ्ट साइड में चैप्टर नंबर होगा, तो चैप्टर नंबर पहले आप 13 पर आइए और उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते श्लोक नंबर 8 पे आइए। तो इस तरह से आप जल्द से जल्द श्लोक को ढूंढ पाएंगे, ठीक है? चैप्टर नंबर 13 श्लोक नंबर 8 पहुंच गए सब लोग। अब उसमें पांच श्लोक एक साथ दिए गए हैं, उसमें जो 9th नंबर श्लोक है, 8वें के बाद 9th नंबर श्लोक का जो लास्ट का लाइन है, इंद्रियार्थ से वैराग्य मन अहंकार एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम।
ठीक है, ये भगवान यहाँ पर आप तात्पर्य बाद में आगे पढ़ लीजिएगा घर पर जाकर के, इस श्लोक को नोट कर लीजिएगा। ये जो पांच श्लोक का सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो है ये हमारी क्या है, रियल प्रॉब्लम है, हमारी मुख्य समस्याएं हैं। क्योंकि ये जो रिलेटिव प्रॉब्लम है ये तब तक रहती है जब तक हम इस शरीर में हैं। एक बार ये शरीर छूट जाएगा और नया शरीर मिलेगा तो नए सेट ऑफ रिलेटिव प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे। ये जो रिलेटिव प्रॉब्लम्स हैं वो इस शरीर में हैं। ये शरीर छूट करके जब हम छोड़ देंगे और नया शरीर लेंगे तो वहां पर नए रिलेटिव प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन ये जो रियल प्रॉब्लम्स हैं ये हमेशा रहने वाले हैं। जन्म लेना पड़ेगा, बीमार होना पड़ेगा, बुढ़ापा आएगा ही और मरना पड़ेगा। और भगवान पूरी भागवत गीता में यही बात बता रहे हैं, ज्ञानी वही है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को दुख की तरह देखता है। क्योंकि बुढ़ापा जो है वो हमें समझ में आता है कि दुखमय होता है, बीमारी जो है वो हमें समझ में आता है कि दुखमय होती है, लेकिन मृत्यु जो है वो किसी किसी को समझ में आती है कि दुखमय होती है। कुछ लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने कल जो चर्चा की थी कि शरीर जो है वो कपड़े की तरह है और आत्मा जो है वो अंदर उसका मालिक है। मालिक बहुत दिन तक जब वो शरीर को पहन के रखता है तो उसके साथ उसका अटैचमेंट हो जाता है। जैसे हम कोई घर किराए पर लेते हैं या खरीद कर लेते हैं और उसमें जब रहते हैं तो हमें उस घर से मोह हो जाता है। हरे कृष्णा। तो हमें जब तक हम किसी किराए के घर पे रहते हैं या कोई कपड़ा भी लेते हैं तो हमें उसका मोह रहता है और उसे छूटते वक्त हमें उसका बहुत दुख होता है। वैसे ही आत्मा इतने सालों तक इस शरीर के साथ रहती है और जब आत्मा ये शरीर छोड़कर जाते रहती है मृत्यु के समय तो उसे बहुत दुख होता है। आत्मा को बहुत दुख होता है, ये शरीर छोड़ना नहीं चाहती है। और ये दुख कितना होता है भागवत पुराण में बताया गया है, 40,000 बिच्छू स्कॉर्पियन एक साथ काटे, डंक मारे तो कितना दर्द होगा। इतना पेन दर्द होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ के बाहर निकलती है। यह प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है। जिस किसी ने डेथ को एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा, किसी को मृत्यु के वक्त देखा होगा तो हालत कैसी होती है। कहीं ना कहीं से तो आत्मा बाहर निकलती है 9 द्वार में से, लेकिन डेथ जो है बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। ये जो मृत्यु के समय रहते हैं वही जान पाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो फिर जन्म क्यों प्रॉब्लम है। अभी इमेजिन करो कि किसी को थैली के अंदर, पानी के अंदर, पेट के अंदर 9 महीने तक बांध के रखा जाए और उसके अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरिया सारे, वायरस सारे वो उसको काट काट के खा रहे हैं, उसी में वो खा पी रहा है, उसी में सब निकल रहा है। बंद थैली के अंदर, पानी के अंदर वो मजे में रहेगा कि परेशान रहेगा। जन्म का जो प्रोसेस है अपने आप में बहुत बड़ा वो पेनफुल सिचुएशन होता है, दुखदायी होता है, लेकिन हम उस दुख को भूल जाते हैं। तो ये जो भगवान बता रहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये मुख्य कारण है। यही ज्ञान देने के लिए भगवान ने ये भागवत गीता कही है। हम लोग 7 बजे ब्रेक लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी 1 घंटे हम प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि पूरी भागवत गीता में जो है वो इसी का सॉल्यूशन है। तो ये यहाँ पर हमारा जीव जो है वो कॉन्सेप्ट खत्म होता है। भागवत गीता में जो 5 सब्जेक्ट मैटर हैं, जीव, प्रकृति, ईश्वर, काल और कर्म, तो अभी यहाँ पर हम लोग अब जीव से आगे बढ़ते हैं प्रकृति के ऊपर। ये हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, रियल प्रॉब्लम, रिलेटिव प्रॉब्लम्स। भागवत गीता का जो दूसरा सब्जेक्ट मैटर है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bhagavad Gita ki jo dusri vishay vastu hai, wo hai prakriti. हमारा प्रयास होगा कि हम लोग आज ही सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म कर लें. सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ अगर आपको ध्यान में रखना है भागवत गीता का, तो यहाँ पर मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, आप उस डायग्राम को याद रखिएगा. भागवत गीता में जो पांच सब्जेक्ट मैटर हैं, उसे कैसे याद रखना है. ये क्या है? एक क्वेश्चन मार्क है. अब इसमें मैंने दो कुछ तो बना दिया है, आप लोग भी बना लीजिए किसी एक पेज पर ऐसे. ये आपको भगवत गीता के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसका फ्लो याद रखने के लिए बता रहा हूं. भगवत गीता का जो पहला सब्जेक्ट मैटर है वो है जीव. अभी हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया कल से लेकर के अब तक, हम लोगों ने जीव के बारे में डिस्कस किया, जीव. अब हम लोग जो दूसरा चीज डिस्कस करने जा रहे हैं भगवत गीता का सब्जेक्ट मैटर, वो है प्रकृति. प्रकृति इसके बाद जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो होगा ईश्वर. उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा काल. और आज जो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे वो होगा कर्म. इसे मैं इरेज नहीं करूंगा, ये ऐसे ही रहेगा. हम इस फ्लो में कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं वो बताऊंगा आप लोगों को. अब तक हम लोगों ने जीव के बारे में सब कुछ समझ लिया कि जीव जो है सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, इसके अलावा सोल, ये हम लोगों ने समझ लिया. और हम अकेले जीव नहीं है, हमारे जैसे 84 लाख योनियां हैं. और 84 लाख योनियां मनुष्य के अलावा जितनी भी जीव जंतु है सबको क्या हो रहा है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक समस्याएं आ रही हैं. लेकिन ये समस्याएं जो हैं वो रिलेटिव प्रॉब्लम्स हैं, किसी के लिए प्रॉब्लम है, किसी के लिए बिजनेस है. लेकिन रियल प्रॉब्लम्स क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये रियल प्रॉब्लम्स है. ये हम लोगों ने जीव के बारे में अब तक सुना. अब हम लोग देखते हैं कि ये जीव जो है ये कैसे बना हुआ है और ये कहाँ पर है. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रकृति को समझेंगे. प्रकृति, अभी हम लोगों ने कल थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ में समझा था कि हमारा जो शरीर जो है ये पांच ग्रॉस एलिमेंट से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश. इसके साथ ही तीन और सटल एलिमेंट भी हैं. क्या थे? मन, बुद्धि, अहंकार. ये हम लोगों ने कल सीखा था. आज हम लोगों ने सुबह अभी जब चालू किया प्रोग्राम को, 7th chapter के 4th number श्लोक में वो भी देखा कि भगवान कहाँ बता रहे, कैसे है. और इसके साथ ये भी बताया भगवान ने 7th chapter के 5th number श्लोक में कि ये जो है ये अपरा शक्ति है, अपरा प्रकृति है, इंफीरियर एनर्जी है. इस इंफीरियर एनर्जी से बने हुए शरीर को सुपीरियर एनर्जी यूज कर रही है. और वो सुपीरियर एनर्जी क्या है? आत्मा, सोल. हम सब क्या है? सोल. और जो शरीर हमने पहन के रखा है ये प्रकृति का बना हुआ है. क्लियर? हमारा शरीर जो है ये प्रकृति का बना हुआ है. ओके, तो प्रकृति के बारे में हम लोग अभी इसमें हम लोग दो चीजों को जानेंगे. एक ये है कि हम लोग अभी कहाँ पर हैं वो प्रकृति का हिस्सा है, कहाँ पर है वो जानेंगे. और ये कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही है वो जानेंगे. तो पहले हम प्रकृति को जानेंगे. वेयर आर वी? हम कहां पर हैं पहले वो जानेंगे. प्रकृति में हम अभी कहां पर हैं, प्रकृति का एक चीज जानेंगे,
फिर प्रकृति की दूसरी चीज जानेंगे हम कहां पर है. तो अभी हम लोग कहां पर हैं? भक्ति वेदांत स्कूल में है. परफेक्ट. अच्छा, भक्ति वेदांत स्कूल कहां पर है? लोखंडवाला में है. ओके, लोखंडवाला कहां पर है? अंधेरी, मुंबई. मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र. इंडिया पहुंच गया. चलो इंडिया. इंडिया कहां पर है? यूनिवर्स. यूनिवर्स कहां पर है? ओके, चलो हम लोग है ना फटाफट इसको समझते हैं. यह प्रकृति क्या है, हम लोग कहां पर हैं, वो पार्ट पहले समझ लेते हैं. अभी हम लोग जो हैं यहां पर, ये सारा आगे बढ़ते बढ़ते अर्थ में है. ये समझ में आती है बात कि हम लोग कहां पर हैं? अर्थ पे है. लेकिन ये अर्थ कहां पर है? ये अर्थ जो है ये भूलोक में है. भूलोक जो है वो एक फ्लोर है, एक महला है. जैसे अभी हम लोग फोर्थ फ्लोर पर है ना, तो वैसे भूलोक जो है वो एक फ्लोर है. एट फ्लोर के ऊपर भी कुछ फ्लोर हैं और एट फ्लोर के नीचे भी कुछ फ्लोर्स हैं. ठीक है, इसको आपको ऐसे इमेजिन करना है कि कुल मिलाकर के 14 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग है. कितने फ्लोर की? 14, 14 माले की. 14 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग है. उसके अंदर हम लोग अभी 8 फ्लोर पे हैं. एट फ्लोर का नाम है भूलोक. एट फ्लोर, जैसे कि मान लीजिए कोई 14 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो एट फ्लोर जो है वो कोई फ्लोर है, उस पर अलग 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 अपार्टमेंट्स होते हैं, घर होते हैं. ठीक है, तो वैसे ये एट फ्लोर भूलोक, यहां पर एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है अर्थ. एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है अर्थ. जो अर्थ हम जो पृथ्वी देख रहे हैं ना, गोला ग्रह, ये एक अपार्टमेंट है. ऐसे और भी अपार्टमेंट है इस फ्लोर पे. इसके ऊपर अलग अलग अपार्टमेंट है. इसके ऊपर 8 फ्लोर, इसके 9, 10, 11, 12, 13, 14, और इसके नीचे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसके ऊपर के फ्लोर के नाम जानना चाहेंगे आप लोग? हम लोग प्रकृति को समझ रहे हैं. प्रकृति क्या है? भूलोक के ऊपर है भूवरलोक. भूवरलोक, भूवरलोक के ऊपर है स्वर्गलोक. स्वर्गलोक के ऊपर है महरलोक. महरलोक के ऊपर है जनलोक. जनलोक के ऊपर है तपलोक. और तपलोक के ऊपर है सत्यलोक. ये हमारे ऊपर के फ्लोर्स हैं. आप सबको आवाज आ रही है पीछे तक? ये हमारे ऊपर के फ्लोर्स हैं. 10th फ्लोर जो है ये स्वर्गलोक है. इसके नीचे जो है वो है अतल, वीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल. आप इमेजिन कर पा रहे हैं 14 फ्लोर की बिल्डिंग, सबसे नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है वो पाताल है, रसातल, महातल, तलातल, सूतल, वीतल, अतल, और फिर चालू होता है भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक. ये जो है सतलोक, तप, तप. इसको बहुत ज्यादा डिटेल में भी घुसने की जरूरत नहीं, ये खाली समझने के लिए समझना है. ऐसे ही बता देता हूं, यहां पर हम लोग पृथ्वी लोक पर अभी हैं. इसके ऊपर भूवर लोक है. भूवर लोक पर जो है वो कौन रहते हैं? वो
पितृ जो होते हैं जो मर जाते हैं और उनको अभी नेक्स्ट बॉडी नहीं मिली है, पितृ लोग वहाँ रहते हैं नेक्स्ट बॉडी के लिए वेट करते रहते हैं नेक्स्ट बर्थ के लिए। उसके अलावा गंधर्व और किन्नर वहाँ पर रहते हैं और भूत भी वहाँ पर रहते हैं भूवर लोग में, भूत भूलोक में भी रहते हैं और भूवर लोक में भी रहते हैं। यहाँ पर स्वर्गलोक में देवी देवता रहते हैं, महर्लोक में महर्षि लोग रहते हैं, जनलोक में ज्ञानी लोग रहते हैं, तपलोक में तपस्वी लोग रहते हैं और सतलोक में सिर्फ एक जन रहते हैं बस ब्रह्मा जी। ये ब्रह्म लोग कहते हैं इसको, ब्रह्मा जी अकेले वाले। यहाँ पर कई तपस्वी रहते हैं, यहाँ पर कई ज्ञानी रहते हैं, यहाँ पर कई महर्षि रहते हैं, यहाँ कई देवी देवता रहते हैं। देवी देवता देवी गॉड्स, यहाँ भूवर लोग गंधर्व किन्नर भूत पितृ ये सब यहाँ रहते हैं। भूलोक में हम सब जैसे रह रहे हैं 84 लाख स्पीसीज में कुछ स्पीसीज यहाँ रहती है और नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पातल ये नीचे के प्लैनेट्स हैं। यहाँ पर जाते जाते और भी ग्रॉस होते चले जाते हैं, ये इसको एक ब्रह्मांड कहते हैं। हम लोग अभी है ना प्रकृति को समझ रहे हैं, तो प्रकृति में अभी हम कहाँ पर है वो समझ रहे हैं, तो ये इतने को एक ब्रह्मांड कहते हैं। ओके, ये ब्रह्मांड है और ये जो ब्रह्मांड है ये कैसे बना हुआ है, यहां पर गर्भोदक्षाई विष्णु लेते हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है और इनके नेवल में से नाभि में से एक कमल का पेड़ बना, ये इसकी नाल है स्टेम है और यहाँ पर ये कमल का फ्लावर है। तो ये जो है इनको गर्भोदक्षाई विष्णु कहते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के नेवल में से यहाँ पर सबसे ऊपर सत्य लोक है और नेवल के बीच में ये सारे के सारे बाकी के प्लैनेट्स हैं, ये लोक हैं। ठीक है, टेक्निकल है अभी इसका कुछ बहुत ज़्यादा समझने की या यूज की जरूरत नहीं है, इसके आगे की चीज़ों को समझना जरूरी है। ये जो है ये एक ब्रह्मांड है और ऐसे अनलिमिटेड ब्रह्मांड है और वो जो अनलिमिटेड ब्रह्मांड है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं महाविष्णु के सांस लेने से। महाविष्णु जिनको कारणोदक्षाई विष्णु कहते हैं वो जब सांस लेते हैं तो उनके सांस लेने से बहुत सारे बबल्स बुलबुले निकलते हैं और जितने बुलबुले निकलते हैं हर बुलबुले से एक ब्रह्मांड बनता है। और ये जो ब्रह्मांड है अनलिमिटेड ब्रह्मांड है जो बबल्स निकलने से बन रहे हैं कारणोदक्षाई विष्णु से बन रहे हैं। कारणोदक्षाई विष्णु कहते हैं उनको, इनको महाविष्णु भी कहते हैं। यहां से इनके बबल से बहुत सारे ब्रह्मांड हरे कृष्णा बहुत सारे ब्रह्मांड बन रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अभी हैं, ठीक है। अब इसका मैं एक आपको ग्राफ दिखा एक चार्ट दिखा देता हूं, थोड़ा लाइट बंद करना तो। ये देख रहे हैं ये एक यूनिवर्स है, ये जो दिख रहा है ये एक एक ब्रह्मांड है। ये गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हैं, ये भूलोक है, इसके ऊपर के लोग वो ब्रह्मलोक और उसके नीचे ये अतल वितल सुतल तलातल लास्ट में पाताल, ये ऐसा एक ब्रह्मांड है और ऐसे बहुत से ब्रह्मांड हैं। हम लोगों ने इसको अभी एनलार्ज करके देखा था, ऐसे बहुत से ब्रह्मांड बने हुए हैं और ये जो ब्रह्मांड है
इसको भगवान ने क्या कहा है, ये जो वर्ल्ड बना हुआ है, ये जो करुणोदक्षाय विष्णु के सांस लेने से जितने भी ब्रह्मांड बन रहे हैं, भगवान ने इसको अपरा प्रकृति कही है। मैंने ये जो दो लाइन यहाँ पर खींची है यही समझने के लिए की थी कि ये जो है नीचे इसको भगवान बताते हैं कि ये अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति, इसको मटीरियल वर्ल्ड कहते हैं। और उसके ऊपर हमको जो दिख रहा है ये जो है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है हम लोग कहां पर है अभी? थोड़ा सा और होराइजन अपना बड़ा हो रहा है। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, हाँ बैठिए माता जी। तो ये जो है ये एक ब्रह्मांड, ऐसे अनंत ब्रह्मांड, और ये अनंत ब्रह्मांड जो है वो इसके नीचे है, यहां से लेकर के यहां तक सब है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये वाला जहां पर अनंत ब्रह्मांड है, ठीक है, ये प्रकृति के बारे में जान रहे हैं, इसको अपरा प्रकृति कहते हैं और इसको परा प्रकृति कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है? ये जो प्रकृति है ये असत अचित और निरानंद है, और ये जो प्रकृति है ये सत चित और आनंद में है। ये डिफरेंस है। फिफ्टीन चैप्टर के फर्स्ट नंबर श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये उल्टे वृक्ष की तरह है और सारे जीव इसमें फंसे पड़े हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में, और हम लोगों को इसी में से बाहर निकलना है। चलिए, हम लोगों ने अभी यह समझ लिया कि हम लोग कहां पर हैं, अब प्रकृति की अगली चीज हम लोग समझते हैं। ओके, अब हम लोग लाइट चालू कर लेते हैं। अब हम लोग प्रकृति के बारे में दूसरी चीज, हम लोग कहाँ पर, यह समझ में आ गई बात कि हम लोग अभी ब्रह्मांड में हैं। ब्रह्मांड को थोड़ा डिटेल में ब्रीफ में बता दिया है और उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये ब्रह्मांड यहाँ पर है, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, लेकिन ये जो ब्रह्मांड है ये सारे के सारे असत अचित निरानंद है। ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसके ऊपर यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये इसका अपोजिट है, सच्चित आनंद है, उसको आगे हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है, प्रकृति के बारे में अब हम लोग दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो शरीर है वो किससे बना हुआ है? प्रकृति के तत्वों से बना हुआ है। ओके, तो जो चीज जिस चीज से बना होता है उसके जो गुण हैं वो उसके ऊपर हमेशा प्रभाव डालते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी माता जी भी यहां पर हैं, आप लोग कुकिंग करते होंगे, प्रसादम बनाते होंगे, खाना बनाते होंगे,
रोटी बनाने के लिए क्या यूज करते हैं आप लोग? तवा यूज करते हैं रोटी बनाने के लिए, ठीक है। तवा लोहे का बना हुआ होता है और लगभग लगभग 2 से 3 किलो का होता है, 2 to 3 kg का एक तवा होता है, काले रंग का होता है, लोहे का बना होता है। आप एक लकड़ी का तवा बनाइए, लगभग उतना ही वजन वाला टीकूट का लकड़ी लीजिए, मजबूत, काला कलर कर दीजिए उसके ऊपर, और वैसा ही एक स्ट्रांग प्लास्टिक का आप तवा बनाइए और उसको भी ब्लैक कलर का कर लीजिए। अभी 3 तवा दिखेगा, एक लोहे का होगा, एक लकड़ी का होगा और एक प्लास्टिक का होगा। तीनों 2-2 किलो के हैं और तीनों ब्लैक कलर के हैं, तीनों का साइज सेम टू सेम है, शेप सेम टू सेम है। अब तीनों तवा को लेकर पानी में डाल दो। आप लोग बोलेंगे क्या करवा रहा है ये, पहले तवा बनवाया फिर बोला पानी में डाल दो। अच्छा मान लो पानी में डाला तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ओके, आयरन वाला क्या होगा, डूब जाएगा। ओके, प्लास्टिक वाला और उड वाला फ्लोट करेगा। ओके, और कुछ दिनों के बाद में उड को क्या करेंगे, कुछ मछलियां आके खा जाएंगी, लेकिन प्लास्टिक को तो कोई खाएगा नहीं, पड़ा रहेगा ऐसे, बराबर। चलो इसके पहले कि उसको मछलियां खा जाए, तीनों को बाहर निकाल लेते हैं, तीनों तवा बाहर निकाल लेते हैं। अब तवा तो रोटी बनाने के लिए काम में आता है, तीनों तवा को चलो स्टोव के ऊपर रख देते हैं, फ्लेम के ऊपर रख देते हैं। अब क्या होगा, लकड़ी वाला क्या होगा, जल जाएगा, राख बन जाएगा। प्लास्टिक वाला क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, काला बॉल बन जाएगा, इतना छोटा सा। लोहे वाला क्या होगा, गरम होगा और हम चाहे तो उसके ऊपर रोटियां बना सकते हैं। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है, जब तीनों सेम टू सेम काले रंग का दिख रहा था, शेप एंड साइज भी सेम टू सेम था, वजन भी एक ही था, तो पानी में कुछ डूब गया, कुछ फ्लोट किया, आग पे कुछ जल गया, कुछ गल गया और कुछ गर्म हो गया, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, उसका मटेरियल डिफरेंट था। हाँ हाँ, उसका मटेरियल का जो कंपोजिशन था वो अलग अलग था, और जो जिस मटेरियल से बना था उसके जो गुण थे वो उसके ऊपर प्रभाव डाल रहे थे, राइट। जो प्लास्टिक का बना था वो उसको पानी में फ्लोट करने के लिए प्रभाव डाल रहा था, उसको आग पे रखने पे गल जाने के लिए प्रभाव डाल रहा था, जल गया वो। उड़ वाला जो था वो फ्लोट करने के लिए प्रभाव डाल रहा था और आग पे जल गया, लेकिन लोहे का प्रभाव डाल रहा था क्या, डूब जाने के लिए, सिंक होने के लिए, लेकिन वही जब आग पे रखा गया तो उसको जलने नहीं दिया, गलने नहीं दिया, गर्म हुआ और उसको रोटियां बना सकते हैं। ये क्यों पॉसिबल हुआ, जो प्रोडक्ट जिस इंग्रेडिएंट से बना होता है उस इंग्रेडिएंट का जो गुण होता है वो उसके ऊपर प्रभाव डालता है। आप सब इससे सहमत हैं? ओके, कल से लेकर के आज तक हम लोगों ने क्या समझा और सीखा है, हम सब आत्मा हैं और हमने ये शरीर को कपड़े की तरह पहन के रखा हुआ है, यहां तक एग्री है? ओके, शरीर किस चीज से बना हुआ है, पंच महाभूत, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और साथ में मन बुद्धि अहंकार, 7वें अध्याय का 4वें नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं। ये 8 चीजें हैं जिससे कि ये पूरी की पूरी शरीर अंदर की और बाहर की बनी हुई है, और ये क्या चीज है भगवान क्या बता रहे हैं, ये भगवान की भिन्ना प्रकृति है, सेपरेटेड एनर्जी है। ये जो 8 चीजें हैं ये भगवान की सेपरेटेड एनर्जी है जिससे हमारी ये बॉडी बनी है। अब जिस चीज से हमारी बॉडी बनी है उसका गुण क्या हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा, डालेगा, कंटिन्यूअस डाल रहा है, कंटिन्यूअस, हमेशा प्रकृति के गुण हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। और प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, हम लोगों ने कई बार इसको सुना हुआ है, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, इसको कहते हैं मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के गुण। प्रकृति के कौन कौन से गुण हैं, 3 गुण होते हैं प्रकृति के, एक होता है मोड ऑफ
goodness, जिसको हम सतोगुण कहते हैं, दूसरा होता है mode of passion, जिसको हम रजोगुण बोलते हैं, और तीसरा वाला होता है mode of ignorance, इसको तमोगुण कहते हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर का कपड़ा हमने पहन के रखा है, ये कपड़ा जो है प्रकृति के तत्वों से बना हुआ है। प्रकृति के जो तत्व हैं पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सारे मटेरियल जो हैं नेचर के हैं, और इसी वजह से ये जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं इनका इफेक्ट कंटिन्यूअस हमारे ऊपर पड़ रहा है, हम इससे बच नहीं सकते हैं। कंटिन्यूअस हमेशा हमेशा ये हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, और ये जो तत्व हैं मोड्स ऑफ मटेरियल, ये जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं उनके मोड्स क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों जो गुण होते हैं ये हमारी जो बॉडी है उसमें इक्वल क्वांटिटी में है, और तीनों जो है अंदर आपस में फाइटिंग कर रहे हैं। किस चीज के लिए? सुप्रीमेसी के लिए, वर्चस्व के लिए, तीनों में फाइटिंग चलते रहती है। कभी कभी सतोगुण जीत जाता है, कभी कभी रजोगुण जीत जाता है, और कभी कभी तमोगुण जीत जाता है। जिस समय जो गुण प्रोमिनेंट होता है, पावरफुल होता है, हम लोग वही एक्टिविटी करते हैं, वही काम करते हैं, हम लोग वही एक्टिविटी करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा गुण प्रोमिनेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी बरसात हो रही है और प्लास्टिक का रेनकोट पहन के जाएंगे तो हम अंदर नहीं भेगेंगे, क्योंकि अभी प्रोमिनेंट क्या है, ऊपर का प्लास्टिक का रेनकोट। लेकिन उसको निकाल करके अगर हम ये कॉटन और सूती कपड़ा पहन के जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, क्योंकि प्रोमिनेंट क्या है, अभी ऊपर क्या है, ये कपड़ा है, ये वाला। ये बात क्लियर है? अब आगे बढ़े हम लोग, आगे चल के इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है, अभी हमको सिर्फ इतना समझना है, क्योंकि अभी हम प्रकृति के गुण समझ रहे हैं, प्रकृति समझ रहे हैं। आगे जब कर्म के बारे में आएंगे तो दोबारा इसमें डिटेल में समझेंगे, अभी खाली इतना समझना है कि हम लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं अभी इस समय वो इन गुणों के प्रभाव में कर रहे हैं, और ये तीनों गुण आपस में फाइटिंग करते रहते हैं, जो सुप्रीम होता है वो एक्टिविटी हम कर देते हैं। तो प्रकृति के बारे में हम लोगों ने एक चीज समझी कि हम अभी कहां पर हैं, प्रकृति क्या है, तो हम लोग अभी मटेरियल वर्ल्ड में हैं, ये असत अचित निरानंद है, इसके ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जिसको सतचित आनंद कहते हैं, ये हम लोगों ने जाना। और दूसरी चीज हम लोगों ने जाना मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। अब प्रकृति के बारे में हम लोग तीसरी बात जानते हैं, प्रकृति के बारे में जो तीसरी चीज, ठीक है इसको मैं अभी इरेज नहीं करता हूं, जो दूसरी चीज प्रकृति के बारे में जानना है वो है लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर बहुत ही सिंपल है, हर कोई बता सकता है क्या है लॉ ऑफ नेचर। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जो बीज डालेंगे टाइम आने पर वही पेड़ निकलेगा, और टाइम आने पर वही फ्रूट्स वही फल मिलने वाला है। ये क्या है, प्रकृति का नियम, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ठीक है, अभी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एक्टिविटीज का जो रिएक्शन है उसका जो रिएक्शन का जो टाइम है वो सबके लिए सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लोकल ट्रेन में किसी अच्छे बॉडी बिल्डर को गुस्सा होकर के एक थप्पड़ मारा तो क्या होगा, वो मुझे दो चार मार देगा, ऑन द स्पॉट रिएक्शन होगा। ठीक है, ऑन द स्पॉट रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जुहू बीच पे गया और घूमते घूमते मुझे वहां पर पानीपुरी भेलपुरी खाने की इच्छा हो गई, और मैंने पानीपुरी भेलपुरी खा लिया, और वो थोड़ा सा अनहाइजेनिक था, कुछ इन्फेक्शन आ गया, तो क्या वहीं पर मुझे कुछ होगा,
नहीं, खाके मैं घर पहुंच जाऊंगा, घर पे सो जाऊंगा, कल सुबह चालू होगा। और पानी पूरी का मुझे दो बार मजा आएगा, एक बार मैंने जो कल खाया था वो, और अगले दिन भी मजा आएगा। बीमार हो सकता हूं, इन्फेक्शन हो सकता है, सब कुछ। अब ये रिएक्शन में 8-10 घंटे का टाइम लग गया। हम लोग जॉब करने जाते हैं, 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जॉब करते हैं, तब जाकर के हमको रिएक्शन में क्या मिलता है, सैलरी 30 दिन बाद। साल भर काम करते हैं तो रिएक्शन में हमको इंक्रीमेंट मिलता है कि नहीं। बिजनेस करते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तब हमको डिस्ट्रीब्यूशनशिप मिलती है। बहुत सारे इलेक्शन के लिए प्रयास करते हैं, तब जाकर के हम जीतते हैं तो कोई एक पोजीशन मिलती है। तो एक्शन और रिएक्शन में कोई फिक्स टाइम का ऐसा नहीं है कि आज एक्शन कर दिया तो इमीडिएटली रिएक्शन मिल जाएगा। रिएक्शन मिलने में टाइम अलग अलग लगते रहते हैं। तो लॉ ऑफ नेचर में पहली बात यह है कि जो भी कर्म करेंगे उसका हमको रिएक्शन मिलेगा, और रिएक्शन मिलने में टाइम गैप होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो हम एक्शन लेंगे वही हमको बदले में रिएक्शन मिलेगा। और ये जो रिएक्शन है इसको लेने से हम मना नहीं कर सकते हैं। रिएक्शन लेना कंपलसरी है, ये समझने की बात। लॉ ऑफ नेचर में रिएक्शन लेना ये कंपलसरी है। बहुत से लोगों को व्हाट्सएप का मैसेज मिला होगा और उस मैसेज में ये भी लिखा है कि कर्म क्या है और कर्म का फल क्या है, और उसी के साथ में ये भी लिखा था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जिसने व्हाट्सएप पढ़ा होगा तो वहां पर लिखा होगा व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, क्यों होता है, वो लॉ ऑफ नेचर की वजह से होता है, एक्शन और रिएक्शन की वजह से होता है। और ये रिएक्शन मिलने में कोई समय की पाबंदी नहीं होती है। भगवान ने जो ये प्रकृति बनाई है उसका अपना सिस्टम है, अपने सिस्टम से वो काम करती है, सबको उसके कर्मों का फल मिलता है, टाइम आने पर जरूर मिलता है। हमारी समस्या क्या है कि हम लोग सिर्फ अभी का एक्शन और अभी का मिला हुआ रिएक्शन यही देख पा रहे हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे साइलोस होता है सामान रखने के लिए, बड़े बड़े अनाज के ढेर रखने के लिए साइलोस बनाते हैं, अनाज के लिए बड़ा सा घर बनाते हैं। इसमें क्या होता है, यहां से डाला जाता है सीढ़ी पर खड़े होकर के, और निकालते वक्त यहां से नहीं जाते हैं, यहां पर जगह बनी होती है, यहां से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा 3-4 साल का बच्चा आज पहली बार वो गांव गया और वहां पर ये किसानों को काम करते हुए देख रहा है, और यहां पर वो ये देख रहा है कि ये साइलोस में यहां पर यहां से राइस डाल रहे हैं, चावल डाल रहे हैं, और यहां से वीट बाहर आ रहा है। ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लो कि इसमें कोई फिल्ट्रेशन और पार्टीशन नहीं है, पिछले 1 साल तक यहां पर वीट भरा हुआ था, इसके पिछले साल भी यहां पर वीट ही भरा हुआ था, इसके ऊपर यहां पर चना भरा हुआ था, और इसके ऊपर यहां पर मटर भरा हुआ था, और अभी यहां पर राइस डाला जा रहा है, तो अब क्या होगा। यहां पे डाल रहे हैं, हमको दिख रहा है राइस, लेकिन यहां निकल क्या रहा है, वीट। क्यों? क्योंकि यहां पर जो जमा है वो वीट जमा है। हम लोगों को दिखता क्या है, यहां से क्या डाला जा रहा है और यहां से क्या निकल रहा है। तो हमारे साथ में लॉ ऑफ नेचर जो है ये हमेशा काम करता है। आगे जब कर्म को हम समझेंगे तो डिटेल में समझेंगे ये कैसे होता है। लेकिन समझने की बात जो है वो यही है कि ये जो हमको मिल रहा है, पहले जमा किए हुए का रिएक्शन मिल रहा है, इसके बाद जो मिलेगा वो इसका मिलेगा, इसके बाद जो मिलेगा इसका मिलेगा, आगे चल के ये भी मिलेगा।
लेकिन छोटे बच्चे को क्या दिख रहा है कि यहाँ पर राइस डाल रहे हैं और यहाँ पर वीट निकल रहा है। तो अच्छों के साथ जो बुरा हो रहा है या बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है जो हम देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये और कुछ नहीं हो रहा है, ये लॉ ऑफ नेचर चल रहा है। उन लोगों ने पहले अच्छे काम किए थे, उनके पास अच्छा क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए वो आराम से आज एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अभी जो गलत काम कर रहे हैं वो नया क्रेडिट जमा कर रहे हैं, आगे चल के उनको उसकी भी सजा देनी पड़ेगी। ये लॉ ऑफ नेचर है। तो प्रकृति के बारे में हम लोगों ने तीन चीजों को जाना, एक प्रकृति हम कहाँ पर हैं, दूसरा प्रकृति के गुण लॉ ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और तीसरा हम लोगों ने जाना लॉ ऑफ नेचर। ये प्रकृति के बारे में जानने की चीजें हैं जो भागवत गीता में बताई गई है। और प्रकृति के बारे में हमने ये भी जाना कि दो प्रकृति है, एक अपरा और एक परा प्रकृति, ठीक है। और अब हमारा अगला जो सब्जेक्ट मैटर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे ईश्वर के बारे में, और फिर हम लोग ब्रेक लेंगे। अभी यहां पर कितने लोग मेट्रो से आए हैं? कोई मेट्रो से आया हुआ है? आप लोग मेट्रो से आए हुए हैं, ओके। कितने लोग यहां पर लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं? लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं आप लोकल ट्रेन से ट्रैवल किया है आप लोगों ने? लोकल ट्रेन से किया हुआ है? आज नहीं करते लेकिन किया हुआ है, लगभग सब लोगों ने किया हुआ है लोकल ट्रेन से, ओके। लोकल ट्रेन से लोगों ने ट्रैवल किया है और मेट्रो से भी कुछ लोग आए हुए हैं। अभी हम लोग जो नेक्स्ट चीज समझने वाले हैं वो ईश्वर के बारे में समझने वाले हैं। ये मेट्रो जो बना हुआ है डीएन नगर, जो सबसे नजदीक स्टेशन है, अभी रिसेंटली बना हुआ है। कितना साल चालू होके हो गया? शायद तीन साल चालू होके हो गया। उसके पहले 6 साल तक काम चला उसका, लगभग नौ साल लगे खड्डा करने से लेकर के मेट्रो चालू हो करके चालू हो गया, ओके। अभी मान लीजिए कोई बच्चा आज से 15 साल पहले यह शहर छोड़कर गया था, ठीक है, और वो 15 साल बाद यहां पर आता है और डीएन नगर जाके देखता है तो वहां पर ये खंभे हैं, उसके ऊपर ये क्या बना हुआ, उसके ऊपर ये मेट्रो घूम रही है। और अगर वो बोले कि 15 साल पहले मैं यहां पर आया था, तभी तो ये नहीं था, अभी ये है, तो ये अपने आप आ गया, ऐसा हो सकता है क्या? अभी लोकल ट्रेन तो हम लोग काफी दिनों से देख रहे हैं, मतलब जनरेशन हो गई है ना, 1857 हाँ, तब से ट्रेन बॉम्बे थाना चालू हुई थी, पहली इंडिया की ट्रेन, तो हमको पता ही नहीं चलता है। अभी तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हाँ ट्रेन तो मतलब कि ट्रेन पटरी होती है और उसके ऊपर ट्रेन चलती है, बराबर ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो 15 साल पहले जो लड़का यहाँ अंधेरी से गया था, अब आकर के बोलता है कि ये अचानक से आ गया है, क्या वो सही बोल रहा है? अगर मेट्रो है और मेट्रो चल रही है तो इसका मतलब है कि कोई तो होगा जिसने उसको बनाया है कि नहीं? और अपनी जो लोकल ट्रेन है वो बराबर चल रही है, लगभग 3 मिनट के गैप में एक लोकल ट्रेन निकल जाती है जो कि वर्ल्ड का बहुत ही अच्छा एवरेज माना जाता है बॉम्बे की जो लोकल ट्रेन है, और इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, कोई दो ट्रेन आपस में भिड़ती नहीं दिखती है। क्यों भिड़ती नहीं दिखती है? क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई सिग्नलिंग सिस्टम काम करता है कि नहीं? ये मेट्रो भी जो चल रही है ये परफेक्ट टाइम से आती है जाती है, लोग उसमें यात्रा कर रहे हैं, वैसे ही लोकल ट्रेन आ रही है जा रही है, पटरियां बिछी हुई हैं, इसका मतलब किसी ने पटरी बिछाई है उसके ऊपर ट्रेन चल रही है, इंजन ट्रेन को खींच रहा है, मतलब किसी ने बनाया है, कहीं पर जाकर के बोगी बनी होगी, कोचेस बने होंगे, बनाया होगा, तभी तो ये सब हो रहा है कि नहीं? और सिग्नलिंग सिस्टम इतना परफेक्ट चल रहा है कि कभी कोई एक्सीडेंट हमको नहीं सुनाई देता। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई सिग्नल को
ऑपरेट कर रहा है, है कि नहीं। तो वैसे ही हम लोगों ने अभी प्रकृति के बारे में जो इतना चार्ट देखा और ये सब जो देखा, तो अगर ये सब चीजें हैं तो कोई ना कोई तो इसका क्रिएटर होगा, किसी ना किसी ने तो बनाया होगा ना, और ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। इसका मतलब कि कोई तो परफेक्ट लॉ बना करके उस लॉ पे इसको चला रहा है, तभी तो ये परफेक्ट चल रहा है कि नहीं। जैसे लोकल ट्रेन आपस में नहीं टकरा रही है क्योंकि सिग्नल्स को फॉलो कर रही है, वैसे एक ग्रह दूसरे ग्रह से आकर के नहीं टकरा रहे रोज। हम लोग टीवी सीरियल में और साईफाई मूवीज में देखते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे तो कोई चीज हो नहीं रही है। तो अगर सब कुछ परफेक्ट तरीके से चल रही है तो कोई ना कोई चला रहा है उसको। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये क्रिएशन है तो कोई ना कोई उसका क्रिएटर है। अगर ये परफेक्ट चल रहा है, एक लॉ के हिसाब से ये काम कर रहा है, तो कोई ना कोई लॉ मेकर है। और अगर ये लॉ परफेक्ट चल रहा है तो किसी ना किसी के डायरेक्शन में ये चल रहा है, तो कोई ना कोई तो है कि जो इसका डायरेक्टर है। अब एग्री कर रहे हैं इसको, अचानक से तो ये सब चीजें हुई नहीं, तो ये क्रिएटर कौन है, ये कंट्रोलर कौन है, कौन है आप लोग बता सकेंगे? वही है जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। हम लोग यहां पर भारत में हैं, भारत में लगभग सब लोग आस्थावादी होते हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं। बहुत से देशों में लोग नास्तिक होते हैं, वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वहां इन सब बातों को समझाने में काफी कठिनाई आती है। लेकिन अपने भारत में तो ये एक अच्छी बात है कि लोग भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो भगवान जो है, ईश्वर जो है, भगवद गीता का जो तीसरा सब्जेक्ट मैटर है वो ईश्वर है। और ईश्वर जो है वो इस सारी सृष्टि को बनाने वाला है, क्रिएटर है, और वही उनका कंट्रोलर है। ये है ईश्वर। ईश्वर जो है, जिसको हम भगवान कहते हैं, वो अनंत हैं, उनकी क्वालिटीज अनंत हैं, उनके लीलाएं और गुण अनंत हैं। हम लोग सारी चीजों को अभी एक साथ नहीं समझ सकते हैं। एक तो हमारी जो बनावट है, हमारी जो बुद्धि की जो क्षमता है वो काफी कम है, लेकिन अपने काम भर की चीजें जो हमको समझना है ईश्वर के बारे में, वो अभी हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं कि ईश्वर कौन है, वो जान लेते हैं, जिससे कि हमारा आगे का काम चले। और दूसरी बात हम लोग अभी जानेंगे कि जो ईश्वर ने जो आध्यात्मिक जगत बनाया है वहां के नियम क्या है। हमने मटेरियल वर्ल्ड के तो नियम अभी जाने ना, भौतिक जगत के नियम हमने अभी जाने। भौतिक जगत के क्या नियम होते हैं? एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये मटेरियल वर्ल्ड का लॉ है, लेकिन ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का लॉ नहीं है। वहां का लॉ अलग है। पहले हम ईश्वर को जान लेते हैं, फिर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लॉ को जानेंगे। ईश्वर को अगर आपको जानना है तो दो ही चीजें आप लोग को जान लीजिए। एक है सत, चित्त और आनंद। सत मीन्स एटर्नल, चित्त मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, और आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लिस। ये सिंपल सी चीज याद रखिए। बाकी श्लोक क्या है वो सब मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। पहले फ्लो में आप ये सब चीजों को समझ लीजिए, बाकी भागवत गीता में कहां कहां ये बातें बताई गई ये बताऊंगा आपको। सत, चित, आनंद, ईश्वर के बारे में हम लोग अभी सीख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और क्वालिटी भगवान की जान लीजिए। भगवान क्या है? भगवान सुप्रीम सीईओ है। सुप्रीम सीईओ। सीईओ माने क्या? भगवान को किसी कंपनी में काम मिल गया,
वहां पर उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया, ऐसा नहीं है। ये हम लोग खाली अपने को याद रखने के लिए, हम भगवान को कैसे समझें और कैसे याद रखें उसके लिए बता रहा हूं मैं। सुप्रीम सीईओ मतलब कि सी ई और ओ। सी में हम लोग को तीन चीजें याद रखनी है कि भगवान सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। सभी कारणों के आदि कारण है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिसने ये सृष्टि बनाई है ना, मटेरियल वर्ल्ड, जिसने भगवान को हेल्प किया है बनाने में, ब्रह्मा जी ने ये बात कही है कि भगवान जो है वो सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस है, सर्व कारण कारणम। दूसरा, भगवान जो है सारे क्रिएशन के क्रिएटर है, क्रिएटर सारी सृष्टि के वो क्रिएटर है। और तीसरा, भगवान इस सृष्टि के कंट्रोलर है। सुप्रीम सीईओ में हम लोग को जो बातें याद रखनी है वो यही है, सी फॉर कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, क्रिएटर, कंट्रोलर, ठीक है। ई फॉर ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर। ये आदि पुरुष हैं और ये भोक्ता हैं। ही इज द सुप्रीम एंजॉयमेंट गिवर। ये आनंद प्रदान करते हैं, आनंद देते हैं। और ही इज द सुप्रीम एजुकेटर, ज्ञान देते हैं। ही इज द सुप्रीम एजुकेटर। भगवान को हम पूरी तरह से अभी नहीं समझ सकते हैं, हमारी छोटी बुद्धि में हम कभी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन अपने काम भर की चीज हमको खाली समझना है अभी। ही इज द सुप्रीम सीईओ, सचित आनंद है, एंड ही इज सुप्रीम सीईओ। यहां तक क्लियर हुआ? कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सब कारण के आदि कारण, क्रिएटर, कंट्रोलर। इसके जो श्लोक हैं मैं आप लोगों को अभी दूंगा थोड़ी देर के बाद में। एंजॉयर, एंजॉयमेंट गिवर एंड एजुकेटर। एंड ओ फॉर क्या होता है? ओनर, ओनर ऑफ ऑपुलेंसेस। व्यासदेव जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने महाभारत को लिखवाया था। एक्चुअली सारे जो वेद हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया था, सारे वेद पहले श्रुति में चलते थे, गुरु बोल देते थे और शिष्य उसको याद रख लेते थे, फिर वो गुरु बन जाते थे, वो बोलते थे और उनके शिष्य याद रखते थे, ये सुनने से आगे बढ़ते चला जाता था। लेकिन व्यासदेव जी को ये समझ में आई, कलयुग आने वाला है और कलयुग में क्या हो जाएगा कि लोगों की बुद्धि कम होती चली जाएगी, तो ऐसे टाइम के लिए क्या करना है, उसको लिपिबद्ध करना है, लिखना है। तो उन्होंने क्या किया, नारद जी की प्रेरणा से उसको लिपिबद्ध करना चालू किया। तो लिपिबद्ध किसने किया, लिखा किसने? गणेश देव जी ने। गणेश देव जी ने उसको सब लिख के रखा, लिखा, लेकिन बोला किसने? व्यास देव जी ने। तो सारे वेदों को व्यास देव जी कंटिन्यूस लगातार बोलते गए और लगातार बिना रुके गणेश जी उसको लिखते चले गए। तो पहली बार ये सब लिखित में ये हमको मिला है सारा वेद। व्यासदेव जी के जो पिताजी थे उनका नाम था पराशर मुनि। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या की है, भगवान। भगवान कौन होता है इसकी व्याख्या पराशर मुनि ने की है। पराशर मुनि व्यासदेव जी के पिताजी कहते हैं, भगवान वही हो सकता है जो भगवान है। भगवान, भग मतलब ऐश्वर्य, ऑपुलेंसेस, जिसके पास छह के छह ऑपुलेंसेस एक साथ पूरी मात्रा में होता है, एब्सोल्यूट टर्म में होता है, उसी को भगवान कह सकते हैं। और वो ऑपुलेंसेस क्या क्या हैं?
वो ऑपुलेंसेस है ब्यूटी, सुंदरता, दूसरा नॉलेज, तीसरा स्ट्रेंथ, चौथा वेल्थ। ठीक है, वेल्थ मतलब यहां पर सुंदरता, ज्ञान, सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक ज्ञानवान, सबसे अधिक बलवान। अब जो सुंदर है, ज्ञान है और बल है, तो वेल्थ तो उसके पास अपने आप चला आएगा ना, तो धनवान। और जिसके पास ये सब रहेगा तो फेम, फेमस तो अपने आप हो जाएगा, यशवान। और सबसे लास्ट में रिनाउंसिएशन, त्यागवान। जिसके पास ये छह के छह ऐश्वर्य एक साथ संपूर्ण मात्रा में होता है, उसी को भगवान कह सकते हैं, ऐसा पराशर मुनि व्यास देव जी के पिताजी ने कहा। तो ये जिसके पास एक साथ संपूर्ण मात्रा में होता है, उसी को भगवान कहते हैं। तो हमको भगवान को समझने के लिए क्या क्या चीजें समझनी है। सत चित आनंद है, वो एटर्नल है। एटर्नल मतलब उनका नाश नहीं होता है, उनकी शुरुआत और अंत नहीं होती है, वो बस रहते हैं एटर्नल। चित्त मतलब उनको सारा ज्ञान होता है, फुल ऑफ नॉलेज। आनंद मतलब फुल ऑफ दिस, हमेशा आनंद में रहते हैं। एंड सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम एंजॉयमेंट गिवर, सुप्रीम एजुकेटर एंड सुप्रीम ओ फॉर ओनर, ओनर ऑफ ऑपुलेंसेस, ब्यूटी, नॉलेज, स्ट्रेंथ, वेल्थ, फेम और रिनाउंसिएशन, त्यागवान। भगवान त्यागवान है कैसे मालूम पड़ता है? देखो यहां से मालूम पड़ता है, ये देखो कि अभी हम लोग जब कार में बैठते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं गाड़ी चलाओ, तो इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं? मुंह से बोल के। अभी हम लोग को बांद्रा जाना है, अभी हम लोग को बीटी जाना है, चर्च गेट जाना है, मुंह से बोलते हैं। लेकिन यहां पर भगवान क्या बने हैं? सारथी बने हैं अर्जुन के। और कहां पर ये सारथी बने हैं? युद्ध के समय। युद्ध के समय इतना तेज आवाज और शोरगुल होते रहता है, उसमें तो मुंह से बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। तो जो सारथी लोग रहते हैं उनको इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं? पैर से कंधे पर दबा दबा करके। और यहां भगवान जो है वो अर्जुन के सारथी बने हैं और इंस्ट्रक्शंस कैसे ले रहे हैं? पैर से। मतलब कि भगवान के पास ये सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हम्बल है, वो त्यागवान है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तो भगवान के बारे में ईश्वर कौन है? कॉज ऑफ द कॉजेस, क्रिएटर, कंट्रोलर, ये समझ में आ रही है। और ये सुप्रीम सीईओ है। इसके अलावा हमको एक चीज और समझनी है कि भगवान स्वराट है। स्वराट, स्वराट मतलब कि भगवान के पास फ्री विल है। फ्री विल है, वो इंडिपेंडेंट है। स्वराट मीन्स इंडिपेंडेंट। वो कोई भी एक्शन लेने में इंडिपेंडेंट है, कोई भी काम करने में इंडिपेंडेंट है। वो दुखी भी हो सकते हैं, वो सुखी भी हो सकते हैं, वो पकड़ भी सकते हैं, वो छोड़ भी सकते हैं। फ्री विल है उनके पास, वो इंडिपेंडेंट है। कोई उनको पकड़ना चाहे तो उनकी इच्छा हुई तो बंध जाएंगे, जैसे यशोदा माता ने उनको बांध दिया था, और बाकी लोग उनके पीछे परेशान रहते हैं, वो कभी हाथ ही नहीं आते हैं। तो ये स्वराट है भगवान, इंडिपेंडेंट है, फ्री विल है। तो ये है ईश्वर। इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, आगे का डिस्कशन हम लोग ब्रेक के बाद आप चालू करेंगे। ये हमने ईश्वर को समझ लिया है। आगे एक चीज अभी हम लोग समझ लेते हैं, ये जो मटेरियल वर्ल्ड, ये मटेरियल वर्ल्ड है और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। यहां पर जो मटेरियल वर्ल्ड है, यहां पर एक लॉ चलता है, और वो लॉ क्या है?
कि जो जैसा करेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा, ये यहाँ का नियम है। यहाँ का नियम क्या है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान अकेले भोक्ता है। भगवान यहाँ राधा जी के साथ हैं और यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं और यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, और बाकी जितने भी जीव हैं, लिविंग एंटिटी हैं, वो यहाँ पर सबके सब भगवान की सेवा में लगे हैं। सबके सब डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सिर्फ एक ही रूल है, बस क्या रूल है कि सबके सब लोग भगवान की सेवा में आनंद में रह रहे हैं। ये आध्यात्मिक जगत का नियम है, कानून है, रूल है, लॉ है वहां का। मटेरियल वर्ल्ड का अलग लॉ है, यहां पर जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। यहां पर सब लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। आगे अभी दो चीजें बची है, काल और कर्म। ये हम लोग ब्रेक से आने के बाद सीखेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, नीचे आरती होगी, आप सब प्लीज आरती में आइए, आरती में भाग लेते हैं, और फिर आज हम लोग काल और कर्म ये दोनों चीजें समझेंगे और यहाँ पर अपना ये कोर्स आज समाप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 8:15 हो गए हैं और प्रयास होगा कि 8:45 या 9 बजे तक ये आज सेशन कंप्लीट करते हैं। तो हम लोगों ने अब तक जो जाना, कल से लेकर के अभी तक मैं एक जल्दी से रिवाइज करूंगा। हमने कल जाना कि भागवत गीता क्या है और उसको कैसे जानना है, ये पहले जाना, और हमारे अंदर कुछ कमियां हैं हमारे मतलब सभी जीवों में, वो जाना। और उसके बाद में हम लोगों ने जाना कि कैसे हमको ज्ञान लेना है, कहाँ से लेना है, ऑथराइज्ड ऑथेंटिक सोर्सेस क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने भागवत गीता में जो 5 विषय वस्तु है उसमें से पहली विषय वस्तु जो थी वो है जीव। हमने जीव के बारे में कल काफ़ी कुछ जाना था, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और आत्मा, ये चीज़ें हम लोगों ने जानी थी। और उसके बाद हम लोगों ने हमारे जैसे और भी बहुत से जीव हैं वो जाना था, 84 लाख योनियाँ हैं वो जाना था। उसके बाद आज हम लोगों ने प्रकृति के बारे में जाना, हम लोग कहाँ पर हैं प्रकृति के बारे में जाना, फिर प्रकृति के गुणों के बारे में जाना। प्रकृति के 3 गुण हैं और वो हमेशा हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, वो हमने जाना। उसके बाद प्रकृति के नियम को जाना कि प्रकृति का नियम क्या है, कि जैसा हम करेंगे बदले में वैसा हमको भरना पड़ता है। ये लॉ ऑफ नेचर है, बहुत सिंपल सा लॉ ऑफ नेचर है ये। तो प्रकृति में हम कहाँ हैं वो जाने। हम अभी इस समय भौतिक प्रकृति में हैं, ये भगवान की इन्फीरियर एनर्जी अपरा शक्ति है, इसके अपोजिट भगवान की सुपीरियर शक्ति है जिसको कि पराशक्ति कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रकृति के गुणों को जाना था, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण आपस में फाइटिंग करते रहते हैं। जो गुण प्रोमिनेंट होता है उसके प्रभाव में हम लोग अपना कर्म करते हैं, ये हम लोगों ने जाना, और लॉ ऑफ नेचर जाना। जाने के पहले, ब्रेक पे जाने के पहले हम लोगों ने ईश्वर के बारे में कुछ चीज़ें जानी थी, भगवान को कैसे समझना, कैसे याद रखना है। तो भगवान को उनके नाम, गुण, रूप और लीला ने जाना कि भगवान ओनर ऑफ ऑपुलेंसेस, भग मतलब ऑपुलेंसेस होता है और वान मतलब जिसके पास वो होता है। तो भगवान के पास 6 के 6 ऑपुलेंस हमेशा एब्सोल्यूट टर्म्स में होते हैं। हम लोगों के पास कुछ ना कुछ ऑपुलेंसेस होते हैं लेकिन रिलेटिव टर्म में होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन भगवान के पास सारे के सारे ऑपुलेंसेस एक साथ होते हैं, संपूर्ण मात्रा में होते हैं, एब्सोल्यूट टर्म में होते हैं। और हम लोगों ने भगवान की एक क्वालिटी और जानी थी कि भगवान स्वराट है, स्वराट मतलब कि इंडिपेंडेंट है, फ्री विल है भगवान के अंदर, कुछ भी करने के लिए वे स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है वो, ये हम लोगों ने जानी थी। और जानने के ठीक पहले हम लोगों ने इस मटेरियल वर्ल्ड का जो नियम है इसके ऊपर, इसके विपरीत जो आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसके लॉ के बारे में सुना था।
और वो क्या जाना था हम लोगों ने, भौतिक जगत में यहाँ पर जो नियम चलता है एक ही नियम चलता है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये यहाँ का नियम है। और आध्यात्मिक जगत का एक ही नियम है कि वहाँ पर हर कोई भगवान की सेवा करता है और भगवान की सेवा में वो आनंद में रहता है। इसके बाद हम लोगों ने ब्रेक लिया था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगला डिस्कशन चालू करते हैं, काल और कर्म, ये दो चीजें जाननी बाकी है। काल के बारे में भागवत गीता में बहुत कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन काल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जब बताया है कि भागवत गीता में 5 मुख्य सब्जेक्ट है, तो काल एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। काल मतलब कि समय होता है, समय के प्रभाव में इस प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं। अगर समय नहीं होगा तो ये मटेरियल वर्ल्ड आगे नहीं बढ़ पाएगा। समय जो है काल, वो जो भौतिक प्रकृति जो चल रही है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस जो हो रहा है, इसको काल कहते हैं। ये काल की वजह से है, अगर ये काल नहीं होगा तो क्रियाकलाप नहीं हो पाएंगे, प्रकृति आगे नहीं बढ़ पाएगी। और भगवान भागवत गीता में बताते हैं कि मैं खुद काल होता हूँ, भगवान खुद काल है। जब भगवान ने 11वें चैप्टर में अपना विराट स्वरूप दिखाया था, तो अर्जुन ने देखा था कि सभी के सभी जितने भी योद्धा थे महाभारत में, सब भगवान के मुंह में जा रहे थे, और उसे देख करके अर्जुन बहुत भयभीत हो गए थे। भगवान बताते हैं कि मैं खुद काल हूँ। जैसे काल जो है वो भगवान की एक शक्ति है, एनर्जी है भगवान की। भगवान की बहुत सी शक्तियां हैं, उसमें से काल जो है वो भगवान की एक शक्ति है। आगे बात आती है, अब यस माता जी, जितने भी योद्धा थे भगवान के मुंह में, कोई दांत में फंसे थे, कोई मुंह में जा रहे थे, भगवान उनको खा रहे थे, ऐसा देखा था। ऐसा भगवान के विराट स्वरूप में अर्जुन ने देखा, अभी समझेंगे हम लोग उसको ऐसा क्यों हुआ था। हाँ, जितने भी महाभारत में जितने भी युद्ध लड़ रहे थे, वॉरियर्स जो थे तो एक दूसरे को मार रहे थे, वो लग रहा युद्ध में मार रहे थे और मर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली वो सब भगवान के मुंह में जा रहे थे, ये बताया गया है। और वही देख करके अर्जुन एकदम से डर गया कि पूरा विराट स्वरूप अब समेट लो, मैं इसको नहीं देख सकता बहुत देर तक। भगवान बताते हैं कि मैं खुद काल हूँ। जो भगवान को भगवान के रूप में नहीं मानता, तो भगवान काल के रूप में उसको दिखना शुरू होते हैं। तो ये काल के बारे में जानकारी है। अब आते हैं कर्म के बारे में। कर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन कर्म को जानने के पहले हम एक चीज और जान लेते हैं। कल से लेकर के आज तक कई बार हम लोगों ने बार 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 ये सुना है कि हम सब शरीर नहीं है, हम सब आत्मा है, सुना है। और मेरे ख्याल से अब इतनी बार सुन लिया कि अब शायद आप लोग मानने लग गए होंगे कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, करेक्ट। लेकिन किसी ने ये प्रश्न नहीं पूछा, अगर हम लोग आत्मा है तो आत्मा क्या है, ये आत्मा क्या है, है ना, आत्मा क्या है, ये किसी ने नहीं पूछा। तो भगवान ने भागवत गीता में बताया है कि आत्मा क्या है। आप सबके पास भागवत गीता है, 15वें अध्याय का 7वां नंबर श्लोक आप लोग खोल करके देखिए, आत्मा क्या है ये भगवान ने बताया है। भगवान बता रहे हैं, ममयवान से जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान क्या बता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर आप यहीं से हमको अगली कड़ी मिलने वाली है। 15वें अध्याय का 7 नंबर श्लोक, 15th चैप्टर का 7th नंबर श्लोक। ओके, मैं प्रोजेक्टर पे ओपन कर देता हूँ। देखिए प्रोजेक्टर पर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये 15 चैप्टर का ये 7th नंबर श्लोक है, स्क्रीन पर दिख रहा है,
ममय मांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मन श्रेष्ठ इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। सब लोग को श्लोक दिख गया अपने अपने बुक में। अब इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन वर्ल्ड आर माई एटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स ड्यू टू कंडीशन लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद द सिक्स सेंसेस विच इंक्लूड द माइंड। इसको मैं हिंदी में पढ़ता हूं। मुमे मन से जीव लोके जीव भूता सनातना मन श्रेष्ठ इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छेव इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। यहां से हम लोग को पता चलता है कि हम सब आत्मा है तो आत्मा क्या है। और अभी पता चला हम लोगों को कि आत्मा क्या है। ये कहां गया? अब पता चली बात कि आत्मा क्या है। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। कौन सा अंश है? शाश्वत अंश है। शाश्वत मतलब एटर्नल, एटर्नल। शुरू शुरू में भागवत गीता में भगवान ने बताया है कि ये जो आत्मा है ये सनातन है। इसको काट नहीं सकते, गला नहीं सकते, जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, भिगा नहीं सकते, ये सब बातें बताइए, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मतलब कि ये एटर्नल है, सनातन है। इसका बर्थ नहीं होता है, इसकी डेथ नहीं होती है, सिर्फ होती है। सनातन, शाश्वत। और इसके बाद भगवान क्या बता रहे हैं कि ये मेरा पार्ट एंड पार्सल है, ये मेरा अंश है। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? ये भगवान का अंश आत्मा है। और ये जो आत्मा है यहां पर क्या कर रही है? मन श्रेष्ठ इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। मतलब कि ये जो आत्मा है अभी यहां पर भौतिक जगत में क्या कर रही है? मन और इंद्रिया, मतलब पांच इंद्रिया और उनका बॉस माइंड, ये छेयों के साथ यहां पर कर सती, मतलब संघर्ष कर रहा है। आत्मा भौतिक जगत में संघर्ष कर रहा है, परेशान है वो। ये इस श्लोक में भगवान बता रहे थे। और कैसे कैसे परेशान हो रहे हैं? त्रय भौतिक ताप हमने आज डिस्कशन स्टार्ट किया तो देखा था। उसके बाद रियल प्रॉब्लम जो थी जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो हमने देखी। और कल सेशन खत्म करने के पहले जो व्यक्ति अपने आप को झूठे अहंकार में, झूठी पहचान में अपने आप को शरीर समझता है तो कितने पैरासाइट उसके ऊपर अटैक करते हैं? 8 पैरासाइट उस पर अटैक करते हैं। और ये 8 पैरासाइट जब अटैक करते हैं तो सिर्फ बाहर के शरीर को ही परेशान नहीं करते हैं, अंदर सटल बॉडी को ज्यादा परेशान करते हैं। कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि जब ये परेशानी होती है तो बॉडी को होती है, मतलब ग्रॉस बॉडी को होती है कि सटल बॉडी को होती है? तब मैंने कहा था कि ग्रॉस बॉडी को तो कम होती है, सटल बॉडी को ज्यादा होती है। क्योंकि यहाँ भगवान खुद ही बता रहे हैं कि मन श्रेष्ठ इंद्रियाणी कर सती। क्या हो रहा है कि यहाँ परेशान होना पड़ रहा है। तो 8 पैरासाइट हम पे अटैक कर रहे हैं, अंदर से परेशान हैं, त्रय भौतिक ताप परेशान कर रहे हैं और रियल प्रॉब्लम जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी परेशान कर रहे हैं। तो हम सब यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। आप लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिख रहा है? विरोधाभास नहीं दिख रहा है? एक तरफ भगवान बोल रहे हैं कि मन जो है वो सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद है,
और दूसरी तरफ वो परेशान हो रहा है। आत्मा जो है वो सच्चित आनंद है और दूसरी तरफ वो परेशान हो रहा है। अगर वो आनंद में है तो परेशान क्यों हो रहा है? अगर वो ज्ञान में है तो उसको फिर अज्ञान में क्यों जाना चाहिए? है कि नहीं, समझ में आ रही है बात? अगर ये एटर्नल है तो उसको बार बार जन्म और मृत्यु क्यों मिल रही है? कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास दिख रहा है ना? क्यों ये विरोधाभास हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, ये जो कारण है इसका कारण ये कि आत्मा जो है वो सत्चित आनंद यहां की चीज है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीज है, और इस समय वो असत अचित निरानंद मटीरियल वर्ल्ड में फंसी पड़ी है। ये कारण है कि सत्चित आनंद जगह की चीज अभी मटीरियल वर्ल्ड असत अचित निरानंद की जगह पर पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, एक मछली का नेचुरल रहने की जगह क्या है? पानी के अंदर। उसको पानी के अंदर से बाहर निकाल दो और उसको सुख सुविधा की सारी चीजें दो तो क्या उसे आनंद मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है। उसे आप खाने के लिए बर्गर दो, पिज्जा दो, मैकडोनल्ड से कुछ ला करके दो, पास्ता बना करके दो, उसको अच्छा लगेगा? अच्छा ठीक है, उसको जो चीजें खाने को अच्छी लगती है, उसको छोटी मछलियां खाने को अच्छी लगती है, केकड़े के अंडे खाने को अच्छे लगते हैं मछली को, वो सब उसको प्लेटर में ला करके दो लेकिन पानी के बाहर, क्या उसको आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी नेचुरल जगह पर नहीं है। उसको आनंद कब मिलेगा? जब मछली पानी के अंदर रहेगी। पानी के अंदर भूखी भी रहेगी ना तो भी वो आनंद में रहेगी, लेकिन यहाँ पर पानी के बाहर सारी सुख सुविधा के बीच में भी वो कभी आनंद में नहीं रह सकती है। वही चीज हम सब के साथ भी हुआ है कि हम सब जो आत्मा है वो इस भौतिक जगत की चीज नहीं है। हम सब आत्माएं इस आध्यात्मिक जगत की चीज है। आत्मा सच्चित आनंद है और ये आध्यात्मिक जगत जो है ये भी सच्चित आनंद है। अब अगला प्रश्न आ सकता है कि अगर हम लोग यहां के थे, हम लोग यहां पर कैसे पहुंच गए? अगर हम यहां के थे तो हम यहां कैसे पहुंच गए? कुछ किया होगा ना, तभी तो पहुंचे होंगे। यस प्रभु जी, छठा इंद्री है, पांच तो इंद्रियां हैं, कल हम लोगों ने चर्चा की थी। पांच इंद्रियां कौन सी? TEENS, टंग, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, ठीक है। लेकिन ये सब अपने आप कुछ नहीं करती, हार्डवेयर है। इनका कंट्रोलिंग बॉस कौन है? किसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है ये? माइंड का। तो माइंड जो है वो छठी इंद्री है, इन सब का बॉस है वो। विलिंग, थिंकिंग, फीलिंग जो है वो माइंड करता है। ये खाली इंफॉर्मेशन ला करके देती है, फील जो है वो माइंड करता है। मतलब आंखें परेशान नहीं होती है, पीछे माइंड परेशान होता है। कुछ चीजें हमको अच्छी लगती है, देखना है और देखने को नहीं मिल रहा है तो आंखों को परेशानी नहीं होती है, पीछे माइंड को परेशानी होती है। कुछ खाना है हमको तो जीभ को उतनी परेशानी नहीं होती है, भाई नहीं मिला नहीं मिला, जीभ चुपचाप बैठी रहेगी, लेकिन अंदर से माइंड एजिटेट होना शुरू हो जाता है। तो माइंड जो है वो इन सारी इंद्रियों का बॉस है, छठी इंद्री, इसीलिए माइंड को छठी इंद्री कहती है, वो इन सब का बॉस है। और हम जो आत्मा है वो इसकी वजह से परेशान। हम लोगों ने जो घोड़े का वो जो देखा था एग्जांपल कि आत्मा एज अ पैसेंजर बैठा हुआ है और बुद्धि, मन और इंद्रियां उसको कहीं भी लेकर जा रही है, पानी के बाहर है और ऊपर से भटक रही है, इसीलिए हम लोगों ने उस इमेज को वहां रखा हुआ था। क्या हो रहा है हमारे साथ में? अब आप लोग सारी चीजों को यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। हम लोगों ने अब तक जो भी चीजें आपको बताई थी कि माइंड की एक्टिविटीज क्या है, विलिंग, थिंकिंग, फीलिंग, इंटेलिजेंस की एक्टिविटी क्या है, डिसीजन लेना, डिटर्मिनेशन में रहना, डिफ्रेंशिएट करना, और ईगो का काम क्या है, पहचान में रहना, सही पहचान में रहना। लेकिन अब समस्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है? हम अब वहां जा रहे हैं कि हम यहाँ पर क्यों संघर्ष कर रहे हैं। क्यों संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि हम जो आत्मा है वो आध्यात्मिक जगत की चीज है, सच्चित आनंद यहाँ की चीज है, और इस समय वी आर आउट ऑफ द वॉटर, हम पानी के बाहर हैं, हम गलत जगह पर फंसे पड़े हैं।
इस भौतिक जगत में क्यों गलत जगह पर फंसे पड़े हैं? क्योंकि सारे सोल, सारी आत्माएं सचित आनंद यहां की जगह की चीज थी और यहां का एक ही रूल था। और यहां का रूल क्या है कि सारी आत्माओं को क्या करना है, भगवान की सेवा करनी थी। और सारी आत्मा इस आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा करके आनंद में रह रही थी। अब वो क्या रहा था यहां पर कि सारी आत्मा ये भगवान की सेवा करने में लगी है। सारे के सारे लोग जब भगवान की सेवा में करने लगे हैं तो कुछ लोग तो डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। तो बहुत सी सोल में, आत्माओं में क्या होता है, भगवान से इंडिपेंडेंट हो करके सेवा करने की इच्छा होती है या भोग करने की इच्छा होती है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं हो सकती है। क्यों, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आत्मा जो है, भगवान ने क्या बोला कि आत्मा क्या है, मेरा शाश्वत अंश है। अंश है मतलब कि मान लीजिए कि ये एक गोल्ड का बिस्किट है बड़ा सा, ठीक है, और ये एक इसी का एक छोटा सा पार्ट है। मैंने इसे निकाल के दिखाया हुआ है, रियलिटी में ऐसा नहीं है, खाली समझने के लिए बता रहा हूं। ये एक गोल्ड का बिस्किट है, सपोज ये 500 ग्राम्स का है और ये हार्डली 1 ग्राम का है, छोटा सा पार्ट। अभी आप मुझे बताइए इन दोनों में क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस है, इन दोनों में क्या चीजें सिमिलर है और क्या चीजें इसमें डिफरेंट है। क्वालिटी वाइज सेम है, ओके। क्वालिटी क्या है, सेम है, और क्वांटिटी में क्या है, ये वेरी वेरी माइन्यूट है, बहुत छोटी है। ये जो है ये विभू है और ये जो है ये अणु है, करेक्ट। लेकिन क्वालिटी वाइज सेम है, प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, करेक्ट। क्वालिटी वाइज सेम है, क्वांटिटी वाइज बहुत ही माइन्यूट है। अभी क्वालिटी वाइज सेम होने का मतलब क्या है कि जो क्वालिटीज भगवान की है ये सारी की सारी क्वालिटी भगवान के अंश की है। और हम सब क्या है, शरीर है कि आत्मा है, आत्मा है। और आत्मा क्या है, भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरा शाश्वत अंश है। अगर भगवान बोल रहे हैं मेरा शाश्वत अंश है तो शाश्वत बोल के तो भगवान ने एटर्नल तो बोल दिया है, और मेरा शाश्वत अंश है बोल दिया, इसका भगवान का अगर वो पार्ट एंड पार्सल है, इसका मतलब है कि क्वालिटी वाइज हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज है कि नहीं, ये सारी की सारी क्वालिटीज हमारे अंदर है। लेकिन भगवान के पास ये विभू में है, कंप्लीट में है, और हमारे पास ये अणु में है, ये क्वालिटीज। समझ में आ रही चीजें यहां तक, क्लियर है? तो हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं लेकिन माइन्यूट फॉर्म में है। और हम अगर अपनी एवरीडे की एक्टिविटीज को अगर एनालाइज करेंगे कि दिन भर हम जो कर रहे हैं हम इन्हीं को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ग्रॉस लेवल पे देखिए या अंदर सटल लेवल पे देखिए, हम मरना नहीं चाहते हैं, हम डेथ नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि हम सोल लेवल पर एटर्नल हैं, इसीलिए हम डेथ नहीं चाहते हैं। हम ज्ञान जमा करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सोल फुल ऑफ नॉलेज है,
हर कोई आनंद ढूंढ रहा है, मिले नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन आनंद ढूंढ रहा है, क्योंकि आत्मा आनंदमय चीज है। हम किसी का छोटा सा भी काम करा देते हैं तो अपने आप को उसका कारण समझते हैं, मेरी वजह से ये काम हो गया। We want to become cause of the causes. क्रेडिट लेना चाहते हैं हम, कॉज बनना चाहते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारे साथ में। वी वॉन्ट टू बी द क्रिएटर, ये मेरा है, ये मैंने बनाया, ऐसे बनाया, अच्छा बनाया, हम क्रिएटर बनना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी वाइज हम सेम टू सेम भगवान जैसे हैं, एंड वी वॉन्ट टू बी द कंट्रोलर। जितने भी सास बहू के झगड़े होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कंट्रोलर सुप्रीम कंट्रोलर कौन है ये प्रूफ करने के लिए सारी प्रॉब्लम्स होते रहती है। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि दोनों भी भगवान का अंश है, तो कंट्रोलर होने का ये भाव जो है ये तो रहेगा ही, क्योंकि हम भगवान का अंश हैं, हम एंजॉय करना चाहते हैं और हम कुछ एंजॉयमेंट दूसरों को देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान का अंश हैं। थोड़ा सा चीज हमको मालूम पड़ा, हम जाकर के उसको ज्ञान दुनिया को देना चाहते हैं, सच्चा झूठा वो अलग बात है, लेकिन ज्ञान बांटना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि है एज अ सोल हमारे अंदर वो क्वालिटी है, क्वालिटेटिवली वी आर सेम एज लॉर्ड, सेम एज गॉड। और उसके बाद में ये सब चीजें देखिए, हम सुंदर होना चाहते हैं, हम ज्ञानवान होना चाहते हैं, हम बलवान होना चाहते हैं, हम धनवान होना चाहते हैं, हमको यश फेमस चाहिए, और हम त्याग की मूर्ति भी बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि क्वालिटी वाइज हम और भगवान सेम टू सेम है, और भगवान के अंदर फ्री विल है, भगवान स्वराट है, और हम भी फ्री विल को लेकर के उस क्वालिटी के साथ में है। रिलेट कर पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? भगवान ने बोला है ना, ममय वान से जीव लोगे, जीव भूता सनातना, सनातना एटर्नल, और ममय वान से मेरा अंश, अंश मतलब सारी क्वालिटी वाइज सेम, लेकिन फ्रेगमेंटल पार्ट एंड पार्सल भगवान बोल रहे हैं। जैसे आग लगती है तो एक चिंगारी उड़ती है, तो आग तो कितनी बड़ी होती है और चिंगारी कितनी छोटी होती है, लेकिन ये बड़ी आग के अंदर जो क्वालिटी होती है वो सारी की सारी क्वालिटी वो चिंगारी में होती है, और अगर वो चिंगारी सही जगह पर गिर जाए तो वहां पर बड़ी आग पैदा कर सकती है। तो क्वालिटी वाइज सेम टू सेम है, समझ रहे हैं आप लोग? यहां तक क्लियर है कि हम भगवान का अंश है, क्वालिटी वाइज सेम है, और इसीलिए हम लोग सच्चित आनंद यहां की चीज है और हम यहां पर फंसे पड़े हैं, इस भौतिक जगत में फंसे पड़े हैं। और भगवान ने इस जगत को बोला है मामुदेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, जो भगवान के धाम चला जाता है तो उसे दोबारा वापस इस भौतिक जगत में अशाश्वतम दुखालयम जगत में नहीं आना पड़ता है। ये जो भौतिक जगत बना हुआ है ये अशाश्वतम है और दुखालयम है। दुखालयम शब्द भागवत गीता में भगवान ने बोला हुआ है, और दुख का आलय मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि किसी कोने में खाली दुख है बाकी जगहों पर सुख है, या बाकी जगहों पर दुख है और किसी कोने में जाके सुख मिल जाएगा, और ये खाली अर्थ के लिए नहीं बोला है, पूरे मटेरियल क्रिएशन के लिए बोला है, पूरी भौतिक क्रिएशन के लिए बोला हुआ है। अब अगर ये अशाश्वतम दुखालयम है तो भगवान ने बनाया क्यों इसको? क्वेश्चन आ सकता है ना, अगर ये अशाश्वतम दुखालयम भगवान बोल रहे हैं उसको बनाया क्यों भगवान ने फिर? उसका रीजन जानते हैं। यहां तक क्लियर है? मैं इसको थोड़ा सा अभी इरेज करूंगा। अभी मोदी साहब ने 100 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बोल दिया है, उसमें से कई सिटी का स्मार्ट सिटी बन भी गया शायद, कुछ कुछ का बाकी है। चलो अगर मान लो अपने क्लास को कॉन्ट्रैक्ट मिले एक स्मार्ट सिटी डिजाइन करने का, ठीक है, तो हम लोग एक स्मार्ट सिटी में क्या क्या बनाएंगे बताइए आप लोग? ये स्मार्ट सिटी बनानी है, ये बाउंड्री दे दी है 100, ये समझ लो कि ये
किलोमीटर 50 स्क्वायर किलोमीटर की ये जगह मिल गई है आप लोगों को। ये पूरा 50 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये जगह अपने को मिली है और अपने इस ग्रुप को स्मार्ट सिटी बनाना है। इसको क्या क्या बनाएंगे स्मार्ट सिटी में, कैसे बनेगी ये स्मार्ट सिटी, क्या क्या होना चाहिए स्मार्ट सिटी के अंदर, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, DSP, बिजली, सड़क, पानी। चलो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये रोड बन गए, प्लॉटिंग हो गई, ओके। अब आप लोग बताइए क्या क्या बनाएंगे इसके अंदर, क्या क्या बनाएंगे? हाँ ये सब बना दिया मैंने, वो सब ये बन गया। क्या बनाएंगे? एक एक चल के बताइए। ओके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और क्या बनाएंगे? मॉल, हॉस्पिटल, उसमें कौन जाएगा पहले ये तो सोचो। पहले तो फैक्ट्री, ऑफिसेस, कमर्शियल, ये सब चीजें होनी चाहिए ना, जहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। कमर्शियल यूनिट्स, फैक्ट्रीज, ये सब होंगे। उसके बाद लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, रिक्रिएशन क्लब होंगे, जैसे कि थिएटर्स होंगे, मॉल, सिनेमा हॉल होंगे, और क्या होंगे, गार्डन होंगे, मार्केट्स होंगे। ओके मॉल में आ गया मार्केट, और क्या बनाएंगे? टेंपल बनाएंगे, ओके चलो टेंपल बनाए, और क्या बनाएंगे? जल्दी जल्दी बताइए। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अब वो आ गया। ओके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन गए, और क्या बनाना है? स्मार्ट सिटी बनानी है। एयरपोर्ट बनाएंगे, ओके चलो एयरपोर्ट, रेलवे सब बना लिए, और क्या बनाएंगे? हाँ वो आ गया, गार्डन, पार्क सब आ गया। क्या बनाएंगे? पुलिस स्टेशन, क्यों? चलो बना दिया, पुलिस स्टेशन भी बना दिया। आईटी सेंटर्स, हाँ वो अभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेशन में सब आ गया। हाँ माता जी, वाटर स्टोरेज, हाँ चलो पूरे सिटी के लिए वाटर स्टोरेज का यहाँ पर अरेंजमेंट कर दिया, ड्रेनेज सिस्टम भी इसके साथ ही अरेंज कर दिया। चलो आप लोगों को क्या लगता है, यहाँ पर जितने लोग रहेंगे सब लोग मजे में रहेंगे, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर रहेगा उसको फॉलो करेंगे या नहीं फॉलो करेंगे? अगर इसको बराबर फॉलो करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं फॉलो करेंगे तो पुलिस स्टेशन है ना, और पुलिस स्टेशन में पुलिस लोग क्या करेंगे? पुलिसिंग करेंगे कि सब लोग लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा जो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे उनको क्या करेंगे? कोर्ट में लेके जाएंगे, और कोर्ट में लेकर के गए और वहां जाकर के क्या होगा? फिर पनिशमेंट मिलेगी, तो पनिशमेंट कहां दिया जाएगा? जेल। तो ये पूरी सिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जेल बनाना पड़ेगा, थोड़ा जगह तो रखना पड़ेगा ना, बराबर ना? नहीं रखना पड़ेगा, और कुछ बच रहा है? हाँ वो तो सब ओके, ट्री प्लांटेशन, टूरिस्ट स्पॉट्स, हो गया, मेरी स्मार्ट सिटी बन गई, रेडी, थैंक यू वेरी मच। आईटी, वो हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ले लिया। होटल्स, हाँ होटल नहीं था, बाहर से कोई आएगा तो कहाँ रहेगा? हाँ वो एजुकेशनल, चलो अपना ये सिटी बन गया, थैंक यू वेरी मच। अभी आप मेरे को बताइए ये पूरी सिटी में ये जेल क्यों बनाया गया? सब लोग को यहाँ भेजने का है या कौन यहाँ पर आएगा जेल में? Those who disobey the laws of the land, जो यहाँ के कानून को नहीं मानेगा उनको यहाँ जेल में भेजा जाएगा। अच्छा जेल में भेज के क्या करेंगे उनको?
उनको इम्प्रूव करना, सुधारने के लिए भेजेंगे ताकि वो सुधर जाए, ना कि उनको पनिशमेंट देना है। करेक्ट, ये हो गई हमारी स्मार्ट सिटी। अच्छा, हम ज्यादा स्मार्ट है कि भगवान ज्यादा स्मार्ट है? भगवान ज्यादा स्मार्ट है। और भगवान के यहाँ का लॉ क्या है? भगवान के यहाँ का एक ही लॉ है कि मेरी सेवा करो और मजे में रहो। और बहुत सारे सोल यहाँ पर भगवान की सेवा मजे से कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सारी की सारी सोल मनमान से जीव लोग के, सभी आत्मा भगवान का ही अंश है और ये भगवान की क्वालिटीज है और ये फ्री विल हर आत्मा के पास है। यहीं से प्रॉब्लम चालू होती है। जब सारे लोग एक ही जन की सेवा कर रहे हैं, एक ही जन की पूजा कर रहे हैं, सारा क्रेडिट एक ही को मिल रहा है, तो क्या होता है? कुछ सोल के अंदर ऐसी इच्छाएं होती हैं कि मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट होकर के अलग से भगवान की सेवा करूं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी बॉडी है और ये हमारे बॉडी पार्ट से, ये हमारा हाथ है। अब अगर हाथ को रसगुल्ला एंजॉय करना है तो हाथ रसगुल्ले को कैसे एंजॉय कर सकता है? हाथ को अकेले हाथ को इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना है, पॉसिबल है क्या? भाई बहुत करेगा तो रसगुल्ला की बर्नी में हाथ डाल देगा, और क्या करेगा तो रसगुल्ले को निकालेगा, अंदर डालेगा, बहुत करेगा तो निचोड़ेगा, फिर छोड़ेगा, यही करेगा। इससे उसको पूरी एंजॉयमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या करना पड़ेगा इसको? अगर इसको एंजॉय करना है तो इसको लेना है और इसको मुंह में डालना है। अच्छा, मुंह बोलता है चलो मैं अकेले एंजॉय करूंगा, बस यही अकेले, आगे नहीं जाने दूंगा। मुंह क्या अकेले एंजॉय कर सकता है? ये सारा का सारा बॉडी पार्ट अगर किसी भी चीज को एंजॉय करना है तो कैसे एंजॉय करता है, कर सकता है? साथ में ही एक अंश का काम क्या होता है? पूर्ण को पूर्ण का काम करने में उसकी मदद करना। एक अंश का काम क्या होता है? पूर्ण को पूर्ण का काम करने में मदद करना, मतलब कि पूर्ण की सेवा करना। और हम क्या है? अंश है। पूर्ण कौन है? भगवान है। तो हमारा काम क्या है? भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा करके क्या होता है? हमें आनंद मिलता है। ये नेचुरल लॉ है आत्मा के साथ में, गुण है आत्मा का सेवा करना। लेकिन यहां पर क्या हो गया है कि वो भगवान की सेवा ना करके वो स्वतंत्र रूप से अपनी सेवा कराना चाहता है, खुद भोग करना चाहता है। अल्टीमेट एंजॉयर भगवान है। भगवान भागवत गीता में बोलते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, ये सारे लोगों का मालिक मैं हूं और भोक्ता राम जितने भी यज्ञ में भोग चढ़ाए जाते हैं सबको लेने वाला मैं हूं। पांचवें अध्याय का ये 29वां नंबर श्लोक है, भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ही इज द अल्टीमेट एंजॉयर एंड इज द सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के वो मालिक हैं। श्लोक में हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन तो भगवान जो है वो पूर्ण है, हम सब अंश हैं, अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। जब पूर्ण की सेवा होती है तो अंश को अपने आप आनंद मिलना चालू होता है। जैसे अगर किसी वृक्ष को, किसी पेड़ को अगर पानी देना है तो सारे पौधों को पानी देने की जरूरत है? सारे पत्तियों को, ब्रांचेस को नहीं, कहाँ देना है? रूट्स में। पानी अपने आप सब जगह पहुंच जाएगा। अगर रसगुल्ला एंजॉय करना है तो हाथ अलग से नहीं कर सकता है, पैर अलग से नहीं कर सकता है, आंखें भी अलग से नहीं कर सकती है। क्या काम करना है? उसको पेट में डालना है। पेट क्या करेगा? सब जगह नॉरिशमेंट पहुंचा देगा। ठीक ऐसे ही ये जो आत्मा है भगवान का अंश है, भगवान पूर्ण है, अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। लेकिन क्वालिटी वाइज सेम होने की वजह से, इंडिपेंडेंट होने से, फ्रीविल होने से वो इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहता है। और यहाँ का एक ही नियम है कि भगवान की सेवा करो और आनंद में रहो। तो जिस जिस आत्मा को, जिस जिस सोल को यहाँ पर इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से भोग करने की इच्छा हुई, तो भगवान ने उस इच्छा को पूरी करने के लिए ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया है, ये जो भौतिक जगत है इसलिए बनाया है।
ये जो जेल बनाया है ये इसलिए नहीं बनाया है कि यहां ले जाकर के लोगों को परेशान करेंगे। ये जो आध्यात्मिक जगत की जो जेल है ये इसलिए बनाया है कि क्योंकि भगवान किसी की इच्छा के बीच में नहीं आते हैं। जिसको फ्री विल है, इच्छाएं हैं, तो भगवान इच्छा पूरी करने में मदद करते हैं। तो भगवान ने यहां पर जिन आत्माओं को, जिस सोल को भगवान से ईर्ष्या हुई, बगावत हुई, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया, और यहाँ आकर के मटेरियल वर्ल्ड में वो सच्चित आनंद आत्मा यहाँ भोग करने का, इंडिपेंडेंटली एंजॉयमेंट करने का प्रयास कर रही है, इसलिए ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया गया है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। अब जब सोल यहां से यहां नीचे आती है, जब सोल यहां से यहां नीचे आती है तो वो एज अ सोल आध्यात्मिक जगत की सच्चित आनंद सोल आत्मा यहां पर कुछ नहीं कर सकती है। यहां भौतिक जगत में एंजॉयमेंट करने के लिए उसको भौतिक शरीर पहनना पड़ता है, और जैसे ही भौतिक शरीर पहनती है आत्मा, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इनका जब शरीर पहन लेती है तो पहली चीज उसके साथ जुड़ जाती है कि वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने लगती है, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर का इन्फ्लुएंस उस पर पड़ने लगता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और उसके बाद वो इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करती है। जिस तरीके से भगवान इंद्रिय तृप्ति करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही सोल आत्मा प्रयास करने, आत्मा जो है इंद्रिय तृप्ति का प्रयास चालू करती है। लेकिन यहां पर समस्या क्या होती है, वो प्रकृति का शरीर कपड़ा पहना हुआ है, तो प्रकृति के नियम से भी बंधा हुआ है, और प्रकृति का नियम है जैसा कर्म करेंगे वैसा फल लेना पड़ता है। तो एक तरफ तो वो भोग करने का प्रयास करता है गुणों से प्रभावित होकर के, और दूसरी तरफ वो प्रकृति के नियमों में बंधता चला जाता है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चालू हो जाता है जब सोल यहां से यहां पहुंचती है। तो अब भागवत गीता अलग तरीके से दिखेगी आप लोगों को, ये सारी चीजें भागवत गीता में बताइए भगवान ने कि हम लोगों में एक चीज कॉमन है जो यहां बैठे हुए हैं, जो इस पूरी पृथ्वी पर हमको इंसान दिखते हैं, जो पेड़ पौधे दिखते हैं, जो पशु पक्षी दिखते हैं, उन सब में और हम में एक चीज कॉमन है, क्या? कभी ना कभी एक बार तो हम लोगों ने वो गलती की थी भगवान से इंडिपेंडेंट हो करके स्वतंत्र रूप से भोग करने की इच्छा की थी, और जैसे ही हमने वो भोग करने की इच्छा की, भगवान ने हमारे लिए अरेंजमेंट करके रखा था, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हम लोगों को यहाँ भेज दिया, और यहाँ हमको भौतिक शरीर का कपड़ा पहनना पड़ा, भौतिक गुणों से प्रभावित होकर के हम कर्म कर रहे हैं, और भौतिक मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के नियमों से बंधे हुए कर्म का फल लेना पड़ रहा है। ये है कर्म। अब यहां से कर्म की शुरुआत हो रही है। हम लोग यहां से यहां क्यों आए समझ में आई बात, और यहां हम लोग क्या कर रहे हैं वो बताते हैं। हमारे अंदर शरीर जो है, ये शरीर में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों का प्रभाव चल रहा है, फाइटिंग चालू है। जो प्रोमिनेंट हो जाता है हम लोग वो काम करने लग जाते हैं। हमारे पास समय कम रहेगा, आप लोग सिर्फ, मैं फटाफट आप लोग कुछ दिखा रहा हूं, आप लोग श्लोक नंबर लिख लीजिए भागवत गीता में, और फिर उसको आप डिटेल में घर में पढ़ लीजिएगा। ये दिख रहा है, ऊपर का हेडिंग नहीं दिख रहा है, मैं स्लाइड चेंज नहीं कर पाया। पूरी भागवत गीता में ये जो श्लोक नंबर है, ये श्लोक नंबर आप लाइन से लिख लीजिएगा,
ये जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हैं, प्रकृति के जो गुण हैं, ये हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, उसका डिटेल में ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। आप खाली ये वर्क नंबर लिख लीजिए और ये लिख लीजिए, बस दो चीज लिख लीजिए, बाकी सब आप घर पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये दो कॉलम खाली लिख लीजिए, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप सिर्फ ये दो चीज लिखनी है, सतोगुण में हम कौन से गुणों से बन जाते हैं, रजोगुण में कैसे बनते हैं, तमोगुण में कैसे बनते हैं, सिम्टम्स क्या क्या है, डेस्टिनेशन क्या है मरने के बाद, और रिजल्ट्स ऑफ एक्शन क्या है। सिर्फ ये दो चीज लिखिए, हो गया। या तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं आप लोग को ये मेल कर दूंगा। ये पूरा मत लिख लिए, ये आप श्लोक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, आप खाली ये दो लाइन लिखिए बस। चलो इन शॉर्ट बता रहा हूं, आप लोग 14 चैप्टर, 17 चैप्टर और 18 चैप्टर पढ़ लीजिए, ये खाली तीन चैप्टर है। राइट साइड का कुछ मत लिखिए, सिर्फ लेफ्ट साइड का लिखिए बस। फोर्टीन, सेवनटीन एंड एटीन। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। नहीं, मैं इसके आगे की चीज बताऊंगा, ये सब चीजें तो रिटर्न मैं आपको दे दूंगा, आप लिख लीजिएगा ना। ये इतनी अभी टाइम किसी और चीज पे देना चाहता हूं मैं। ये क्या चीजें बताई गई है कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम यहां से यहां पहुंचते हैं और ठीक है, इसको आप लोग मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं इसको आप लोगों को मेल कर दूंगा। इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर समझने की वो ये है लाइक चालू कि ये जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है ये आपस में फाइटिंग कर रहे हैं। जो सुप्रीमेसी मतलब पावरफुल होता है वो जबरदस्ती हमसे काम करवा रहा है। हमें ये लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के गुण जबरदस्ती हमसे काम करवा रहे हैं। और हम जो काम कर रहे हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं कि जो गुण उस समय प्रोमिनेंट होता है वही हम एक्टिविटी करते हैं। कभी मोड ऑफ गुडनेस प्रोमिनेंट हो जाता है तो हम दान धर्म करने लग जाते हैं, कभी मोड ऑफ पैशन हो जाता है तो हम बहुत सारा बिजनेस एक्टिविटीज में लग जाते हैं, और अगर हम तामसिक हो जाते हैं तो हम गलत चीजों में अपना टाइम देने लगते हैं। तो ये प्रकृति के जो नियम हैं ये हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं और हम कर्म कर रहे हैं, और कर्म करने के बाद क्या हो रहा है कि हम कर्म के बंधन में बंध रहे हैं, कर्म का फल लेना पड़ रहा है हम लोगों को। यहां तक क्लियर है? ये भागवत गीता में डिटेल में समझाया गया, सबसे ज्यादा डिटेल में प्रकृति के गुण कैसे हम पे प्रभाव डाल रहे हैं, सबसे ज्यादा डिटेल में यही बात समझाई गई है। और ये क्यों हमारे पर प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो आध्यात्मिक जगत की चीज है और वो भौतिक जगत में आ गई है। यहां भगवान के पास थी, यहां उसका भगवान से वियोग हो गया है। क्या हो गया है? वियोग, डिसकनेक्शन हो गया है। अब डिसकनेक्टेड है आत्मा, वियोग अवस्था में है, डिसकनेक्टेड अवस्था में है यहां पर जीव आत्मा इस भौतिक जगत में। और यहां पर वो क्या कर रही है वो सारी चीजें ये हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया यहां बताया गया है। और भगवान ने जो ये भागवत गीता का मैसेज जो दिया है, महाभारत का इतने बड़े युद्ध का उन्होंने स्टेज बनाया, इतना बड़ा ड्रामा हुआ, और उसके अंदर भगवान ने ये ज्ञान दिया है। ये ज्ञान इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है
कि पूरी भगवद गीता में भगवान ने यह सब बताने के बाद रास्ता बताया है कि दोबारा इस आत्मा का भगवान के साथ योग कैसे हो, योग कैसे हो, रिकनेक्शन कैसे हो, रीयूनियन कैसे हो। पूरी भागवत गीता में जो चीजें बताई गई है वो है भगवान के साथ योग। योग शब्द को लेकर के बहुत सारे गलत फहमियां हैं। कुछ लोग कुछ आसन को योग समझने लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। योग माने कि सिंपल सी एक बात, वो एक्टिविटी, वो काम जो हमको दोबारा भगवान से जोड़ने में मदद करे, उसको योग कहते हैं। बाकी सब जो हो रहा है जिसको हम योग समझ रहे हैं वो सब सिर्फ आसन है। अष्टांग योग के अलग अलग आसन है जिसको कि हम योग समझ रहे हैं। पूरी भागवत गीता में भगवान ने भगवान के साथ दोबारा जीव आत्मा को जुड़ने के चार रास्ते बताए हैं, चार रास्ते बताए हैं, चार योग के रास्ते बताए हैं। वो जो चार रास्ते हैं वो हैं कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है ध्यान योग और चौथा है भक्ति योग। हम लोगों ने जो गुण के प्रभाव देखे अभी तक, गुण के प्रभाव ऐसे होते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। हम लोग एक काम करेंगे, ये जो गुण के प्रभाव है इसको हम लोग डिटेल में एक बार फिर समझेंगे, वो अपने आप में 2 घंटे लगेंगे उसको समझने को। तो आप लोग अगर आना चाहेंगे तो दोबारा एक बार हम लोग फिर मिलेंगे और फिर उसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझने की बात यह है कि हम उसी 3 गुणों के प्रभाव में ही काम कर रहे हैं। उसको जान लेंगे तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता समझ में आएगा। लेकिन भगवान ने भागवत गीता में जो बताया है वो रास्ता बताया है, जो हम लोगों ने रियल प्रॉब्लम्स लिखी थी ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें से बाहर निकलने का रास्ता, वो भगवान ने भागवत गीता में बताया है। जो हमारा भगवान से डिसकनेक्शन हुआ है उसका रीयूनियन कैसे हो, भगवान से दोबारा योग कैसे हो, कैसे जुड़े, उसका रास्ता भगवान ने भागवत गीता में बताया है। क्या रास्ता भगवान ने बताया है, कब हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं? हाँ, पहले अच्छे कर्म करें और फिर भगवान के पास जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा भगवान ने नहीं बताया है। क्योंकि भगवान ने भागवत गीता में कर्म बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अभी हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। ये तो स्मार्ट सिटी बन गई, इसको बाहर निकाल देते हैं अभी। अब हम लोग कर्म को समझते हैं। मेरे ख्याल से अब इसकी भी जरूरत नहीं है, अब सबको समझ में आ गया है भगवान कौन है। सच्चिद आनंद, सुप्रीम सीईओ और स्वराज, बस इतना याद रखिए। बाकी भगवान तो बहुत बड़े हैं, हम उनको नहीं समझ सकते। अपने काम भर के लिए सिर्फ इतना ही समझना है। अब हम लोग कर्म के बारे में जान रहे हैं। ये जो कर्म होते हैं ये मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के इन्फ्लुएंस में, प्रकृति के गुण के प्रभाव में हम लोग कर्म करते रहते हैं। और ये जो कर्म होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिसको कहते हैं सकाम कर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है, बाद में लिखूंगा, पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं, सकाम कर्म और विकर्म। सकाम कर्म मतलब वो कर्म जो शास्त्रों के अनुरूप होता है। शास्त्रों के अनुरूप मतलब जैसा शास्त्रों में मनुष्य जीवन के लिए
जो लॉ एंड ऑर्डर बताया है, जो तरीके बताए, जैसे जेल में जब कोई रहता है उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो जो जेल के कैदी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बराबर फॉलो करते हैं तो उनकी काफ़ी सजा माफ हो जाती है, उन्हें जल्दी छोड़ दिया जाता है, उन्हें तकलीफ वाली जगह पे नहीं रखा जाता है, उन्हें थोड़े कंफर्ट्स मिल जाते हैं। तो वो होते हैं सकाम कर्म, मतलब अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल इंजेक्शन, जो शास्त्रों में जो रास्ते बताए गए हैं उस तरीके से नियम को पालन करके काम करना। जैसे कि अपने इंडिया में अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो हम लोगों को टैक्स भरते हैं तो हम लोगों को कोई पकड़ने नहीं आएगा, चाहे कितना भी कमाए। मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, वो व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है और सारे टैक्स भर रहा है, सारे टैक्स भरने के बाद में उसने बहुत सारा पैसा कमाया और बहुत सारा पैसा कमा करके वो क्या किया, अब उसको एंजॉय करना है। मान लीजिए उसने 5 करोड़ रुपए कमा लिए, अब उसको एंजॉय करना है तो कहाँ जाएगा एंजॉय करने के लिए, कहीं जाएगा एंजॉय करेगा? हाँ, फॉरेन जाएगा। फॉरेन में कहाँ जाएगा? स्विट्जरलैंड। क्या बात है, ओके, स्वर्ग, स्वर्ग के जैसा है। हाँ ओके, स्वर्ग, अभी हम लोग स्वर्ग के बारे में भी जाके बात करके आएंगे। अभी स्विट्जरलैंड गया और वहां पर क्या करेगा, किसी होटल में रहेगा। मान लीजिए कि होटल का किराया रोज का 10,000 रुपए है और उसके पास 1 करोड़ रुपया है, तो रोज का वो अपना खर्च कर रहा है, खर्च कर रहा है, खर्च कर रहा है, रोज मजे कर रहा है। लेकिन जब उसके खाते में 2,000 रुपया बचेगा तो क्या स्विट्जरलैंड का होटल वाला उसको रखने देगा? उसको वापस बोलेगा अब बस हो गया, आप जाओ। वो अच्छा आदमी था, एंजॉय किया, अपना टिकट था, वापस आ गया यहाँ करके, फिर उसने बिजनेस किया, फिर पैसे कमाए, फिर उसके बाद में प्रॉफिट लिया है। अब फिर उसको क्या करना है, एंजॉय करना है। फिर कहाँ जाएगा? फिर एंजॉय करने जाएगा। वहाँ जा करके एंजॉय करता है, फिर उसका क्रेडिट बैलेंस खत्म होता है, फिर क्या होगा, वापस आएगा। अच्छे से नियम के हिसाब से काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है और जाके मजे करके वापस आ रहा है। अच्छा, एक दूसरा है जो इस तरह का है, विकर्म, जो शास्त्रों की जरा भी बात नहीं मानता है। वो क्या कर रहा है, वो एकदम अगेंस्ट में काम कर रहा है, किसी को चीटिंग कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी की किडनैपिंग कर रहा है, कई बार पकड़ा जाता है, कई बार नहीं पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो क्या होता है, पुलिस क्या करती है, कोर्ट के पास लेके जाती है, वहां जज उसको फैसला सुनाता है, इसको 5 साल की सजा। वो 5 साल तक सजा काटता है, बाहर आता है और फिर वापस उसी काम में लग जाता है, फिर नई चीटिंग करता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर जेल जाता है, फिर सजा काटता है, फिर वापस आता है। यहां पर क्या हो रहा है कि एक आदमी शास्त्र के अनुरूप सकाम कर्म करके, अच्छे काम करके, पुण्य जमा करके मजे करने के लिए जाता है और जब पुण्य खत्म होता है या क्रेडिट बैलेंस खत्म होता है तो वापस आता है। और दूसरा जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध काम कर रहा है, अगेंस्ट में काम कर रहा है, पकड़ा जाता है, सजा भुगतने के लिए जेल जाता है, सजा भुगतता है और फिर वापस आता है, फिर वापस से काम चालू करता है। तो इसमें से अच्छा कौन है, जो नियम से काम कर रहा है और मजे करने जा रहा है और वापस आ रहा है, वो अच्छा है कि जो खिलाफ काम कर रहा है, परेशान हो रहा है, जेल जा रहा है, दुख भोग रहा है, वो वापस आ रहा है? दोनों में से अच्छा कौन है? सकाम काम करने वाला, बराबर ना? लेकिन भगवान ने बोला है दोनों ही अच्छे नहीं है। भगवान ने भागवत गीता में बोला है दोनों भी अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है, जैसे अभी किसी ने बोला ना कहाँ जाएगा एंजॉय करने, स्विट्जरलैंड, और फिर किसी ने बोल दिया था स्वर्ग है, बराबर ना? स्वर्ग है सचमुच, धरती पर स्वर्ग है तो शायद स्विट्जरलैंड जैसा ही होगा ऐसा लगता है। लेकिन हम लोगों ने जब ब्रह्मांड की चर्चा की थी, हम लोगों ने 14 फ्लोर्स की, 14 माले की जब बिल्डिंग देखी थी, तो उसके अंदर स्वर्ग कहाँ पर है? 8वें माले के ऊपर 9वां माला, 9वें माले के ऊपर 10वां माला, 10वें फ्लोर पर स्वर्ग लोक है। वो स्वर्ग लोक ब्रह्मांड के अंदर है कि ब्रह्मांड के बाहर है? ब्रह्मांड के अंदर है। ब्रह्मांड भौतिक जगत के अंदर है कि बाहर है? अंदर ही है। और भगवान ने क्या बोला है कि पूरा का पूरा भौतिक जगत क्या है?
अशाश्वतम दुखालय। तो कोई पुण्य जमा करके सतोगुण के प्रभाव में, कोई जीव आत्मा अगर सतोगुण के प्रभाव में रहेगा, अच्छे काम करेगा, सकाम कर्म करेगा, पुण्य का काम करेगा, तो उसके पास क्या होगा, पुण्य जमा होगा, तो सुख भोगने के लिए स्वर्ग जाएगा। लेकिन इसी भागवत गीता में भगवान बोलते हैं कि छीणे पुण्य, जब स्वर्ग में पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उसे दोबारा पृथ्वी पर भेज दिया जाता है और फिर यहां आकर के फिर वही काम करना है। यहां आकर के क्या काम करना है, जो भी काम करे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगी रहेगी, बीमारी आती रहेगी, बुढ़ापा आता रहेगा, जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन कोई तमोगुण के प्रभाव में विरुद्ध काम करता है, वो सजा भुगतता है, पाप के लिए वो दुख भोग रहा है और दुख भोग करके फिर वापस आ रहा है, तो ये अच्छे काम करके जाके वापस आ रहा है, ये बुरे काम करके जाके वापस आ रहा है, आ कहां रहा है, यहीं पर ना। और यहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो उसको मिल रही है, और भगवान क्या चाहते हैं कि हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में से बाहर निकलना है। तो पूरी भागवत गीता में भगवान ने तीन गुणों को काफी विस्तार से समझाने के बाद बताया है अर्जुन को कि तुम इन तीनों गुणों के ऊपर उठो, ये तीनों गुणों के ऊपर उठो। ऊपर उठो मतलब क्या है कि इन तीनों गुणों से प्रभावित मत हो और ऐसा काम करो कि तुम्हारे को कोई कर्म का फल नहीं लगे, कर्म का बंधन नहीं लगे और पुराना जो कर्म है वो भी जल जाए। इसको समझने के लिए मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूंगा। अक्सर बॉर्डर पे लड़ाइयां चलती रहती है, मान लो कि बॉर्डर पे लड़ाई चल रही थी और एक सैनिक वहां पर लड़ाई करने गया और लड़ाई करते करते उसने 35 शत्रुओं को, दुश्मनों को गोली से मार दिया अपने AK-47 राइफल से। उसके बाद वो घायल हो गया और घायल अवस्था में उसने और 3-4 लोगों को मार दिया, कुल 30-32 लोगों को उसने मार दिया और एकदम बेहोश पड़ा रहा। उसके बाद उसके देश के सैनिक जो थे वो उसको उठा करके घायल अवस्था में अस्पताल में लेकर के आए, उसका इलाज किए, उसके बाद में उसको पूरी तरह ठीक होने के लिए 6 महीने की छुट्टी देकर के घर पे भेजा। इसी बीच में 15 अगस्त आ गया तो उसका नाम चक्र के लिए, अर्जुन चक्र के लिए भी अनाउंस हो गया और उसको अर्जुन चक्र मिलता है अच्छे तरीके से लड़ाई करने के लिए, मतलब 32 लोगों को जान से मारने के लिए अर्जुन चक्र भी मिला। उसके अलावा उसको 20 लाख रुपए भी मिलते हैं भारत सरकार की तरफ से, और वो 20 लाख रुपए लेकर के, क्योंकि अभी वो 6 महीने की छुट्टी पर है, अपने घर में गांव में जाता है और वहां पर अपने लिए घर बनाता है। अपने लिए अगर वो घर बना रहा है तो जमीन खरीदा उसने, उसकी भूमि पूजन की, बहुत से लोगों को बुलाया उसने और उन लोगों को अक्षी दक्षिणा दी, पूजा पाठ करवाया, लोगों को भोज करवाया, लोग बहुत खुश हुए, अच्छा काम किया ना उसने, यहाँ पर शास्त्र के नियम के हिसाब से काम किया। और उसके बाद उसने अपने घर पे कंस्ट्रक्शन करना चालू किया, कंस्ट्रक्शन अभी थोड़ा ही ऊपर उठा था, इतने में एक पड़ोसी आकर के बोलता है कि ये जमीन तो हमारी थी, ये गलत तरीके से मेरे भाई ने बेच दी है, ये हमारी जमीन है और यहाँ ये बोल रहा है मैंने पैसे दे करके खरीदी है, और ये सैनिक के बीच में और वो पड़ोसी के बीच में कहा सुनी हो गई, बात बात होते होते फिर मारामारी में बात आ गई, लड़ाई हाथापाई हो गई और इतने में सैनिक तो वही है जिसने 32 लोग को अभी गोली से मारा था और गन भी उसके पास थी और लोडेड थी, उसने वही गन निकाला और दो गोली उसको ही मार दिया। अब क्या हो गया, मर गया। अब क्या हो गया इसको, इसको क्या करेंगे, पहले तो कोर्ट मार्शल, उसके बाद में यहां पर सिविल कोर्ट में सुनवाई। अब जज क्या बोलेगा कि भाई 32 जन को मारने के लिए तुमको परम अर्जुन चक्र मिला हुआ है, अभी तुमको ये खून माफ, ऐसा हो सकता है क्या। अच्छा, उसने जो पूजा पाठ किया घर में और सबको बुला करके भोज कराया, वो उसने अच्छा काम किया था, उसके बदले में क्या मिलेगा उसको, उसने पुण्य जमा किया है तो उसके बदले में उसको सुख मिलेगा। उसने 2 जन को गोली मार दी थी, 1 जन को 2 गोली मार दी वो मर गया, उसके बदले में क्या हुआ, उसको जेल जाना पड़ रहा है, करेक्ट। अब आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं क्या हो रहा है, वही आदमी पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है तो उसके पास पुण्य जमा हो रहा है तो उसको सुख जमा हो रहा है,
लेकिन वही उसने गोली मार दी अपने पड़ोसी को, वो मर गया, उसको कहाँ हो रही है, सजा हो रही है। लेकिन वही सैनिक 32 लोगों को मार के आया, कोई सजा नहीं हुई, अर्जुन चक्र मिलता है और 20 लाख रुपए भी मिलते हैं। कुछ समझ में आ रहा है फर्क? वो कौन सा काम है? अरे गोली मारा तो आदमी मरा ना, और वहां एक नहीं 32 जन मरे थे, उसके लिए इनाम मिल रहा है, और यहाँ एक जन को 2 गोली मारा उसके लिए उसको सजा मिल रही है। ऐसा क्यों, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या काम है वहां पर, क्या हो रहा है? वो हाँ वहां पर क्या कर रहा है? अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, मतलब वो देश की सेवा कर रहा है। बराबर यहाँ पर क्या किया? अपने घर की सेवा की ना, अपने घर के लिए घर बना रहा था ना, अपने घर वालों के लिए। हाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन है, उसने वहां 32 लोग को मारा, जान तो वहां भी गई है, वहां 32 जान गई, यहाँ पर तो एक ही जान गई है। वहां के उसको इनाम मिला, पैसा मिला, तमगा मिला, और यहाँ पर तो क्या हो रहा है, सजा मिल रही है। फर्क क्या है? वहां उसने क्या किया? वहां लॉ ब्रेक नहीं किया। अच्छा सिंपल बता रहा हूं, वहां पर वो किसकी सेवा कर रहा था? देश की, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। और यहां पर वो किसके लिए घर बना रहा था? अपने लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने फैमिली के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो हम लोग अच्छे काम करेंगे तो पुण्य करेंगे, पुण्य जमा होगा तो सुख भोगने के लिए आना पड़ेगा, और अगर हम विरुद्ध काम करेंगे, द्विकर्म करेंगे तो पाप जमा होगा, तो पाप का फल लेने के लिए, दुख भोगने के लिए हमको आना पड़ेगा। लेकिन दोनों में हमको आना पड़ेगा। और पूरी भागवत गीता में भगवान ने ये सब बताने के साथ रास्ता बताया है, ऐसा क्या करोगे कि तुमको कहीं नहीं आना पड़ेगा, सीधे मेरे पास आना पड़ेगा। और उस कर्म को भगवान ने नाम दिया है अकर्म। ये जो अकर्म है, ये वही कर्म है जो आत्मा यहां पर कर रही थी। आत्मा का काम क्या है? भगवान की सेवा करना। वो काम जो भगवान की सेवा में होता है, ये दोनों काम जो है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए है, और ये काम जो है, किसी ने कहा था ना ड्यूटी, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, यस ये ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। ये जो कर्म होते हैं अकर्म, इसकी खास बात ये होती है कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं बनता है, नो रिएक्शन। दूसरी बात इसकी खास बात है कि ये कर्म करते हैं तो ओल्ड रिएक्शन जो होते हैं वो भी बर्न हो जाते हैं, पुराने जो रिएक्शन होते हैं वो बर्न हो जाते हैं अकर्म करते हैं तो। और पूरी भागवत गीता में भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि हम लोग अकर्म करें और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में से बाहर निकल जाए। ये करेंगे पुण्य जमा होगा, ये करेंगे पाप जमा होगा, दोनों का फल लेने के लिए आना पड़ेगा। ये सतोगुण के प्रभाव में करते हैं और ये रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में करते हैं, लेकिन पाप और पुण्य जमा करते हैं तो फल लेने के लिए आना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो होता है अकर्म, ये नो रिएक्शन कर्म होता है, और ये करने से पुराने के पुराने जो कर्म होते हैं, रिएक्शन जमा होते हैं, वो भी जल जाते हैं। तो भगवान ने ये सब चीजें भागवत गीता में बताई है। अब अगर किसी को यहां से यहां जाने का शॉर्टकट रास्ता चाहिए, यहां से यहां जाने का शॉर्टकट रास्ता चाहिए, ओके, आप सबके पास में भागवत गीता है, सीक्रेट उसी में है। देखिए 8th chapter
आठवें चैप्टर का छठा नंबर श्लोक खोलिए, एट चैप्टर का छठा नंबर श्लोक खोलिए, आठवें चैप्टर का सिक्स नंबर श्लोक खोलिए। भगवान रास्ता बता रहे हैं, शॉर्टकट, यहां से वहां जाना है, शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अभी आप लोग बोलेंगे मैं तो चीटिंग कर रहा हूं, यहां तो कुछ शॉर्टकट बताया ही नहीं है। भगवान ने बोल रहे हैं कि मरते वक्त हम जिस भाव में शरीर छोड़ते हैं वो जगह हम पहुंचते हैं, उस चीज को हम प्राप्त करते हैं। करेक्ट, मतलब कि मरते वक्त जो चीज हम सोच रहे होंगे हम वहां पहुंचेंगे, ये भगवान बोल रहे हैं। लेकिन मैंने तो बात करी थी क्या कि मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं, इसमें शॉर्टकट तो है नहीं, तो मैंने गलत बताया था। इसके पहले वाला श्लोक देखो, इसके ठीक पहले वाला श्लोक देखो, अभी इसके ठीक पहले वाला श्लोक देखिए, पांचवा नंबर श्लोक। भगवान क्या बोल रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्तत्र संशयः। भगवान बोल रहे हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ये है ना शॉर्टकट, यहां पर भगवान ने शॉर्टकट बताया है। क्या भगवान बता रहे हैं, मरते वक्त शरीर छोड़ते वक्त यदि हम भगवान को याद कर लेते हैं तो हम सीधे यहां से यहां पहुंच जाएंगे, हम सीधे यहां से यहां पहुंच जाएंगे, यहां नहीं आना पड़ेगा। ये भगवान रास्ता बता रहे हैं, सीक्रेट बता रहे हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है, मरते वक्त भगवान को याद करना है। और पूरी भागवत गीता में ये जो सीक्रेट बताया है भगवान ने, लिख लीजिए, एट चैप्टर का ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भाव सिक्स्थ नंबर है, और अंत कालेच स्मरण मुक्त ये फिफ्थ नंबर श्लोक है। यही सीक्रेट है यहां से वहां डायरेक्ट जाने का, मरते वक्त भगवान को याद करो, लिफ्ट से भी फास्ट चीज लगी है, सीधे पहुंच जाएंगे। अच्छा, अभी अपने इंडिया में है ना, एक ही गोल्ड मेडल आया हुआ है, अभिनव बिंद्रा ने लाया था, बराबर ना, वो राइफल शूटिंग में। अभी अगर मेरे को जोश आ जाए कि इस बार का ओलंपिक होगा और मैं भी एक दो गोल्ड मेडल लाऊंगा राइफल शूटिंग में, और अगला ओलंपिक जहां कहीं भी होगा वहां जाके अगर मैं एक गन लेके खड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं गोल्ड मेडल लेके आ सकता हूं? नहीं। मुझे ये मालूम है कि गोल्ड मेडल लाऊंगा तो मुझे इंडिया में आने के बाद में 20-25 करोड़ रुपए का गिफ्ट तो पक्का मिल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये स्पॉन्सर वो स्पॉन्सर सब मिल जाएगा, ये मुझे मालूम है। लेकिन ओलंपिक के दिन अगर मैं वहां जाकर के खड़े होऊंगा तो क्या मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और उसके लिए पहले तो मुझे अंधेरी में क्वालिफाई करना होगा, अंधेरी में क्वालिफाई किया तो बॉम्बे में क्वालिफाई करना होगा, बॉम्बे में क्वालिफाई किया तो महाराष्ट्र में क्वालिफाई करना होगा, उसमें क्वालिफाई तब कहीं जाकर के इंडिया में क्वालिफाई करना होगा। मान लो इंडियन टीम में सेलेक्ट भी हो गया तो मुझे टॉप 16 में पहले इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिफाई करना होगा, और टॉप 16 में सेलेक्ट हो गया तब जाकर के मुझे वहां चांस मिलेगा, और उसमें भी अगर मैं टॉप 8 में रहा, फिर टॉप 4 में रहा, और फिर मैंने अगर वहां टॉप 4 में से अगर फर्स्ट किया तब जाकर के मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा। तो ये सीक्रेट मालूम पड़ जाने से हम यहां से यहां नहीं पहुंच जाएंगे। अब क्या करेंगे? तो भगवान ने इसी के लिए रास्ते बताए हैं। हर कोई एक ही लेवल पर नहीं है, हम सब एक ही लेवल पर नहीं है, हम सब मतलब कि हमारी कॉन्सियसनेस, हम लोगों ने कल कॉन्सियसनेस को डिस्कस किया था, हम सबका चेतना का स्तर एक जैसा नहीं है।
किसी किसी का अलग अलग है ना। तो भगवान ने पूरी भागवत गीता में एक सिंगल रास्ता नहीं बताया है, ये तो सीक्रेट बताया है कि यहाँ से यहाँ पहुंचने का यह सीक्रेट है, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करनी है तो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस भगवान ने अलग अलग रास्ते बताए हैं। तो भगवान ने भागवत गीता में सबसे पहला जो रास्ता बताया है वो बताया है अर्जुन को कर्मयोग का। जो सबसे पहला रास्ता बताया है वो है कर्मयोग। सेकेंड चैप्टर के 22 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। वहां पर भगवान कर्मयोग को डिटेल में समझाते हैं। सेकेंड चैप्टर के कुछ श्लोक, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर जो है वो कर्मयोग के बारे में है, कर्मयोग कैसे करना है। कर्मयोग समझ लीजिए, योग शब्द का एक ही मतलब होता है कि भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना, बस दूसरा और कुछ नहीं। जहां कहीं भी योग शब्द है इसका मतलब है कि भगवान के साथ अपना छूटा हुआ संबंध फिर से जोड़ने का रास्ता योग। पहला रास्ता है कर्मयोग के द्वारा। और कर्मयोग क्या है हम लोग ये श्लोक में से पढ़ लेते हैं, थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, 10 मिनट और आप लोग को रुकना पड़ेगा प्लीज। सेकेंड चैप्टर का 22 नंबर श्लोक आप देखिए, सॉरी 22 नंबर नहीं है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ 47 नंबर श्लोक, 47 नंबर जो श्लोक है वो कर्मयोग को बता रहा है। डिटेल में समझना है तो आपको सेकेंड चैप्टर भी पढ़ना है, थर्ड भी पढ़ना है, फोर्थ भी पढ़ना है, तो कर्मयोग समझ में आएगा। हम उसको डिटेल में समझाएंगे आगे चल के, लेकिन अभी उसको एक सेंटेंस में समझते हैं। कर्मयोग क्या है, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है। कर्मयोग मतलब क्या है भगवान यहां बता रहे हैं, तुम्हें अपना कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। ये कर्मयोग का रास्ता बताया है। पहला क्या बता रहे हैं कि हमको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसका जो रिजल्ट मिलेगा ना उस पे हमारा अधिकार नहीं है, और हम कभी भी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण नहीं मानेंगे। अगर आज के टाइम पे ऐसा सिचुएशन आ जाए तो कोई काम करेगा क्या? हम जो काम कर रहे हैं महीने भर काम करो लास्ट पगार नहीं मिलेगी, काम करेंगे नहीं करेंगे, फल तो वही है ना उसका। अच्छा दूसरी बात, काम तुमने किया लेकिन क्रेडिट भी मत लेना, कारण भी तुम मत बनना उसका। बोल रहे हैं ना भगवान, ये समझा रहे हैं कर्म करो फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है और क्रेडिट भी मत लो। तुम्हें काम ही क्यों करूं? तो भगवान को मालूम था कि मेरे जैसे लोग आएंगे और सब बोलेंगे मैं काम ही क्यों करूं। तो लास्ट में भगवान ने और एक बात बोली है, क्या बोली है, ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। अब कर्मयोग सिंपल है क्या? मतलब आप कर्म करो उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं है और उसका तुम क्रेडिट भी मत लेना, कारण भी मत बनना, और काम नहीं करने के बारे में तो सोचना ही मत। ये है कर्मयोग। बाकी डिटेल में समझाया गया है, आप थर्ड चैप्टर और फोर्थ पढ़ेंगे डिटेल में समझेंगे कर्मयोग को, लेकिन इन शॉर्ट यही है कि आप कर्म करो और उसका पूरा का पूरा भगवान को फल दे दो, ये कर्मयोग है। ये प्रैक्टिकली कलयुग में आसान नहीं है कर्मयोग। ओके, दूसरा रास्ता भगवान ने बताया है ज्ञान योग। ये ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग मतलब ये है कि नॉलेज जमा करो, मैं कौन हूं ये नॉलेज जमा करो, बाकी लोग कौन है ये नॉलेज जमा करो, हम लोग कहाँ पर है वो प्रकृति का नॉलेज जमा करो, इसका मालिक कौन है भगवान है उसका नॉलेज जमा करो, सब नॉलेज जमा करो, सब नॉलेज जमा करो, इतना सब मालूम पड़े। और ऐसा मालूम पड़ने के बाद ये मालूम पड़ा कि हम लोग यहाँ के रहने वाले थे
और हम लोग यहाँ भटक गए हैं, हम लोग को वापस जाना है, ये सारा का सारा ज्ञान जमा करो, वेद को पढ़ो, ये करो वो करो सब करो, और उसके बाद में तुमको ये मालूम पड़ जाएगा कि मैं भगवान हूँ, तुम मेरे अंश हो और तुम मेरे सेवक हो और तुम मेरी सेवा करने चले जाओ। ये है ज्ञान योग। सारा नॉलेज डिटेल में लो, जानो और जानने के बाद वापस मेरे पास में आ जाओ, ये है ज्ञान योग। अभी हम लोग अभी का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई मान लीजिए पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाता है, कोई MBBS डॉक्टर हो गया, कोई MD डॉक्टर हो गया, कोई IIT करके बड़ा इंजीनियर हो गया, कोई ISPCS का एग्जाम दे करके अच्छी पोस्ट पे चला गया, कोई बहुत अच्छा लॉयर एडवोकेट या जज बन गया, उसकी सिचुएशन क्या होती है, उसके अंदर कितना अहंकार आ जाता है। और ये सारा तो भौतिक ज्ञान है। अब ये भौतिक ज्ञान आने से इतना अहंकार होता है, तो आप इमेजिन कर लो कि जिसको आध्यात्मिक ज्ञान भी हो जाएगा तो उसे कितना अहंकार हो जाएगा। और ऐसे लोगों के लिए ही भगवान ने वो महर लोक और चंद्र लोक बनाया हुआ है कि ये सारा ज्ञान आने के बाद वो ज्ञान लोक में ही अटक जाते हैं। तो ये जो ज्ञान लोक ज्ञान योग है, इसको भी प्रैक्टिकली कलयुग में कर पाना इतना आसान नहीं है। करते हैं लोग, प्रयास करते हैं, लेकिन सक्सेस मिलना आसान नहीं है। तो फिर भगवान ने तीसरा रास्ता बताया है, तीसरा रास्ता बताया है ध्यान योग का। तीसरा रास्ता क्या बताया है? ध्यान योग का 6th chapter जो है, 6th chapter है, पूरा का पूरा ध्यान योग के बारे में है। आप खाली बुक में चैप्टर नंबर लिख लो, 6th chapter ध्यान योग, बस। भगवान ने वहां पर पूरा प्रोसेस बताया है, देखो अर्जुन ध्यान योग से भी मेरे पास आ सकते हो। अब ध्यान योग से कैसे आ सकते हैं? भगवान ने यह बताया है कि ये जो आत्माएं यहां से भौतिक जगत में आती हैं, तो भटकी हुई है ना ये, तो इनको रास्ता दिखाने के लिए भगवान खुद परमात्मा बन के हर आत्मा के साथ रहते हैं। परमात्मा बन के हर आत्मा के साथ यहाँ रहते हैं और उसको याद दिलाना चाहते हैं कि तुम यहाँ की चीज नहीं हो, तुम यहाँ की चीज हो। पूरी भागवत गीता में 6 जगह पर हमको ये नॉलेज मिलता है कि भगवान कैसे परमात्मा रूप में हर आत्मा के साथ रहते हैं। उपदिष्टाचा अनुमंताचा एक श्लोक आता है 13th chapter में, 23rd number श्लोक, वहां से हमको मालूम पड़ता है, अलग अलग जगहों पर आता है। तो ये जो परमात्मा है, ये आत्मा के साथ भगवान खुद परमात्मा रूप में रहते हैं। हम चाहे किसी भी योनि में रहे, किसी भी शरीर में रहे, लेकिन भगवान आत्मा के साथ उस योनि में उस शरीर में रहते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम यहाँ की चीज नहीं हो, तुम यहाँ की चीज हो, वापस चलो। और ध्यान योग जो है वो उसी परमात्मा के साथ कनेक्शन करना, जुड़ना और ज्ञान लेकर के बाहर निकल जाना। इसका पूरा प्रोसेस भगवान ने 6th chapter में बताना शुरू किया अर्जुन को। ऐसा स्थान चुनो, ऐसी जगह पर इस तरीके से ऐसा आसन बिठाओ, इस आसन पे आप ऐसे आसन में बैठो। फिर उन्होंने अष्टांग योग का रास्ता बताया, यम नियम आसन साधन, लास्ट में समाधि की बात बताई। और समाधि का मतलब क्या होता है कि अंदर जो परमात्मा है उस परमात्मा के साथ ध्यान लगाओ, उस परमात्मा पे ध्यान लगाओ और उसी पे ध्यान लगा करके शरीर छोड़ दो। ध्यान लगाओ अंदर के परमात्मा पे और फिर शरीर को छोड़ दो। यहां से आत्मा निकल जाएगी और फिर वो ध्यान योग के माध्यम से यहां पहुंच जाएगी। अभी भगवान है ना, ये सारा प्रोसेस समझा ही रहे थे, अर्जुन ने बीच में रोक दिया। भगवान बस आप बोलो ना तो मैं बाण चला करके वायु को बस में कर सकता हूं, लेकिन आप जो ये प्रोसेस बता रहे हो ना, मन को बस में करने का मेरे से नहीं होने वाला। अर्जुन ने बीच में भगवान को रोक दिया, ये नहीं होने वाला है मेरे से। अब अर्जुन द्वापर युग में वो इंद्रिय जीत था, उसको अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त थी, उर्वशी उससे विवाह करना चाहती थी, उसने मना कर दिया था, उसको श्राप मिला, उसको विहंगला बनना पड़ा। उर्वशी एक
स्वर्ग की अप्सरा उससे विवाह करना चाहती है और वो इंद्रिय जीत है कि वो बोलता नहीं करना है मुझे विवाह, और वो बोल रहा है कि मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। तो हम लोग क्या अभी कलयुग पे कंट्रोल कर सकते हैं? उसने द्वापर युग में ही बोल दिया था नहीं कर सकता हूं, तो हम लोगों ने अगर वो प्रयास किया तो मुझे नहीं पता कि हमको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो अब क्या करें, सारा रास्ता तो बंद हो गया। तो भगवान को मालूम था कि हमारे जैसे लोग भी रहेंगे, तो इसके लिए भगवान ने हम लोगों के लिए बनाया है भक्ति युग। अब ये भक्ति योग क्या है, चलो भक्ति योग समझते हैं। भक्ति योग मतलब ये होता है, थोड़ा हम लोग पूरे सेशन को अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी सुना है उसको एक साथ थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं। हम लोग कौन है? आत्मा है। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है, भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश नहीं है। परमात्मा अलग चीज है, भगवान अलग चीज है। भगवान परमात्मा के रूप में हर आत्मा के साथ रास्ता दिखाने के लिए रहते हैं, और परमात्मा जो है वो सिर्फ यहीं तक रहती है, परमात्मा यहां से आगे नहीं जाती है। ठीक है, हम थोड़ा फ्लैशबैक में जा रहे हैं कि हम सब आत्मा है। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। ओके, दूसरी बात, हमने जो ये शरीर पहन के रखी है ये किससे बनी हुई है? पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये क्या है? ये भगवान की भिन्ना शक्ति है। सेवंथ चैप्टर का फोर्थ नंबर श्लोक आप देखेंगे तो उसमें बताया गया भगवान की ये भिन्ना शक्ति है। और भगवान बोलते हैं कि सर्वलोकम महेश्वरम, सभी लोगों का मालिक मैं हूं। मतलब पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश का मालिक कौन है? भगवान है। तो हमारा शरीर जो है उसका मालिक कौन है? भगवान है। आत्मा जो है वो क्या है? भगवान का अंश है। आत्मा भगवान का अंश, शरीर जो चीजों से बना हुआ है उसका मालिक भगवान। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब आपको भक्ति योग समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। भक्ति योग का मतलब यह होता है कि ये हमारी जो सेंसेस है, ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां है ना, ये एक्सटर्नल इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, और अंदर उनका बॉस माइंड, मन और बुद्धि और अहंकार, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारी इंद्रियां बना रही है, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी बना रही है। तो भक्ति योग का मतलब होता है इंद्रियों को, ये जो ग्रॉस बॉडी है और सटल बॉडी है ये सब हमारी इंद्रियां है ना, तो इंद्रियों को इंद्रियों के मालिक की सेवा में लगा दो, यही भक्ति योग है। बहुत सिंपल है, आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए, इंद्रियों को इंद्रियों के मालिक की सेवा में लगाना, यही भक्ति योग है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, इंद्रियों को इंद्रियों के मालिक की सेवा में लगाना, यही भक्ति योग है। एक बार दोबारा से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंद्रियों को इंद्रियों के मालिक की सेवा में लगाना, यही भक्ति योग है। आप लोग बोलिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, चलो। अभी आप बताइए मुझे, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सरल है कि भक्ति योग सरल है? भक्ति योग सरल है। यहां पर हमको कर्मों के फल को नहीं देना है, यहां पर हमको ज्ञान जमा नहीं करना है, यहां पर हमको ध्यान लगा के नहीं बैठना है, हमको सिर्फ भगवान की सेवा में लग जाना है, भक्ति योग। बारहवां जो अध्याय है, जो ट्वेल्थ चैप्टर है भागवत गीता का, वो चैप्टर का नाम ही है भक्ति योग। ओके, जो बारहवां अध्याय है उसका नाम है भक्ति योग, और उसमें भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान आपके पास साकारवादी जो आपके पर्सनल रूप की पूजा करते हैं वो जल्दी पहुंचते हैं, कि निराकारवादी जो निराकार रूप में आपकी पूजा करते हैं वो जल्दी पहुंचते हैं? तो भगवान ने क्या बोला कि
निराकारवादी जो होते हैं वो बहुत जन्मों तक प्रयत्न करने के बाद आखिर में मेरे पास पहुंचते हैं, लेकिन जो साकारवादी होते हैं वो जल्दी पहुंच जाते हैं, ऐसा भगवान ने बोला है। लेकिन ऐसा बोलने के इमीडिएट बाद में भगवान ने कुछ और करेक्शंस किए, क्योंकि भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया तो अर्जुन का लेवल अलग था, लेकिन हम कलयुग में जो जीव है हमारा लेवल स्तर अलग है। तो भगवान ने हम सब के लिए और उसको डिटेल में बताते चले गए, सिंपल करते चले गए। हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी अब तक, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये हमारा ग्रॉस एलिमेंट, इसके ऊपर मन, इसके ऊपर बुद्धि, इसके ऊपर अहंकार पहचान, ठीक है। तो भगवान ने फिर 12वें अध्याय में रास्ता बताया है, जिसको जल्दी से जल्दी ऊपर आना है वो अपना मन बुद्धि अहंकार चित्त अपने शरीर की सेवाएं कर्म कर्मों का फल सब कुछ मुझको अर्पित कर दे, वो सबसे जल्दी पहुंचेगा। लेकिन सब लोग तो उस लेवल में नहीं रहेंगे, तो भगवान ने अगले श्लोक में बताया, अच्छा ठीक है चित्त को हटा दो, बुद्धि मन शरीर और कर्मों का फल इतना मुझे दे दो, लेट पहुंचोगे लेकिन आ जाओगे। अच्छा ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है ऊपर से बुद्धि निकाल दो, अपना मन और शरीर और उसके कर्म के फल इतना मुझे दे दो आ जाओगे। ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है मन भी निकाल दो, खाली अपने शरीर से मेरी सेवा कर दो आ जाओगे। ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है खाली कर्म के फल मुझे दे दो, वो तो पॉसिबल नहीं था। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा हुआ है, अरे कम से कम वर्णाश्रम में तो रहो आ जाओगे। 12वां चैप्टर पूरी भागवत गीता का सबसे छोटा चैप्टर है, सिर्फ 20 श्लोक है। उसमें पहले जो 2 श्लोक हैं वो भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किए हैं, तीसरे चौथे श्लोक में भगवान ने उसका उत्तर दिया है साकार और निराकारवादी का, 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें भगवान ने ये सीक्वेंस बताया है किसके लिए क्या रास्ता है। हम पूरा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो भगवान की सेवा तो शुरू कर सकते हैं शरीर से, और अगर हमको गोल्ड मेडल लाना हमारा लक्ष्य है, यहाँ से वापस ऊपर जाना ये हमारा लक्ष्य है, हमको प्रयास तो करना चाहिए। तो भक्ति योग कैसे करेंगे, इंद्रियों को इंद्रियों के मालिक की सेवा में कैसे लगाएंगे, उसका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ और अपना सेशन यहीं पर खत्म होगा। जो शॉर्टकट है वो ये है, जो कि प्रहलाद महाराज ने बताया हुआ है कि ये जो भक्ति योग है ये हम लोग कैसे कैसे कर्म कर कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब कि यहां से हमको यहां पहुंचना है तो हम कैसे कैसे भगवान को सेवा दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो रास्ता है वो है श्रवण, दूसरा है कीर्तनम, तीसरा है विष्णु स्मरण, उसके बाद है पाद सेवन, अर्चनम वंदनम, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तरीके हैं जिससे हम इंद्रियों को इंद्रियों के मालिक की सेवा में लगा सकते हैं। पहला क्या है, श्रवणम सुनना। अभी हम लोग जो कर रहे हैं कल से लेकर के आज तक ये भक्ति योग चल रहा है, और इसे आप लोग जो कर रहे हैं वो श्रवणम हो रहा है, ये भक्ति योग चल रहा है। मैं आप लोगों के साथ ये जो चर्चा कर रहा हूं और प्रभु जी ने जो चर्चा की थी ये सब क्या है, हम भगवान की गुण की नाम की रूप की चर्चा कर रहे हैं, ये कीर्तनम है, और हम लय में ताल में जो कीर्तन सुनते हैं वो भी कीर्तनम है।
तीसरा है विष्णु स्मरणम, भगवान को याद रखना अंदर अंदर से, विष्णु स्मरणम, ये भी अपने इंद्रियों को इंद्रियों के मालिक की सेवा में लगाना है, भक्ति योग है। उसके बाद पाद सेवनम, जैसे कि जैसे लक्ष्मी जी भगवान के पैर दबा रही हैं, सेवा कर रही हैं। अर्चनम, आप देखेंगे मंदिर में लोग भगवान की अर्चना करते हैं, आरती करते हैं। वंदनम, भगवान के लिए गीत गाते हैं, वंदना करते हैं, ये भी भक्ति योग है। दास्यम, जैसे हनुमान जी दास बन के राम जी की सेवा में लगे थे, वो है दास्यम रूप की सेवा। साख्यम, जैसे कि अर्जुन सखा रूप में भगवान की सेवा करते रहे, वो साख्यम है। और आत्मनिवेदनम, जैसे कि बलि महाराज ने अपने आप को ही भगवान को पूरी तरह से निवेदन कर दिया था, सखा रूप में भगवान आए थे, तो ये है आत्मनिवेदनम। आप इसमें से कोई एक प्रोसेस करो या सारे प्रोसेस करो, यहाँ से यहाँ जाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसमें से जो सबसे सरल रास्ता है वो है ये तीनों एक साथ करना। ये तीनों एक साथ कैसे कर सकते हैं, मेरा माला दे दीजिए। हम जो जप करते हैं क्या जप करते हैं हम लोग, महामंत्र का। और महामंत्र क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ये महामंत्र का जप करते हैं तो ये तीन चीज एक साथ हो जाती है। हम खुद बोलते हैं कीर्तन हो जाता है, हम खुद सुनते हैं स्मरण हो जाता है, और हम बीच बीच में भगवान को याद कर लेते हैं, विष्णु स्मरणम हो जाता है। तो ये जो आप देखेंगे कि इस्कॉन वाले ये ऐसी झोली लेकर के अंदर कुछ ना कुछ तो पैसा वैसा छुपा के रखते हैं, कुछ तो करते ऐसा लगता है ना, अंदर क्या करते हैं, अंदर ये छुपा के रखते हैं ये माला, और इसमें क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंदर एक सिक्का, अंदर धन अंदर आ गया, फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंदर ये एक बार महामंत्र जपा और अंदर ले लिया उसको, तो ये क्या हो रहा है, हम ये भक्ति योग कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम एक साथ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमको गोल्ड मेडल मिलेगा ये पक्का है। कब मिलेगा ये हमारी सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैंने क्या किया मालूम है आप लोगों के साथ में, जैसे बच्चे लोग की एग्जाम होती है ना, तो एग्जाम के टाइम पे क्या होता है, एग्जामिनेशन का डे फाइनल होता है, डेट फाइनल होता है, टाइम फाइनल होता है, सब्जेक्ट कौन सा एग्जाम होने वाला ये फाइनल होता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कौन सा आने वाला है ये नहीं पता होता है। तो बच्चे लोगों को क्या करना पड़ता है, पूरी बुक पढ़ के याद करके जानी पड़ती है स्टूडेंट्स को, और वहां जाकर के उनको जब क्वेश्चन पेपर देता है तब उनको क्वेश्चन मालूम पड़ता है, फिर वो आंसर याद करते हैं और फिर वो लिखते हैं। तो ये बच्चों की पढ़ाई का ये एजुकेशन सिस्टम है, और ये जो भगवान का जो सिस्टम है वो क्या है, इसे थोड़ा सा हटके है, यहां से यहां जाना है। तो भगवान ने क्या कर दिया है, क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया है, क्वेश्चन पेपर आउट, कहां आउट कर दिया है, भागवत गीता में। क्वेश्चन क्या है, ऊपर कैसे जाना है, और आंसर क्या है, मरते वक्त भगवान को याद करके जाना है। क्वेश्चन भी आउट कर दिया है, आंसर भी आउट कर दिया है। बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, पूरी बुक याद नहीं करनी है, लेकिन भगवान ने टाइम टेबल बनाने में एक गलती कर दी। क्या गलती किया, एग्जाम किस दिन है, कितने बजे है, किस तारीख को, ये नहीं बताया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, भगवान का ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम कब तक करेंगे, बस हमको यही प्रैक्टिस करना है। हमारे ये पूरी भागवत गीता का इंट्रोडक्शन का जो पर्पस था वो यही था कि भगवान यही बात अर्जुन को बार बार बता रहे हैं, सारे रास्ते बताए,
और बीच में अर्जुन ने डाउट किया, अगर मैं इस देवता की पूजा नहीं किया तो, उसका नहीं किया, उसका नहीं किया, तो भगवान ने उसका भी सॉल्यूशन दे दिया है। आप जब 18 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भगवान बोलते हैं, सर्वधर्म परित्याज माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षास्मि मा सुचः। मा सुचः मतलब डोंट वरी, डरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम सारे धर्मों को छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चले जाऊंगा, ये वादा करता हूं। और पूरी भागवत गीता का अगर एक श्लोक में अर्थ समझना है तो आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए, 9th चैप्टर का 34 नंबर श्लोक, 9वें अध्याय का 34th नंबर श्लोक और 18वें अध्याय का 65 नंबर श्लोक, ये दोनों श्लोक एक ही है। 9th चैप्टर का 34 नंबर श्लोक और 18th चैप्टर का 65 नंबर श्लोक एक ही श्लोक है। और पूरी भागवत गीता का अगर मैसेज एक लाइन में समझना है तो यही भागवत गीता का एक लाइन में मैसेज है, वो मैं श्लोक पढ़ देता हूं और अपनी आज का ये जो प्रोग्राम है ये खत्म होता है। देखिए 9th चैप्टर का 34th नंबर श्लोक मैं पढ़ रहा हूं पहले, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु मामे वैश्यासी युक्तम मात्मना मत परायणा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो, इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। भगवान ने साफ साफ बता दिया है, क्या करो, मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, तो क्या होगा, मेरे पास आ जाओगे। और आप 18 चैप्टर का जब लास्ट का श्लोक 65 नंबर श्लोक पढ़ेंगे तो वहां पर भी भगवान यही बोलते हैं और साथ ही बोलते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं 18 चैप्टर का 65 नंबर श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। भगवान यहां प्रॉमिस भी कर रहे हैं, डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने क्या किया है, क्वेश्चन पेपर भी आउट कर दिया है, आंसर पेपर भी आउट कर दिया है, प्रैक्टिस का रास्ता भी बता दिया है, ये तीन चीज आसान नहीं है, भक्ति योग बता दिया है, भक्ति योग करने के तरीके बता दिए हैं, अब हम लोगों के पास खुला रास्ता है, हमको चॉइस करना है, सकाम कर्म करके पुण्य भोग करके सुख के लिए आना है, विकर्म करके दुख के लिए यहाँ आना है, हमको इसमें से बाहर निकल जाना है। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।